जीत शर्मा एंड वेलकम टू द मैराथन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलो स्टार्ट करते हैं आई यूपीएसई नोम क्लेचर से अब देखो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा डिटेल्ड वे में अगर पढ़ाएं मैकेनिज्म से तो बहुत टाइम लगता है लेकिन अगर हम लोग थोड़ा इसे इंपॉर्टेंट टिप्स वाइज देखें इस सेशन को जितने चीजें बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट है नीट ट्वेंटी फोर के लिए ठीक है तो आप एक एक करके देखिए आई यूपीएसलेचर में हम इसको इजीली सब डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट्स में हाइड्रोकार्बन्स फंक्शनल ग्रुप्स एंड एंड इट्स बेनजी सबसे पहले रिवाइज करते हैं हाइड्रोकार्बन को जो जो इसके बुलेट पॉइंट थे आपको पता है हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम लोग डील करते हैं एलकेन से इट तो एल्केन्स में हमको पता है कि इसके सारे जो रूल्स थे पहला रूल हो गया सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एज पेरेंट चेन ठीक है उसके बाद नेक्स्ट रूल हो गया आपका अगर पेरेंट चेन में कोई टाई हो जाए तो हम मैक्सिमम ब्रांचिंग को कंसिडर करते हैं और जो फाइनल पॉइंट था हमारा दैट इज नंबरिंग अगर नंबरिंग में भी देखें आपको पता है कि फर्स्ट पॉइंट होता है फर्स्ट सब्सिट्यूएंट को मिनिमम पोजीशन देना है नेक्स्ट पॉइंट था अगर फर्स्ट सब्सटीटूट में टाई हो जाए तो हम फिर सम रूल लगाते हैं जिसमें लोअर सम प्रेफर्ड होता है उसके बाद फाइनल रूल था एल्केन्स के लिए एल्फाबेटिकल रूल अगर सम रूल फेल हो जाए तो हम लोग स्मॉलर एल्फाबेट को लोअर पोजिशन हमें देना होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्केन्स का अगर अगर हम लोग एक example ले लें इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो बहुत सिंपल है आपको पता है कि लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे और इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा टू क्लोरो ब्यूटेन सही बात है दिस इज इट्स आईयूपीएसी पी एस सी नेम विथ

तो कार्बन है? हम है हमारा प्राइमरी क्या हो जाएगा एन तो आई थिंक इट इज वेरी सिंपल एल के एन का रिविजन आप इजिली कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बस ध्यान रखना इसमें जो सफिक्स प्राइमरी होता है वो एन होता है बाकी यू हैव टू ब्लाइंडली फॉलो दिस फॉर्मूला जिसमें प्रीफिक्स हमारा क्या होता है सब्सटीट्यूएंट वर्ड रूट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन ठीक है और सफिक्स प्राइमरी एन इन आइन डिपेंड करता है अगर एल्कीन है तो एन एल्कीन है तो इन एल्काइन है तो आइन और सफिक्स सेकेंडरी इज फॉर फंक्शनल ग्रुप्स लेट्स टॉक अबाउट एल्कीन्स अगर हम लोग एल्कीन्स की बात करें तो आपको पता है इसमें सफिक्स प्राइमरी जो आ जाता है वो इन आता है और अगर इसको भी मैं रूल्स में सब डिवाइड करूं तो पहला रूल होता है आपको डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन देना होता है सेकंड रूल जो होता है अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो वर्ड रूट प्लस ए हम लोग यूज करते हैं दो डबल बॉन्ड है तो डाईन तीन डबल बॉन्ड है तो ट्राईन चार है तो टेट्राइन सो फोर्थ एंड सो ऑन लेकिन जो फाइनल रूल होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्ट पेरेंट चेन इन सच ए वे दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर कवर्ड

इट विल बी ब्यूट वर्ड रूट के साथ ए आ जाएगा एक वन थ्री डाई इन उसके बाद जो फाइनल रूल मैंने आपको बोला है ये वाला क्वेश्चन जैसे ठीक है अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो हमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड कवर करना होता है ये वाला तो इसमें टू थ्री डाई इथाइल ब्यूटा वन थ्री डाईन आर यू अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो दिस इज हाउ वी कैन सम अप आल्सो, तो ये आपके समल्कि के रूल थे अब एकदम सिमिलर होता है आपका एलकाइंस एल्काइंस एल्किस जैसा ही एकदम सेम रूल्स रखता है ओनली डिफरेंस बिंग ये ट्रिपल है तो इसका सफिक्स प्राइमरी क्या होता है आइन

उसके बाद वर्ड रूट फिर सफिक्स प्राइमरी फिर सफिक्स सेकेंडरी ठीक है अब अगर हम लोग देखें फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन ही ले लेते हैं ठीक है इन क्वेश्चन का हम लोग नेमिंग कर लेते हैं तो अगर हम लोग देखें यहां पे इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो क्या? आप थोड़ा सा खुद से भी ट्राई करते रहिए क्वेश्चंस को वन ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन। अगर इसके लिए हम लोग देखें तो इट विल बी ये सबको समझ में तो आया नंबरिंग ऐसा क्योंकि हमने क्योंकि आपको पता है कि इथाइल है और ये मिथाइल है ठीक है तो एल्फाबेटिकली स्टार्ट करेंगे इथाइल टू मिथाई साइक्लो प्रोपेन ठीक है तो लेट्स टेक अ टू मिनट ब्रेक हेलो एवरीवन अच्छा एक चीज आप बताइए कि थोड़ा सा वीडियो लैग हो रहा है प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में बताइए अगर भी हो रहा है यार ये थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू होगा लेट्स कंटिन्यू ठीक है अब ये वाले कंपाउंड का नेमिंग करते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है सबको बड़ा मजा आ रहा होगा हमें पता है कि डबल बॉन्ड को हमें मिनिमम पोजिशन देना है लेकिन आपके पास दो चॉइसेस है अगर यहां से करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पोजिशन मिल रहा है अगर यहां से करेंगे थर्ड पोजिशन मिल रहा है अब ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है कि थ्री सिक्स से छोटा होता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा थ्री क्लोरो साइक्लो इट ये हमारा यूपीएससी नेम हो जाएगा अब इस पे आते हैं अब देखो फिर से दो चॉइस है हमारे पास ठीक है क्लियर है हम लोग क्या कर सकते हैं या तो डबल बॉन्ड का नंबरिंग वन टू थ्री यहां से वन थ्री हो जाएगा डबल बॉन्ड का पोजिशन या फिर वन टू थ्री फोर वन फोर कर सकते हैं हमें पता है डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना ही हमारा मोटिव होना चाहिए क्योंकि सबसे पहला प्रायोरिटी किसको जाता है फंक्शनल ग्रुप्स उसके बाद किसको जाता है सफिक्स प्राइमरी एन इन आइन लास्ट प्रायोरिटी किसको जाता है सब्सटीटेंट्स को तो इसलिए हमें डबल बॉन्ड से ही शुरू करना होगा और इसे मिनिमम पोजिशन देना होगा तो आप अगर ये नंबरिंग कर देंगे तो आपको पता है इसका नेम हो जाएगा फाइव आ गया समझ में ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग तो साइक्लिक भी बहुत इजी है मेरे हिसाब से कर पाएंगे ठीक है तो नोमेनक्लेचर में यार बस रूल्स आपको याद रहे तो आप प्रॉब्लम्स आराम से कर सकते हो ठीक है अब थोड़ा सा आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स पे अब अगर फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी टेबल का सीन बता देता हूं जो मेरे हिसाब से सबने याद किया ही होगा ठीक है सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड फिर आता है एसिड एनाइड्राइड फिर आता है ईस्टर फिर आता है एसिड हेलाइड अमाइड साइनाइड आइसोसाइनाइड एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल थायोल अमाइन प्रायोरिटी टेबल आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए तब आप इजीली प्रॉब्लम्स कर पाओगे ठीक है अब जैसे अगर एक बेसिक क्वेश्चन ले लें ऑब्वियसली और एक चीज आपको याद रखना है इन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए इनका जो सेकेंडरी नेम होता है और प्रीफिक्स और मैं ये एज्यूम करता हूं सारे बच्चों को जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ऑब्वियसली सफिक सेकेंडरी और प्रीफिक्स याद ही होगा तो एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जैसे डॉन ग्रुप से ही शुरुआत करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड सही बात है कि नहीं सबका डॉन है अब नंबरिंग अगर करेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मुला है प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी तो प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं वर्ड रूट क्या है ईथ सिंगल बॉन्ड है तो एन और हमें पता है फर्स्ट पोजीशन पे इसका सफिक्स सेकेंडरी होता है ऑइक एसिड तो हमारा ई e हट जाएगा इसलिए इसे बोला जाता है इथानोइक एसिड दिस जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन ठीक है अब अगर हम लोग पॉलीफंक्शनल ले ले जो मैं बोल रहा था कि प्रायोरिटी टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है देखो यार अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले आपसे इस क्वेश्चन का अगर आपसे आई यूपीएस नोम पूछ लिया जाए ठीक है तो आप कैसे करोगे अब आपको पता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी है हमारे पास एल्कोहल भी है और हम लोग जानते हैं कि प्रायोरिटी टेबल में कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है ऊपर तो ये पैरेंट चेन फॉर्म करेगा और ऑटोमेटिकली ये ओएच OH क्या बन जाएगा सब्सटीटेंट तो इसलिए इसका नाम होगा टू हाइड्रोक्सी इथानोइक एसिड आई थिंक एवरीवन इज अंडरस्टूड ठीक है क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं तो आपके आपको सारे फंक्शनल ग्रुप्स इस तरीके से डील करने हैं जैसे कुछ और भी थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो इसको देखो यहां पे सल्फोनिक एसिड हमें पता है कि पेरेंट चेन फॉर्म करेगा बाकी सारे हमारे सब्सिट्यूंट बन जाएंगे तो इसका नाम क्या होगा फोर क्लोरो थ्री हाइड्रोक्सी एंड बी पेंटेन टू सल्फोनिक एसिड ठीक है ये थ्री फॉर माइल साइक्लोहिक्सैन कार्बोक्सिलिक एसिड ये लास्ट वाला मैंने दिया ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन होता है आप लोगों को पता है कि तीनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम फंक्शनल ग्रुप है तो ऑब्वियसली इनका प्रॉपर्टीज क्या होता है सेम तो इसलिए तीनों को इंक्लूड नहीं कर सकते तो तीनों को एक्सक्लूड कर देंगे तो इसका नाम क्या होता है प्रोपेन वन टू थ्री ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है तो बाकी किसी भी फंक्शनल ग्रुप में मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत आने वाला है ठीक है आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप कर सकते हैं लेकिन मुझे पता है थोड़ा सा स्टूडेंट्स को जो टेरीफाई करता है या थोड़ा सा आ, डर लगता है स्टूडेंट्स को तो वह है एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड तो उसके एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं चलो नेक्स्ट तो एस्टर के अगर क्वेश्चन हम लोग लें तो देखो एस्टर में डरने की कोई बात नहीं है

मिथाइल पहले आएगा फिर आएगा आपका टू ब्रोमो उसके बाद तो नो लफड़ा प्रोपानोएट, सही सही कि नहीं अगर साइक्लिक भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मिथाइल अपने पास है बाय डिफॉल्ट सब्सिटेंट इस बार लेकिन हमने नंबरिंग में इंक्लूड नहीं किया है तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट ये हो जाएगा कर पाएंगे मेरे हिसाब से ईस्टर्स ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं लेट्स टॉक अबाउट भी बहुत आसान है सिंपल टेक्निक बता दूंगा तो तुम एनहाइड्राइड्स के कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो हालांकि नीट में आएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन ही आएगा अगर एनहाइड्राइड की बात करें अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे ठीक है एनहाइड्राइड में तुम कैसे करो इसे इसका यूपीएससी नेम बताना है इसका सोर्स ढूंढो सोर्स मतलब एनहाइड्राइट क्या होता है दो कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हम लोग वाटर निकाल ले वही होता है एनहाइड्राइट तो आप क्या करो इसको वाटर एड कर दो तो अगर इसको वाटर एड करेंगे हम लोग एच ओ एच इट तो मुझे बताओ ये अल्टीमेटली टू मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड से बन रहा है कि नहीं ये तो मानते हैं सब लोग मतलब ये एनहाइड्राइट बना किससे इथानोइक एसिड तो इथानोइक एसिड से जो एनहाइड्राइड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग इथानोइक एनहाइड्राइड क्लियर है बात तो इसमें एक्चुअली करना क्या होता है एसिड हटाओ एनहाइड्राइड लगाओ तो एक तो सिमेट्रिकल आ सकता है दूसरा अनसिमेट्रिकल भी आ सकता है तो अगर अनसिमेट्रिकल भी पूछ ले तो टेंशन नहीं लेना है आपको पता है कि एनहाइड्राइड कैसे बनेगा एक्चुअली वाटर ऐड करने के बाद आप इधर से ऐड करो या इधर से ऐड करो आप खुद ही देख सकते हो इथानोइक एसिड और प्रोपानोइक एसिड से ये एनहाइड्राइड बन रहा है तो ऑब्वियसली इसका नाम होगा इथानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड नाम देख के आपको पता चल जाएगा कि किस एसिड से बना है ये नाम देख के मुझे पता चल रहा है ऑब्वियसली कि इथानोइक एसिड से बना है ये नाम देख के मुझे पता चल रहा है कि इथानोइक एसिड और प्रोपानोइक एसिड से ये बना है आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरी ठीक है चलो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स प्रैक्टिस करना यार इसमें अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स में इसमें अगर क्वेश्चन आया तो बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन आएगा फंक्शनल ग्रुप्स का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा रहता है वैसे तो इससे चांसेस कम ही क्वेश्चन आएगा आएगा तो ये कुछ ही हाईलाइटेड टॉपिक्स रहते हैं अब बेंजीन को तो यार हर कोई जानता है यही होता है हमारे लिए बेंजीन अब इससे आप कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को जैसे एसोसिएट कर दो सीओ एच अगर हो गया सब लोग जानते हैं इसे पॉपुलरली बेंजोइक एसिड एसिड या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक भी भी बोलते हैं 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 दिस इज मोर पॉपुलर नेम ऐसे कुछ और भी है। हैं तो बहुत कुछ मैं आपको बता देता हूं जैसे ये हो गया इसको क्या बोलते हैं देखो आप भी ट्राई करते चलो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ठीक है ताकि आपका भी एक प्रॉपर रिविजन हो जाए क्या बोलते हैं इसे बेंजल डिहाइड उसके बाद इसका आईयूपीएसी एक्सेप्टेड नेम क्या होता है फिनॉल वैसे ही कुछ और भी है जरूरी नहीं कि हमेशा फंक्शनल ग्रुप का ही अटैचमेंट हो अगर मैं बेंजीन से सी एस थ्री अटैच कर दूं, ये एक बार जई एडवांस -E में आया था देखो इजियर क्वेश्चन जो जई -E के होते हैं उसको नीट में रिपीट कर देते हैं कि इसका मोर देन वन आंसर टाइप पे क्वेश्चन आया था तो हमें पता है कि इसको हम लोग मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं बोल तो सकते हैं दूसरा नाम इसको भी बोलते हैं हम लोग सही बात है ठीक है क्लियर है तो ऑब्वियसली दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रहे बेंजीन से मिथाइल और इथाइल छोड़ के अगर तुम कोई और एलकाइल रूप अटैच करते हो तो फिर बेंजीन ही हमारा सब्सटीटेंट बन जाता है जैसे तो ये वाला रहता है इसका अगर हमें आईयूपीएसी नेम पूछ ले ठीक है तो ये वाला हमारा पेरेंट चेन बन जाता है और बेंजीन ही सब्स्टिट्यूएंट है हमारा तो इट इज 1 फिनाइल हेप्टेन आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड इट ठीक है अब दो टाइप के क्वेश्चन बताता हूं इसमें एक सिचुएशन हो सकता है ये वाला एक सिचुएशन हो सकता है ये वाला ठीक है मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप मैंने अटैच किया है अब इसको मैं दो चीजों में डिवाइड कर सकता हूं जैसे यहां पे हो गया सेम फंक्शनल ग्रुप यहां पे हो गया डिफरेंट अगर कभी सेम फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो आपको क्या करना होता है बेसिकली यू हैव टू यूज द नॉर्मल सफिक्स बहुत स्टूडेंट्स को इसमें डाउट आ सकते हैं कि सर बेंजोइक एसिड या वन टू डाई बेंजोइक एसिड ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आपको पता है, है? तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा बेंजीन वन फोर डाई एसिड ठीक है अब एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप आए लेकिन डिफरेंट ठीक है तब हमें सिंपल प्रायोरिटी फॉलो करना होता है तो आपको पता है इसमें अगर प्रायोरिटी फॉलो करेंगे तो इसका आयूपीएससी नेम हो जाएगा टू हाइड्रोक्सी बेन्जोइक एसिड आई थिंक एवरी वन इज ठीक है क्लियर है और एक लास्ट पॉइंट इसमें मुझे बताना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन कभी फेस करो

और ये मेरा बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा तो इट इज वन फिनाइल मेथनॉल आई थिंक इट इज क्लियर ठीक है तो मोर और लेस इस टॉपिक में बस आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में रूल्स याद रखना ऑप्शन से सॉल्व करना है एग्जाम में क्लियर है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म अब आइसोमेरिज्म जो हमारा पार्ट होता है ये आपको पता है इसमें हमें सेम मोलिकुलर फॉमूला मेंटेन करना है लेकिन डिफरेंट क्या होना चाहिए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है अब इसका सब डिविजन वगैरह आपको आइडिया हो गए इसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइजोमरिज्म ठीक है स्ट्रक्चरल के लिए एक ऑल्टरनेट टर्म भी होता है कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है अब पहले स्ट्रक्चरल के टाइप्स को देख लेते हैं स्ट्रक्चरल में बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं सबसे पहले आता है

पोजीशन आइसोमेरिज्म की तो बड़ा सिंपल है कंपाउंड सेविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आइसोमेरिज्म में ये चीज याद रखना आइसो का मतलब ही होता है सेम तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए लेकिन डिफरेंट इस बार कौन है नाम क्या है पोजीशन लेकिन किसका पोजीशन या तो सब्स्टिट्यूएंट या तो फंक्शनल ग्रुप या तो मल्टीपल बॉन्ड जैसे अगर हमने ये केस ले लिया या फिर ये केस हमने ले लिया या फिर इसी के लिए ये अगर हम लोग ये केस ले लें तो आप लोग देख सकते हो पहला वाला भी पोजीशन आइसोमर है क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन आप आईयूपीएसी नंबरिंग से देख लो ये फर्स्ट पोजीशन है यहां पे नंबरिंग क्या है पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इज सेकेंड तो ये दोनों पोजिशन आइसोमर हो गया वैसे यहाँ पे पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप देख लो आप, का पे क्या है? आपू पहले वाले वाले में, में दूसरे क्या है अगर हम लोग पे पे का देख तो क्या है जबकि यहाँ पे क्या है वन थ्री तो, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ भी पोजिशन डिफरेंट है तो ये सारे केसेस हो गए पोजिशन आइसोमर के सही है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शनल फंक्शनल मतलब सिंपल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट अगर मोलिकुलर फॉर्मुला सेम है और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे फंक्शनल जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर मैं दे दूं, आप देखो एल्कोहल और इथर हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है आप देख सकते ये C2H6 हो ये सी टू एच सिक्स ये भी सी टू एच सिक्स क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंट है तो इनका केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा जैसे आगे जाके आप लोग रिएक्शंस में पढ़ते हो ये लुकास टेस्ट देता है ये लुकास टेस्ट नहीं देता है तो हम लोग इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इनको ठीक है तो इसलिए हम इनको फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं बाकी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं मैं सारे एक बार के लिए आपको बता देता हूँ डिक्टेट कर देता हूँ क्योंकि आपने सब पढ़ा ही होगा एल्कोहल ईथर जैसे मैंने बताया वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर आपने देखा होगा वो भी आपका फंक्शनल लाइस उमर होता है एल्किन एंड एल्काइन हो गया एल डी हाइड एंड कीटोन हो गया साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड हो गया उसके बाद एलकाइन नाइट्राइट एंड नाइट्रो एल्केन हो गया ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन दो ऐसे भी केसेज हैं जो हमारे फंक्शनल लाइस उमर होते हैं इंस्पाइड की वो सेम खानदान के हैं जैसे अमाइन और अमाइड वन डिग्री अमीन हो गया डिग्री अमीन हो गया और थ्री डिग्री अमीन हो गया अगर इनका मोलिकुलर फॉर्मुला सेम है तब हम ये बोलेंगे कि वन डिग्री टू डिग्री और फंक्शनलोन डिग्री अमाइन क्या होते हैं फंक्शनल आइसोमर सेम फॉर अमाइड टू डिग्री अमाइड और थ्री डिग्री अमाइड इनका मोलिकुलर फॉमुला सेम है तो यह भी क्या होते हैं फंक्शनल आइसोमर ठीक है चलो इसमें एक स्पेशल केस भी कभी कभार पूछ लेते हैं रिंग चेन वाला तो ये भी आपको ध्यान रखना है जैसा नाम वैसा काम रिंग चेन रिंग मतलब क्लोज चेन चेन मतलब ओपन चेन तो अगर हम लोग देखें ये दोनों जैसे इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है C386, इसका भी क्या है C386, लेकिन तुम जानते हो कि ये क्या है क्लोज चेन ये क्या है ओपन चेन तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम अगर एक रिंग आ गया और एक ओपन चेन आ गया तो उसे बोलते हैं रिंग चेन है नेक्स्ट आता है मेटामेरिज्म

तो आपको पता है इथर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इथॉक्सी ईथे या फिर मैं इसे मेथॉक्सी प्रोपेन भी लिख सकता हूं दोनों में सिमिलरिटी क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला का लेकिन आप अगर देखोगे लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड नेचर ऑफ ग्रुप्स डिफरेंट है कि नहीं इथाइल और प्रोपाइल राइट साइड राइट साइड नेचर ऑफ ग्रुप्स डिफरेंट है कि नहीं इथाइल और मिथाइल इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे मेटामर्स मेटामर्स में बस पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड राइट साइड नेचर ऑफ ग्रुप्स देख लो अगर डिफरेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे मेटामर्स सिंपल एक लास्ट स्ट्रक्चरल में आता है टॉटोमेरिज्म टॉटोमेरिज्म का जो केस होता है इट इज वेरी सिंपल आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कीटो टू इट. ये हो गया हमारा फॉर्म अब इसका इनॉल कुछ ऐसे बन सकता है अब इसको यार इनॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप लोग देख रहे डबल बॉन्ड है तो इन एल्कोहलिक ग्रुप है तो ऑल इसलिए इसको बोलते हैं इनॉल. ठीक है अब एक सिंपल टेक्निक से मैं आपको बता सकता हूं कि ये कैसे बना सकते हैं हम लोग आप देखिए पाई को डिलोकलाइज कर रहे हैं हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर रहे हैं तो यही तो बन जाएगा पाई को हमने डिलोकलाइज किया हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर दिया तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है इसलिए टोटोमर का मीनिंग ही होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन ठीक है इसमें जो दो टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है एक है इनॉल कंटेंट का और दूसरा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर टोटोमर्स ठीक है या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव टोटोमरिज्म पैटर्न रहता है तो हम लोग एक एक करके देखते हैं इनको सबसे पहले अगर बात करें इनोल कंटेंट का देखो भाई लोग इनऑल कंटेंट में जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं उन पे बात कर लेते हैं आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा ये इनऑल कंटेंट का मतलब ये होता है परसेंटेज ऑफ इनॉल इन द मिक्सचर ठीक है क्लियर है तो अब अगर अगर फैक्टर्स की बात करें इनॉल कब ज्यादातर बन सकता है एक फैक्टर होता है एरोमैटिसिटी अगर हम लोग देखें जैसे ये हमारा कीटो है इसका अगर इनॉल बनाएंगे तो ये देखो ये रिंग कैसे आए एरोमेटिक सही बात है लेकिन मुझे बताओ अगर मैं इस कीटो के लिए ले लो इनॉल बनाओ तो अब मुझे बताओ रिंग कैसा है एंटी तो हम देख के बता सकते हैं। ये इनॉल तो 100% परसेंट में बनेगा लेकिन ये जो हमारा इनॉल है ये बनेगा ही नहीं जीरो परसेंट तो इसलिए हमारा इनॉल रिंग का अगर रहा अगर रिएक्टेंट हमारा रिंग रहा तो एक बार आपको क्या करना है इनॉल का एरोमेटिसिटी चेक कर लेना है अगर एरोमेटिक बन रहा है इनॉल तो बहुत हाई परसेंटेज में बनेगा अगर एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमैटिक बन रहा है तो वो कम परसेंटेज में बनता है तो दिस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट अब एरोमेटिसिटी के अलावा अगर आपको कभी भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप दिख जाए ये मिथाइलिन मतलब सी एच टू एक्टिव इसलिए क्योंकि दो कार्बोनिल है तो ऑब्वियसली इस हाइड्रोजन को एसिडिक बनाएंगे इसका अगर हम लोग इनॉल बनाए ये तो आप लोग देख सकते हो यहां पे एज बॉन्डिंग का फैक्टर है आ रहा है कि नहीं तो हम क्या बोल सकते हैं कि एज बॉन्डिंग की वजह से ये जो तो इनोल होगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो इसलिए आपको एरोमेटिसिटी का फैक्टर और ओपन चेन रहा तो बेसिकली एक्टिव मिथाइलिन का फैक्टर आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कीटो फॉर्म्स अगर दिखें जैसे ये वाला कीटो दिख जाए एक्टिव मिथाइलिन वाला तो इसका इनोल कंटेंट बहुत ज्यादा होगा क्लियर है एक लास्ट फैक्टर अगर ये दो ना लगे तो आप फिर कार्बेनाइन स्टेबिलिटी से भी क्वेश्चन को कर सकते हो जैसे इन दोनों में अगर इन दोनों में हमें बोल दें ठीक है कि इनऑल कंटेंट ठीक है किसका ज्यादा होगा ठीक है तो आप देख सकते हो यहां पे अब मैं ये भी कार्बेनाइन बना सकता हूं और ये भी कार्बेनाइन बना सकता हूं ठीक है लेकिन अगर दोनों कार्बेनाइन में देखें यहां पे इसका माइनस आई लग रहा है कि नहीं इंडक्टिव इफेक्ट तो ऑब्वियसली दिस कार्बेनाइन विल बी मोर स्टेबल तो इसलिए इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा हो जाएगा तो ये हमारा थर्ड फैक्टर होता है मतलब सबसे पहले आप रिंग वाला अगर रिएक्टेंट है देखोगे उसके बाद फिर मिथाइलिन की पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं लग रहा है तो कार्बे स्टेबिलिटी से सॉल्व कर दोगे ठीक है चलो आगे आते हैं टॉटोमर्स पे ठीक है आइडेंटिफिकेशन पे तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं अगर हमें पूछा जाए किन में अगर इनमें पूछा जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन गिव टॉटोमेरिज्म ठीक है तो एक बार आप ट्राई भी कर सकते हैं ये क्वेश्चंस तो आप देखो बहुत इजी है आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हम लोग इजीली टॉटोमर बना सकते हैं डीलोकलाइज़ करके इसको तो ये पॉसिबल है अगर हम लोग यहां पे देखें यहां भी पॉसिबल है

तो ये ओ OH, डबल और ये मिथाइल मिथाइल आई थिंक एवरी वन इज अंडरस्टूड ठीक है ये हमारा स्ट्रक्चरल वाला पार्ट है तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना नेक्स्ट अब आते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे लेट्स टॉक अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बेसिकली हमको तीन पार्ट देखना होता है अगर सबसे पहले देखें हम लोग ज्योमेट्रिकल तो बड़ा सिंपल और इजी है ठीक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर बात करें आपको पता है मेजरली इस पे जो क्वेश्चन आता है वो डबल बॉन्ड सिस्टम पे ही आता है तो व्हाट इज द कंडीशन तो मैं आपको सिंपल कंडीशन बता देता हूं डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ए बी और सी डी अगर ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो हम क्या बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी कब होगी तो पॉसिबिलिटी तभी होती है व्हेन ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी नॉट इक्वल टू टी बिकॉज वॉट इज द बेसिक कंडीशन ऑफ जोमेट्रिकल पहला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ठीक है जो की हमें रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन मिल रहा है किससे पाई बॉन्ड से क्योंकि पाई बॉन्ड को घुमाएंगे तो टूट जाएगा और जो सेकेंड कंडीशन होता है कि रेस्ट्रिक्टेड आइटम में हमारे ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए तो ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो जी आई देगा तो पहला क्वेश्चन आपके नीट में जो एकदम ईजी क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव जी आई तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है कुछ मैं आपको जैसे बता देता हूँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव जी आई ट्राई करो इन क्वेश्चन को ठीक है इनमें अगर आप देखोगे यहां पे ग्रुप सेम हो चुका है तो ये जी नहीं देगा यहां पे अगर देखेंगे मिथाइल और एच डिफरेंट है यहां भी मिथाइल और एच डिफरेंट है तो ये जी आई देगा यहां पे अगर देखेंगे मिथाइल मिथाइल सेम हो गया ये जी आई नहीं देगा यहां पे अगर देखेंगे ये भी डिफरेंट ये भी डिफरेंट तो हम क्या बोलेंगे ये जी आई देगा आई थिंक इट इज क्लियर ठीक है तो बड़ा ईजी है कुछ नोमन क्लेचर आपको पता होना चाहिए इसमें जैसे की अगर बात करें बड़ा सिंपल है सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड इज नोन एज सिमिलर ग्रुप ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ डबल सिंपल ठीक है अब इसमें ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ ले बॉइलिंग पॉइंट वगैरह तो आप डायपल मोमेंट से सॉल्व कर सकते हो आपको पता है इसका डायपल मोमेंट जो है वो नॉन जीरो होगा इसका डायपल मोमेंट क्या होगा जीरो तो डाइपोल मोमेंट की डिपेंडेंस से हम बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट हो गया सॉल्युबिलिटी हो गया पोलैरिटी हो गया अगर इन पे इन केस क्वेश्चन पूछ ले तो डाइपोल मोमेंट जिसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी पोलैरिटी उसी का ज्यादा अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें ये यूनिवर्सल ट्रुथ है यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ट्रांस का ही

उस ग्रुप को आप प्रायोरिटी दोगे जिसमें एटॉमिक नंबर ज्यादा रहता है जो हमारा रूल था इट वाज बेसिकली अबाउट मल्टीपल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा होगा क्योंकि अटैचमेंट्स ज्यादा है सपोजिडली अगर एटम्स हमारे सेम है जैसे सी डबल बॉन्ड सी के अटैचमेंट्स क्या हो गए सी 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 ट्रिपल बॉन्ड सी के अटैचमेंट्स क्या हो गए सी 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 तो आप बेसिकली यही याद रखोगे कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है और अगर डबल बॉन्ड है सेम एटम से तो ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा रहता है और जो हमारा रूल फोर था ईजेड e में इट वाज बेसिकली प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर जिसका मास नंबर ज्यादा है उसका प्रायोरिटी ज्यादा रहता है तो अब ईजेड e के रेस्पेक्ट में जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं करके बता देता हूं तो अब देखो इन दोनों में प्रायोरिटी किसका ज्यादा होगा क्लोरीन का वन टू यहाँ पे देखेंगे आयोडीन का ज्यादा होगा वन टू हाई प्रायोरिटी सेम साइड आंसर क्या होगा जेड ठीक है यहाँ पे अगर देखें हायर प्रायोरिटी यहाँ पे देखें तो फिर से हायर प्रायोरिटी रूल फोर से हाई प्रायोरिटी सेम साइड आंसर क्या होगा जेड यहाँ पे देखें वन टू यहाँ भी देखें जैसा मैंने कहा है ट्रिपल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है इसको प्रायोरिटी ज्यादा जाएगा तो हाई प्रायोरिटी सेम साइड आंसर क्या हो जाएगा जेड सिंपल तो ये इजेड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसका रीजन क्या है आगे जाके आर एस कॉन्फिगरेशन में इसी को तो यूज करते हैं हम लोग ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब आते हैं सिन एंटी पे सिन मतलब फिर से सेम साइड एंटी मतलब ऑपोजिट साइड अब इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑक्साइम्स ठीक है अगर आप एल्डिहाइड रिएक्शन हाइड्रोक्सिल करो तो आपको पता है कि इसमें सिन और एंटी बन सकता है ये सेम साइड भी बन सकता है या फिर एच ओ एच ऑपोजिट साइड में भी बन सकता है अगर एच ओ एच सेम साइड में हो जाए तो उसको बोलते हैं सिन अगर ऑपोजिट में आ जाए तो इसे बोलते हैं

अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मेरे हिसाब से आपने कुछ फॉर्मूलाज भी पढ़े होंगे ठीक है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ठीक है तो मेरे हिसाब से फॉर्मूलाज सबको याद ही होंगे ठीक है क्योंकि वो फॉर्मूलाज डायरेक्टली यूज करने होते हैं आपने पढ़ा ही होगा कि कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं टू टू दी पावर एन अगर सिमेट्रिकल की बात करें दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं नंबर नंबर ऑफ़ जो एंटिटीज़ गिविंग जीआई है, 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 डबल अगर वो में है, तो इट टू ब्रैकेट में कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको सपोज अनसिमेट्रिकल ये क्वेश्चन हो गए ठीक है बहुत इजीली कर सकते हैं हम लोग हमें पता है कि ये डबल बॉन्ड ये जो जीए दे सकता है तो इसमें अगर देखें टू टू दी पावर वन इक्वल टू टू हो जाएगा क्योंकि टू टू दी पावर एन हमारा फॉर्मूला है अगर इसमें देखें सिमेट्रिकल है दोनों डबल बॉन्ड जीए देंगे तो टू टू दी पावर टू माइनस टू दी पावर टू बाई टू तो आंसर क्या हो जाएगा थ्री सही है नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी बात करें ये भी सिमेट्रिकल है लेकिन कितने डबल दे रहे हैं तीन मतलब हमारा नंबर क्या हो चुका है? तो अगर जाएगा सिक्स तो आई थिंक इज क्लियर टू एवरी वन इट इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मुला फॉर्मुला याद रखिए आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड अब थोड़ा साइक्लिक में भी बता देता हूं अगर जी की पॉसिबिलिटी आपसे पूछ ले कुछ एग्जांपल्स से इनमें अगर आइसोमेरिज्म पूछ ले ठीक है तो सिंपल है यार रेस्ट्रिक्टेड एटम ये भी है अब तुम बोलोगे सर सिंगल बॉन्ड है तो रेस्ट्रिक्शन कहां से आपको पता है कि ये पीछे से दोनों एटम बंधा हुआ है तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट आइटम में डिफरेंट ग्रुप से में रेस्ट्रिक्टेडमेंट ग्रुप देखें हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो जाएगा तो ये नहीं दे पाएगा और यहाँ तो मतलब कोई डिफरेंस है ही नहीं ठीक है तुम देख ही सकते हो हर कोई हर किसी को पहचानता है यहाँ पे ग्रुप सेम हो गया यहाँ भी ग्रुप सेम यहाँ भी ग्रुप सेम तो ये तो जी की पॉसिबिलिटी दे ही नहीं सकते हाँ लेकिन अगर हमें एक गूगली फेंक दे ऐसा ये जी देगा कि नहीं ठीक है तो बिल्कुल देगा हमें तो बस दो रेस्ट्रिक्टेड एटम चाहिए हमें कितने मिल गए तीन तो यहां भी मिथाइलेट डिफरेंट यहां भी मिथाइलेट डिफरेंट यहां भी मिथाइलेज क्या हो जाएगा डिफरेंट आई थिंक इट इज क्लियर ठीक है तो बहुत इजीली हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है चलो तो दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आगे बढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो जैसा नाम है है ऑप्टिक्स ठीक आइसोमेरिज्म विच अ डिफरेंस इन द बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो इसमें सबसे पहले हम लोग सिमेट्री एलिमेंट्स रिवाइज करेंगे सबसे पहले देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पीओ एस ठीक है सबने पढ़ाई होगा मेरे हिसाब से अगर हम लोग सिंपल एग्जाम्पल लें अगर इसमें हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पूछा जाए तो आप लोग जानते हो एक तो वर्टिकल हो जाएगा एक ऑराइजेंटल और आपको पता है ये मॉलिक्यूल पूरा प्लेनर है सही बात है कि नहीं ये भी sp2 ये भी sp2 तो एक मॉलिक्यूल के प्लेन से जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्लाइस ठीक है क्लियर है तो हमारे पास टोटल कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तीन यहाँ पे कितना होगा एक वर्टिकल और एक स्लाइस टू और यहाँ पे न वर्टिकल न होराइजेंटल सिर्फ स्लाइस इजी है कि नहीं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं साइक्लिक के साथ इन सब में आप प्लेन ऑफ सिमेट्री थोड़ा बताइए क्या लगता है आपको ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं पहले वाले से बिल्कुल सैंडविच को इमेजिन करना है हमें ठीक है एकदम जैसे सैंडविच खाते हुए कब सोचते हो कितना हो जाएगा एक इधर से एक इधर से एक इधर से और एक स्लाइस तो कितने हो गए चार यहाँ पे साइड से दो एजेस से दो तो टोटल चार हो गए और एक स्लाइस तो कितना हो गया पांच यहाँ पे देखेंगे तो वर्टिकली हमें एक मिल जाएगा ठीक है क्लियर है बाकी तो और मिलेगा नहीं तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कितना होगा ओनली वन ठीक है क्योंकि आप अगर एच से भी अगर काटोगे तो आपको मिरर इमेज नहीं मिलेगा इस एच से भी नहीं मिलेगा और अगर आप इसमें बोलोगे सर इसमें स्लाइस काटिए सैंडविच को काटिए तो भाई लोग ये एच और सी एल मिररर इमेज होगा क्या नहीं हो पाएगा ठीक है लेकिन इस कटलेट पे आते हैं अभी सैंडविच के बाद हम लोग कटलेट की बात करते हैं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर देखें तो एजेस से कितना हो गया तीन और हमें पता है कि साइड से कितना हो जाएगा तीन तीन और तीन स्लाइस तो टोटल कितना हो गया सेवन आगे है समझ में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री से भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या था ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री इज बेसिकली एनी पॉइंट इन मॉलिक्यूल अबाउट विच इफ यू गो अटन डिस्टेंस एंड गेट द सेम ग्रुप एट द अपोजिट डिस्टेंस देन वी कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री तो मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री या तो होगा या तो नहीं होगा यहां पर हम लोग देख सकते हैं कुछ डिस्टेंस जाने के ह exactly ह, बाद एच मिला एग्जैक्टली ऑपोजिट एच कुछ डिस्टेंस बाद एच एक्जैक्टली ऑपोजिट एच कुछ डिस्टेंस बाद सी एक्जैक्टली ऑपोजिट सी तो हम बोलेंगे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या बोल सकते हैं hey. लेकिन अगर ऐसा एग्जाम्पल ले लें क्या, इसमें हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री है नहीं है क्योंकि एच एच तो सेम है लेकिन यहाँ पे एच के साथ कौन आ गया सीएल तो यहाँ पे हम लोग नहीं बोल पाएंगे ठीक है नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं अब इनमें देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर इसकी बात करें ठीक है तो यहाँ पे यहाँ पे बहुत लोग मुझे पता है ठीक है कन्फेस नहीं करेंगे लेकिन बहुत लोग बोलेंगे कि सर इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है ठीक है क्योंकि बहुत लोग इसको मैथमेटिक्स से लिंक करने लगते हैं वगैरह का इंटरसेक्शन लेकिन आपको नहीं है तो हम बोलेंगे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है ध्यान रहे सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्या है? ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस जाते हो कोई ग्रुप या एटम आपको मिलता है एक्जेक्टलीटम या ग्रुप होना चाहिए तो यहाँ पे नहीं है. इसलिए हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं अब बाप में नहीं है तो बेटा में तो होगा ही नहीं ठीक है क्योंकि ये हमारा मेन कंपाउंड है और ये क्या है डेरिवेटिव ठीक है क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन ला दिया है यहाँ पे तो यहाँ भी सेंटर से देखिये तो ये एच है ऑपोजिट में तो एच है ही नहीं यहाँ पे सीएलएच है ऑपोजिट में सीएलएच है, है ही नहीं तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा लेकिन मुझे बताओ इसमें है कि नहीं पतंग लग रहा है ये ऑपोजिट में सी एस टू सी एस टू यहाँ भी CH2, CH2 बिल्कुल है सेंटर ऑफ सिमेट्री आई थिंक एवरीवन वन इज अंडरस्टूड अब देखो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है पीओएस और सीओ क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है आप अगर ध्यान से देखोगे नीट 2016 फेज टू ठीक है क्लियर है उसमें भी ऑप्टिकली एक्टिव का क्वेश्चन आया था तो ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कैसे डील करेंगे

तो हम बोलेंगे वो इनएक्टिव होता है क्लियर है तो ये कंडीशन बस आप ध्यान रखें ठीक है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शंस तो जहां बात कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शंस की होती है तो मैं एक ही एग्जाम्पल को लेके सारे कन्वर्जन आपको बता दूंगा ठीक है क्योंकि आपने पहले से पढ़ाई होगा आपको आइडिया होगा न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में सोहर्स प्रोजेक्शन के बारे में फिशर प्रोजेक्शन के बारे में और प्रोजेक्शन के बारे में तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं और सारा प्रोजेक्शन देख लेंगे जैसे देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं ये है हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन अब इसको कन्वर्ट करेंगे सोहर्स सोहर्स बोले तो जैसा नाम घोड़ा तो इसी 2D का 3D वर्जन बनाओ सी एल सी एल राइट में एच एच लेफ्ट में ये क्लोरीन मैंने लिखा है ठीक है आई थिंक एवरी वन इज अंडरस्टूड ठीक है अब फिशर फिशर बोले तो एकदम मछली स्टाइल तो अब देखो इसको अगर मैं वन टू लिख दूं ये वन टू है तो मुझे बताओ वन के ऊपर कौन है मिथाइल मिथाइल के ऑपोजिट कौन है मिथाइल वन के राइट right में कौन है क्लोरीन क्लोरीन के ऑपोजिट कौन है क्लोरीन क्लोरीन का बेस्ट फ्रेंड कौन है एच एच के ऑपोजिट कौन है एच बन गया कि नहीं ये स्ट्रक्चर ठीक है तो बिल्कुल इस तरीके से आपको बनाना होता है फिशर अब अगर हम लोग वेज डैश की बात करें आपने सुना होगा मेरे हिसाब से वेज डैश के बारे में वेज क्या होता है आपकी तरफ अगर आपको ऑब्जर्वर रखे डैश दिस गोइंग इन टू द प्लेन मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आपसे दूर तो अगर हम लोग देखें ये दो सी थ्री को ऐसे लिखेंगे अब इसमें एक एजम्पन होता है जो हमें ध्यान रखना है राइट right में जो है उसको वेज लेना है और जो लेफ्ट में उसको क्या लेंगे डैश तो क्लोरीन हो गया हमारा वेज हाइड्रोजन हो गया डैश, क्लोरीन हो गया वेज हाइड्रोजन हो गया डैश कैरिंग एवरी वन इज अंडरस्टूड ठीक है सिंपल है तो ये सारे प्रोजेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्लियर है आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग काइरल सेंटर पे या फिर काइरल कार्बन ठीक है और लोग इसको चिराल भी बोलते होंगे मेरे हिसाब से ठीक है चिराल तक ठीक है चुरेल मत बोल देना बस चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है अब क्या होता है कायरल सेंटर अगर चार ग्रुप डिफरेंट ले लें, कार्बन के साथ ठीक है ये चारों ग्रुप डिफरेंट है तो आपको पता है यहां पे ये सेंटर क्या हो जाएगा कारल सेंटर या फिर इसको बोलेंगे कारल कार्बन तो इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं हाउ मेनी कारल सेंटर वेरी सिंपल तो आपको पता है इन सब में तो डाउट होना ही नहीं चाहिए हमको ऐसा कार्बन चाहिए जिससे चार डिफरेंट ग्रुप अटैच हो और वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए तो आपको पता है ये वाला जो कार्बन है तो क्लोरीन हाइड्रोजन मिथाइल इथाइल एक कारन सेंटर आ गया कि नहीं अब वैसे ही अगर हम लोग देखें पे यहां पे तो दो दो हैं इस कार्बन को अगर देखें क्लोरीन हाइड्रोजन मिथाइल और ब्रोमो इथाइल एक ये कारन सेंटर हो गया यहां पे देखे तो ब्रोमीन हाइड्रोजन मिथाइल और क्लोरो इथाइल ये भी कारल सेंटर तो कितने हो गए दो आ गया समझ में ठीक है साइक्लिक में भी डरना नहीं है अगर साइक्लिक भी देख ले हम लोग जैसे ऐसा क्वेश्चन दे दें नहीं कि तुम टेंशन ले लो ठीक है यहां पे अगर इस कार्बन की बात करें एच सी एल डिफरेंट हो गया कि नहीं उसके बाद देखो ये CH2 और CHCl. इस कार्बन के रिस्पेक्ट में चार डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं तो ये ये, तो ये 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 सेंटर हो गया एकदम इसका डुप्लीकेट है है भी कितने कारल हो गए क्लियर है तो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कारल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब जब कारल सेंटर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है तो अब आते हैं नोमन क्लेचर ऑप्टिकल में हमें एक नॉमन पता होना चाहिए आर एस कॉन्फिग्रेशन सबसे पहले पिशर में ठीक है तो अगर इसकी बात करें एस कॉन्फिगरेशन के लिए अब हमें कुछ रूल पता होना चाहिए ठीक है तो रूल मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। मेरे हिसाब से आपने पढ़ाई होगा पहला जो रूल होता है यू हैव टू गिव प्रायोरिटी जैसे एक को मैं सॉल्व करते करते करता हूं उसके बाकी तीन क्वेश्चन हम लोग साथ में करेंगे ठीक है आपको क्या करना होता है पहला रूल ये बोलता है असाइन प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ सी जो हमने सीखा तो इसका एटोमिक नंबर सबसे ज्यादा है फिर थ्री फिर फोर सही बात है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है फोर्थ प्रायर एंड फॉलो 1 2 3 का सीक्वेंस आपको फॉलो करना होता है या तो क्लॉकवाइज हो सकता है दो आप ठीक है क्लियर सिंपल तो वी सी आर क्या होता है वर्टिकल क्लॉकवाइज आर कॉन्फिग्रेशन ठीक है तो ये हमारे पास वर्टिकल है हमारे पास क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन है आंसर क्या होगा आर आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन ठीक है अब यही चीज अगर होराइजेंटल के लिए होता तो हम लोग अप्लाई कर देते क्योंकि आपको पता है वर्टिकल अगर क्लॉकवाइज रहे तो आर कॉन्फ़िगरेशन होता है वर्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज रहे एस कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही अगर क्लॉकवाइज रहे तो एस कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फिग्रेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज रहे तो आर कॉन्फ़िगरेशन तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं इन्हें आर एस आपने पढ़ा ही हुआ होगा तो ये वन हो गया ये टू हो गया ये थ्री हो गया और ये फिर से फोर फिर से हम लोग यही देखेंगे ये वर्टिकल में है लेकिन इस बार एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज इज एस सबका आंसर ऐसा आया होगा नेक्स्ट इस पे आते हैं 1 2 3 4 इसमें इस बार देखेंगे हॉरिजॉन्टल क्लॉक एस वाला तो ये हॉरिजॉन्टल है और सीक्वेंस भी हमारा क्या है क्लॉकवाइज तो ये ऐसे ही रहेगा कॉन्फिगरेशन नेक्स्ट यहाँ भी अगर देखें 1 2 3 4 तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लेकिन इस बार क्या है एंटी क्लॉकवाइज को आंसर क्या आ जाएगा आर आई थिंक दिस ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब जब हमारे पास कायरल का कॉन्सेप्ट आ ही चुका है अब हम लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी भी देख लेते हैं ठीक है जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टर्म है वो है हमारे लिए इनाइनश्यूमर इनाइन का अगर मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन कब आया था लास्ट नीट 2022 ठीक है क्लियर है ये क्वेश्चन पूछा गया था आप अगर चेक करोगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ठीक है कि इनैनशियोमर्स इसका जो डेफिनेशन होता है सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव लेकिन जो इसका नीट का क्वेश्चन था वो सेकंड पॉइंट जो हम लोग बताते हैं सेकंड पॉइंट आप लोग सबने ने पढ़ा ही होगा दे फॉर्म नॉन सुपर सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेजेस तो आप अगर नीट 22 पेपर में देखोगे वहां पे था दे आर सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज तो वही गलत आंसर था मतलब सॉरी वही गलत स्टेटमेंट था

इसका अगर मिरर इमेज लेंगे ये ठीक है तो हमें पता है कि ये भी कारल सेंटर है हमें पता है कि ये भी कारल सेंटर है इज इंट इट ठीक है तो अगर इसका हम लोग कॉन्फिग्रेशन निकालें तो वन टू थ्री फोर तो इट इज वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज एस ठीक है सही आया होगा सबका नेक्स्ट अब इस पे आते हैं इस पे अगर देखें वन टू थ्री फोर वर्टिकल तो है लेकिन इस बार हमारा क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन है आप लोग देख सकते हो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आर ठीक है सो द पॉइंट इज अगर ये दोनों मिरर इमेज हैं इसका अगर ऑप्टिकल रोटेशन प्लस टेन है तो व्हाट इज इट्स ऑप्टिकल रोटेशन माइनस टेन ये तो एग्री करेंगे सब लोग तो आप देखो मैं अगर इसको उठा के यहाँ पे फिट करना चाहूंगा क्या मैं इसे फिट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा ये क्लोरीन और आयोडीन मर्ज नहीं होगा ये आयोडीन और क्लोरीन मर्ज नहीं होगा मतलब दीज आर नॉन सुपर मिरर इमेजेस ऑप्टिकली एक्टिव जो सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला था आपको पता है एक कारल सेंटर है तो पक्का वो ऑप्टिकली एक्टिव ही रहेगा अगर एक कारल सेंटर है तो पक्का वो क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव ठीक है तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव है इंडिविजुअली और एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो गए सुपर इम्पोसिबल तो हम उन्हें क्या बोलेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इनाइनश्यूमर्स हो गए लेकिन इतना आसान नहीं होता है कभी कभी कि एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे प्लेस करके दे दे तो इसलिए मैंने आपको आर एस के टर्म्स में बता दिया है आप हमेशा याद रखना अगर इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव है और एक एस है तो दूसरा मिरर इमेज होगा आर अगर एक आर है तो दूसरे का मिरर इमेज होगा एस एस सिंपल एज दैट क्लियर है बात और आपने ये भी पढ़ा होगा जैसे इसको ए ले लें ले, और इसको बी ले लें तो परसेंट ऑफ ए प्लस 50% परसेंट ऑफ बी गिव्स अस रेशमिक मिक्सचर क्लियर है बात ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे इन एंड का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एक और फंड आपको मैं बताता हूं ठीक है कि अगर आप देखोगे किसी भी इन का ठीक है, अगर इनका रिलेशन पूछा जाए ठीक है तो आई नो आप आर एस से तो कर ही सकते हो उससे वेरीफाई कर लेंगे लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे आप देखो यहां पे मैंने आयोडीन और ब्रोमीन का एक्सचेंज किया है मतलब ये बी ए से कैसे बन रहा है वन एक्सचेंज से और अगर आप देखोगे ये सी ए से कैसे बन रहा है तो आप देखो आई और ब्रोमीन तो एक्सचेंज हो ही रहा है साथ में फ्लोरिन और क्लोरिन भी एक्सचेंज हो रहा है मतलब यहां पे एक्सचेंजेस कितने हो रहे हैं टू तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप ऑर्ड एक्सचेंज करेंगे तो उससे इनाइनशुमर बनता है लेकिन अगर आप इवन एक्सचेंज करेंगे तो मॉलिक्यूल सेम रह जाता है आइडेंटिकल क्लियर है कैसे बता सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो वन टू थ्री फोर तो वर्टिकल दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एस यहाँ पे देखेंगे one, two, three, वर्टिकल दिस इज क्लॉकवाइज आर तो आप देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट है मिरर इमेज है तो ये नाइन श्यूमर हो गया अब इसका अगर देखें हम लोग वन टू थ्री फोर हॉराइजेंटल दिस इज क्लॉकवाइज एस तो आप देख सकते हो पहला और लास्ट सेम है इसलिए हम इनको आइडेंटिकल बोल सकते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लियर है बात ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं इज कंपाउंड मीजो कंपाउंड्स की अगर बात करें तो इसके पॉइंट्स थोड़े से इनैनशियोमर के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट होते हैं जैसे इनैनशियोमर क्या था ऑप्टिकली एक्टिव लेकिन मीजो कंपाउंड कैसा होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव ठीक है Next point, अगर इसमें देखें, में हमें और चाहिए होता है, ताकि उसे हम meso -compound बोल मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ molecule अगर optically inactive ही है, और हम उसे बोल देंगे कि वो मीजो कंपाउंड है तो ये हम नहीं बोल सकते हैं ठीक है ऑप्टिकली इनएक्टिव के साथ साथ मिनिमम टू और मोर कारियल सेंटर भी होना चाहिए ठीक है दैट इज ऑल्सो प्री रिक्वेसाइड कंडीशन फॉर एग्जाम्पल यस दिस इज अजो कंपाउंड अगर यहाँ पे हम लोग देखें आप देख सकते image, bromine, bromine image, aldehyde, aldehyde हो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो, तो है एच एच मिरर इमेज मिरर इमेज एल डी हाइड एल डी हाइड हमारा ठीक है तो ये इनैक्टिव तो है साथ में दो कारल सेंटर भी है तो इसलिए इनैक्टिव मिनिमम टू कारल सेंटर आ गया है तो ये हम लोग मीजो कॉम्पाउंड बोलेंगे क्लियर है ऐसे साइक्लिक में भी आ सकता है जैसे इसे भी आप मीजो कम्पाउंड बोल सकते हो हो सकता है मिजो कंपाउंड यस इनएक्टिव है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है प्लस दो सेंटर है लेकिन मुझे बताओ क्या ये मिजो कंपाउंड हो सकता है नो इट्स नॉट ठीक है ये मिजो कंपाउंड नहीं होगा ऐसा क्यों क्योंकि हमें पता है कि ये इनएक्टिव तो है मिरर <coughs> इमेज तो बन रहा है लेकिन इसमें कारल सेंटर एक भी नहीं है तो ये मिजो कंपाउंड नहीं हो पाएगा आई थिंक एवरी वन इज अंडरस्टूड ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट टर्म होता है डाइस्टीरियोमर्स एक नेक्स्ट टर्म होता है डाइस्टीरियोमर्स अगर डाइस्टीरियोमर्स की बात करें स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ विच अदर दे आर डाइस्टीरियोमर्स जैसे अगर यहां पे देखें दो कारल सेंटर है यहां भी दो कारल सेंटर है इसका कॉन्फिग्रेशन अगर देखें देखेंग्रेशन देखे एच ओ एच और ये हो चुका है मतलब इन्वर्ट हो गया कॉन्फिग्रेशन इसको क्या लेंगे एस और ये एच ओ एच है यह भी तो आर ही लेंगे तो यहां पे आर आर और यहां पे क्या है एस आर दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर दे आर

सीमेट्रिकल ऑड ठीक है टोटल नंबर ऑफ बाकी अनसिमेट्रिकल uh, वाला, वाला फॉमूला सेम ही रहता है आपको पता ही होगा नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होता है विच इज टू दी पार एन ठीक है आपने पढ़ा ही होगा मेरे हिसाब से यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूलाज आई जस्ट सॉल्व सर्टेन क्वेश्चन ताकि आपको क्लियर हो जाए ठीक है कि क्या क्या पूछा जा सकता है चलो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं पहला एग्जाम्पल जैसे ये अब देखो मैं क्या क्या चीजें कैलकुलेट करूंगा ठीक है अगर मुझे बोले टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ठीक है अगर हमें बोला जाए टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली ऑप्टिकल आइसोमर्स या फिर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ठीक है तो ये हो जाएगा टू टू दी पार एन वट इज एन वट इज स्म नंबर ऑफ कारल सेंटर तो कितने कारल सेंटर है यहाँ पे दो तो ये अनसिमेट्रिकल वाला फॉर्मुला लगाया मैंने फोर अब देखो तुम फॉर्मूला नहीं लगाते तो तुम्हें कितना चीज लिखना होता आर 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 एस एस आर एस एस कौन टाइम वेस्ट करेगा इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो नंबर ऑफ मीजो कम्पाउंड जीरो हम निकाल सकते हैं तो मीजो इसमें होगा ही नहीं क्योंकि अनसी है अब इस पे आते हैं हमें पता है कि नंबर ऑफ मीजो कम्पाउंड इसका हो जाएगा दो कारल सेंटर है एन इज इवन टू दू बाई टू माइनस वन विच इज नथिंग बट वन और ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा टू पर पार टू माइनस वन विच इज टू तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा वन प्लस टू दैट इज थ्री आई थिंक एवरी वन इज अंडरस्टूड। ठीक है सिंपल अगर इसकी बात करें ये सिमेट्रिकल है और कारल सेंटर कितना है? कारो कंपाउंड टू द्री माइनस वन बाई टू दैट इज टू ऑप्टिकली एक्टिव तो ऑप्टिकली एक्टिव निकालने का एक्चुअली तरीका क्या होता है इसका टोटल माइनस मीजो अगर हम लोग कर दें तो ऑप्टिकली एक्टिव हमारा निकल सकता है आराम से ठीक है तो ऑप्टिकली एक्टिव निकालने के लिए हम क्या करते हैं ऑप्टिकल टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर माइनस मीजो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है इसमें टूट दी पावर एन माइनस वन तो एन कितना है हमारा थ्री माइनस ये टू मैंने निकाल ही दिया है तो ये हमारा कितना हो जाएगा फोर माइनस टू एज टू

या फिर एसिमेट्रिक सेंटर। आई थिंक इज अंडरस्टूड। तो टेक्निक क्या है अगर सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल है, है अगर है और आपको और है, तो बीच वाले को कर लेना. तो बड़ा सिंपल है अब इस में एक और मैं आपको लास्ट में बता देता हूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज कैपिटल डीएल कॉन्फिग्रेशन क्योंकि आगे यूज भी होता 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 है 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 ये ये जो जो ठीक इसमें आपने पढ़ाई होगा जैसे एक कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं सपोज ये है। इसमें नीट में क्वेश्चन आ भी चुका है शायद 2018 का ही क्वेश्चन था ठीक है इस पर क्वेश्चन पूछा गया था

तो जो हमारा लास्ट कायरल है ये हमारा लास्ट है, कार OH अगर राइट right में है तो आंसर क्या हो जाएगा डी अगर इसी केस में क्वेश्चन कुछ ऐसा होता तो यहां पे अगर देखें लास्ट में वो OH लेफ्ट में था तो आंसर क्या हो जाएगा एल आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है तो बहुत ही इजी है यार इसका नोमेनक्लेचर करना कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसा ऐसा मिल सकता है जैसा आप बोलोगे सर अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो क्या करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमने गाड़ी देखा ही होगा मतलब अब मैं तुमसे ये पूछूंगा कि तुमने गाड़ी चलाया होगा तो अब तुम बोलोगे नहीं सर हम तो बच्चे हैं हमने तो नहीं चलाया होगा तो गाड़ी में बैठे तो हो ना स्टेरिंग, तो इसको भी बिल्कुल ऐसे स्टेरिंग की तरह पकड़ो और घुमा दो ठीक है तो अगर स्टेरिंग की तरह घुमा दोगे तो तुम्हें पता है ये एल्डिहाइड ऊपर पहुंच जाएगा और ये अल्कोहल नीचे आ जाएगा सही बात है कि नहीं अब राइट में जो ओएच एच नीचे लेफ्ट में वो ओएच एच ऊपर राइट में जो ओएच एच ऊपर लेफ्ट में वो ओएच एच नीचे ये नीचे ऊपर पहुंच गया और जो ऊपर था वो नीचे आ गया आई थिंक इज अंडरस्टूड अब देखो अब हमारा बिल्कुल फॉर्मेट वही वाला आ गया कि नहीं जैसा हमको चाहिए तो, उसके तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में वो मैंने आपको बता ही दिया है इतने आपको एटलीस्ट इतने तो रिवाइज करके ही जाने हैं ठीक है थेके? चलो आगे बढ़ते हैं एक आइसोमेरिज्म में लास्ट पार्ट रहता है कंफर्मर्स ठीक है क्लियर है तो हमें थोड़ा सा कन्फर्मर्स देखना होता है ठीक है क्लियर है कंफर्मर्स हमें देखना होता है वट आर कंफर्मर्स कन्फर्मर्स मतलब स्टीरियो आइसोमर्स विच आर फॉर्म बाय सिग्मा बॉन्ड रोटेशन फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें ठीक है अब यहां से मैंने अगर इसे घुमा दिया तो आप लोग जानते हो कि ये नीचे आ जाएगा और ये दोनों कहां जाएंगे ऊपर आई थिंक इट इस क्लियर तो दीरियो आइसुमर्स आर नोन एज सिर्स या फिर इसको बोलते हैं रोटामर्स ठीक है अब थोड़ा मैं इनका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाता हूं ताकि आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट बता पाऊं इसका न्यूमैन अगर मैं बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा होता है क्योंकि प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स के बीच में एंगल जीरो प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होता है इट इज 60 डिग्री तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म अब मुझे पता है कि आपने अब तक खाली होगा और आपकी दिमाग की बत्ती जल गई होगी अगर जीरो और भी, एंगल आ जाए तो एन सी आर टी में लिखा हुआ उस फॉर्म को बोलते हैं ठीक है, है? चलो तो अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर इन दोनों में स्टेबल कौन होता है ज्यादा ठीक है तो बड़ा सिंपल है तुम ही रहे हो

बहुत सारे टाइप के कंफर्मर्स बन सकते हैं जैसे अगर मैं इसको फ्रंट कार्बन और इसको बैक कार्बन ले लू ठीक है तो आपको पता है एक फॉर्म ये बन सकता है ठीक है फ्रंट को कांस्टेंट रख के अब मैं ये वाला फॉर्म भी बना सकता हूं ठीक है अब एक फॉर्म ऐसा भी बन सकता है एक फॉर्म यह बन सकता है इसके बाद चीजें रिपीट हो जाएंगी ठीक है

पार्शियली एक्लिप्स ठीक है अब नेक्स्ट अब ये भी स्टैगर्ड है ये भी स्टैगर्ड है लेकिन भाई लोग यहां पे ग्रुप्स दोनों बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं साथ साथ बेस्ट फ्रेंड तो साथ ही रहते हैं इसलिए इसको बोलते हैं या तो तुम बोल सकते हो गोश फॉर्म लेकिन मैं तो इसे बोलता हूं कौचे ठीक है क्लियर है अब नेक्स्ट अब यहां पे अगर देखें ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से बहुत दूर है कि नहीं ठीक है तो अब दूर कौन रहता है दुश्मन

गौचे देखने को मिलता ठीक है क्लियर है तो मैंने रिपीट नहीं करा है मैं यहाँ पे इनका स्टेबिलिटी बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए ठीक है वैसे तो इथेन के लिए बहुत सिंपल था कि हमारा स्टैगर्ड एक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल होता है ठीक है लेकिन यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा एंटी ठीक है और हमारा सबसे लीस स्टेबल कौन होगा परफेक्टली एक्लिप्स इट विल बी Least stable. अब के बाद, क्योंकि गौचे भी हमारा स्टैगर्ड है तो यह आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा पार्शली एक्लिप्स तो अल्टीमेटली तो हम लोग वही कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं कि स्टैगर्ड वाले एक्लिप्स वालों से जीतेंगे ठीक है लेकिन अब डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आ गया इसलिए मैंने आपको कंप्लीट ऑर्डर बता दिया ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे क्योंकि ये स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ठीक है बेसिक आइडेंटिफिकेशन पूछा जा सकता है कि एंटी वगैरह फॉर्म कौन से आइडेंटिफाई तो इसलिए आपको इसका थोड़ा टर्म्स का आईडिया रहना चाहिए लेकिन हमें एक एक्सेप्शन का भी आईडिया रहना चाहिए ठीक है क्योंकि ये एक्सेप्शन वाला जो पार्ट है नीड 2021 आप देख सकते हो नीड 2021 में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ठीक है क्लियर है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए यूजली हम लोग क्या बोलते हैं जैसे अगर सपोज हम ये केस ले लें ठीक है वन टू इथेन का केस ले लेते हैं सही है तो हमें अगर बोला जाए कौन ज्यादा स्टेबल है तो आप लोगों को पता है ये एंटी है और ये क्या है कौचे तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा एंटी जो हमने देखा ही है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है एक्सेप्शन अब इसी में क्वेश्चन आया था अब ये एक्सेप्शन क्या हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तो सिनेमा पलट सकता है ठीक है कैसे देखो अगर हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल का केस ले लें इथेन वन टू डाइव तो भाई लोग यहां पे अगर कौचे और एंटी बना लें ये तो यहां पे अगर हम लोग देखें दिस इज कौचे दिस इज एंटी तो अब अगर स्टेबिलिटी का कंपेरिजन करें ठीक है अब तो आप लोग जानते हो यहाँ पे एज बॉन्डिंग है तो अगर एज बॉन्डिंग स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी कौचे की तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था नीट में ठीक है नीट में ये बोला था गौचे एंटी से कब ज्यादा स्टेबल होगा कैसे ग्रुप्स होने चाहिए तो आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरे हिसाब से केमिकल बॉन्डिंग में पड़ते ही हो आपको पता है कि या तो आगे वाले या तो पीछे वाले ओएच के जगह अगर मैं फ्लोरीन भी ले लो या एन भी ले लो ऐसे ग्रुप्स भी अगर ले लो या कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एल ले लो ठीक है आर यू अंडरस्टैंडिंग इस पहले वाले ओ OH एच के जगह या पीछे वाले ओ OH एच के जगह मैं अगर फ्लोरीन या फिर एन या फिर सी या फिर सी मतलब एल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर इनको भी ले लूँ तो भी गौचे एंटी से ज़्यादा स्टेबल होगा तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये एकसे, एक्सेप्शन को <coughs> एक्सेप्शन को मत भूलना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं एक लास्ट पार्ट जो हमारा कंफर्मर्स में आता है 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 ठीक क्लियर अब ये सब तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो है जो पूछने की पॉसिबिलिटी है जो पहले भी पूछा जा चुका है आपको पता होगा कि साइक्लोहेक्सेन का स्टेबिलिटी ऑर्डर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस तो वो कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑर्डर में एक्सप्लेन कर देता हूं साइक्लोहेक्सेन के लिए एक स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इट्स कंफर्मर्स इज इंपॉर्टेंट ठीक है तो सबसे स्टेबल कौन सा फॉर्म होता है चेयर फॉर्म उसके बाद कौन होता है ट्विस्ट बोट उसके बाद कौन होता है बोट और सबसे अनस्टेबल मतलब फालतू हाफ चेयर ठीक है एनर्जी ऑर्डर पूछ ले तो इसी का उल्टा ऑर्डर होगा ठीक है अब ऐसा क्यों होता है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं चेयर मतलब, चेर मतलब चेर, सोकी। सही बात नहीं। क्लियर है अब तुम मुझे बताओ। बोट, अब ये नहीं है ठीक है ये है बोट हमारा अब हाफ चेयर मतलब किसी एक को नीचे कर दो ठीक है अब देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये सबसे अनस्टेबल क्यों है इज द रीजन क्योंकि यहां पे आप लोग देख सकते हो पांच एटम एक ही प्लेन में है कि नहीं पांच एटम एक ही प्लेन में है तो ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा और अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा तो हम क्या बोल सकते हैं स्टेबिलिटी सबसे कम होगा अगर इसमें देखें सेम प्लेन में कितने एटम्स से? हैं चार सेम प्लेन में कितने एटम्स हैं चार तो इनमें तो दिक्कत नहीं है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा है तो फिर तुम बोलोगे कि सर ठीक है फिर इनमें अगर एटम सेम था तो बीच रिपल्शन आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैगपोल इंटरैक्शन क्या बोलते हैं फ्लैकपोल इंटरक्शन तो ड्यू टू दिस इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है कम अब ट्विस्ट बोट क्या होता है इसी बोट को पकड़ के हम ट्विस्ट कर देंगे मतलब एक को पीछे एक को आगे अब देखो इसको मैं कैसे बनाऊंगा ये थोड़ा सा मिस इंडिया का क्राउन का बन जाएगा यही बात है कि नहीं ऐसा मेरे हिसाब से पेजेंट वगैरह में पहनते है। ठीक है क्लियर है अब देखो मुझे बताओ यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छह कार्बन हो गया ठीक है अब आप इसको ऐसे थोड़ा समझना आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है कि सर कैसे समझेंगे कौन सा आगे कौन सा पीछे तो हम लोग वेज डैश को यूज कर सकते हैं आप समझने के लिए तो आप इसको जैसे वेज ले लो और इसको जैसे डैश ले लो Isn't it? तो ये मेरा बाहर की तरफ आ गया और ये अंदर की तरफ मैंने फ्लैग पोल इंटरेक्शन ही खत्म कर दिया तो फ्लैग पोल इंटरेक्शन खत्म कर दिया तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा आई थिंक एवरी वन इज अनस्ट और चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों क्योंकि ये ग्रुप्स नॉर्थ पोल पोल साउथ एकदम डिस्टेंट मतलब इनकी रिपल्शन क्या होगी सबसे कम तो रिपल्शन कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बस ध्यान रहे एनर्जी ऑर्डर पूछ दे तो उल्टा आंसर दे, दे देना ठीक है ठीक है फिर लेट्स टेक अ टू मिनट ब्रेक Go. चलो हेलो एवरी वन वी बैक अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से विच जीओसी अब जीओसी में हमें सबसे पहले ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का ठीक है तो एक बार फटाफट

ठीक है बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव रेजोनेंस ठीक है इसका क्वेश्चन थोड़ा टॉटोमेरिज्म के साथ ऑप्शंस लिंक करके दिया जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रहे छह केसेस बस ध्यान रखना डबल सिंगल वैकेंट पी लोन पेयर सिंगल डबल डबल सिंगल डबल हेलो चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग डबल सिंगल डबल डबल सिंगल फ्री रेडिकल आई थिंक नाउ द वॉइस इज क्लियर ठीक है तो मैंने बस स्टार्ट किया ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कितने सारे केसेस बन सकते हैं डबल सिंगल फ्री रेडिकल एक होता है लोन पे सिंगल लोन पे सिंगल वैकेंट पी और एक होता है लोन पे सिंगल वैकेंट डी तो ये आपके छह केसेस होते हैं ठीक है लास्ट के जो दो केसेस है, हैं वो बैक बॉन्डिंग वाले केसेस हैं ठीक है चलो अब ये हो गए रेजोनेंस के सारे केसेस अब हमें रेजोनेंस में और चीजें क्या पता होना चाहिए इसका एप्लीकेशन ठीक है तो एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है तो अगर बात करें एरोमेटिसिटी का तो हमें पता है कि यह क्वेश्चन पिछले तीन साल में दो बार पूछा गया एक तो एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक और एक होता है नॉन एरोमेटिक तो सबको पता ही होगा मेरे हिसाब से ठीक है एरोमेटिक मतलब साइक्लिक होना चाहिए कॉन्जुगेटेड होना चाहिए प्लेनर होना चाहिए फॉलोज हकल्स रूल फोर एन प्लस टू पाईलेक्ट्रॉन रूल ये सब कंडीशन इंपॉर्टेंट है जैसे अगर ये ले लें तो ये साइक्लिक तो है ही प्लस आपको पता है कॉन्जुगेटेड भी है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट भी इसके पास पाइलेक्ट्रॉन कितने टू इलेक्ट्रॉन तो ये इट फॉलोज हकल्स रूल तो ये एरोमेटिक है अगर हम लोग बात करें एंटी एरोमेटिक की तो जैसे इसका कंडीशन होता है साइक्लिक होना चाहिए कॉन्जुगेटेड होना चाहिए उसके बाद फिर इट शुड फॉलो फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन रूल ठीक है तो बिल्कुल सेम कंडीशन एरोमेटिक की तरह बस इसमें फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होता है और एरोमेटिक में हकल्स रूल ठीक है तो डिफरेंस यही होता है बाकी एरोमेटिक स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होता है तो जैसे ये अगर एग्जाम्पल हम लोग ले लें तो आपको पता है साइक्लिक भी है कॉन्जुगेटेड भी है और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स तो ये कैसा हो जाएगा एंटी एरोमेटिक तो व्हाट इज नॉन एरोमेटिक सबसे इजी तरीका हुआ जो एरोमेटिक नहीं है एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक नहीं है दैट इज नॉन लेकिन इसका इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा तो क्या इसकी कोई इज्जत है ठीक है तो मैं तुम्हें बताता हूँ नॉन एरोमेटिक क्या होता है बेसिकली अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो वेन देर इज लॉस इन कॉन्जुकेशन उसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक जैसे ये तुम देखो यहाँ पे sp3 है तो देर इज लॉस इन कॉन्जुकेशन ठीक है तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में इट इज अ

नेक्स्ट अब एक और एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए रेजोनेंस में दैट इज ऑफ एन्यस दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू एन्युलस होते हैं जो साइक्लिक होते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ठीक है क्लियर है उनको हम लोग एनुलस बोलते हैं अब बस चार एन्यूलिन हमारे सिलेबस में हमको पता होना चाहिए आ, अगर हम लोग बात करें एन इक्वल टू सिक्स का जैसे फोर से स्टार्ट करते हैं ये हो गया एन्यूलिन फोर ठीक है इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एन्यूलिन फोर वैसे ही होता है एन्यूलिन तो इनके बारे में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज देर नेचर ठीक है तो ये एंटी एरोमेटिक है ये एरोमेटिक है इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन है लेकिन इंपॉर्टेंट है एन्युलट विच इज दिस तो इसे देख के लगता है कि ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था लेकिन ये तो एक्सपेक्टेशन है ठीक है एक्चुअल में इसका नेचर कुछ ऐसा होता है ध्यान रहे दिस इज नॉट अ कैट ठीक है, बहुतों को ये बिल्ली लगता है। लेकिन इट्स नॉट बिल्ली नॉन एरोमेटिक इसका एक्चुअल नेचर है क्योंकि दो एटम आउट ऑफ प्लेन जा चुके हैं ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं टब शेप ठीक है क्लियर है सही बात है चलो अब आगे बढ़ते हैं एक और एक्सेप्शन होता है तो ये एक एक्सेप्शन था आपको एग्जाम में लेकिन पूछेगा कंपाउंड ये बनाया हुआ रहेगा आपको आंसर बताना नॉन एरोमेटिक एक और रहता है जैसे ये एनुलीन टेन। तो इसमें भी एक्सपेक्टेड था कि एरोमेटिक होना चाहिए लेकिन एक्चुअल में रिपल्शन के कारण ठीक है रिपल्शन के कारण एटम्स आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं तो नॉन एरोमेटिक बन जाता है तो तुम्हें बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना है एनलिन इन एन एट और एनलिन टेन एक्सेप्शन होते हैं कैसे होते हैं नॉन एरोमेटिक क्लियर है बात ठीक है तो आई थिंक दर इज नो प्रॉब्लम चलो आगे बढ़ते हैं तो ये था हमारा रेजोनेंस का सीन ठीक है अब अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट पे ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजोमरिक इफेक्ट तो सबको मेरे हिसाब से पता ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विद्रॉइंग्रॉन डोनेटिंग और विद्रॉइंग इफेक्ट बाई रेजोनेस इज नोन एज मेजोमेरिक इफेक्ट या फिर इसको रेजोनेस इफेक्ट भी बोलते हैं अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उसको प्लस एम या फिर प्लस आर बोलते हैं अगर इलेक्ट्रॉन विद्रॉ करेंगे तो उसे माइनस एम या फिर माइनस आर बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको पता है इसमें जैसे

अब इफेक्ट के बाद हम लोग सीखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में ठीक है अब हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर बात करें तो हमें पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन तीन लोग देते हैं एक तो एल्कि कार्बोकेटाइन एक

ज्यादा स्टेबल कौन है तो बड़ा सिंपल है अल्फा एच निकालो इसका अल्फा एच कितना है शून्य बोले तो जीरो इसका अल्फा एच कितना है थ्री तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है कदम, ठीक है अगर बात करें कार्बो किटाइन की तो हमें पता है थ्री डिग्री कार्बो किटाइन जो होता है वो क्या होता है सबसे ज्यादा स्टेबल उसके बाद टू डिग्री कार्बो किटाइन उसके बाद

तो अगर फ्री रेडिकल्स की बात करें द रिजल्ट इज जस्ट द सेम थ्री डिग्री सबसे ज्यादा फिर टू डिग्री उसके बाद वन डिग्री यहां पे अल्फा एच नाइन यहाँ पे अल्फा एच सिक्स यहाँ पे अल्फा एच थ्री आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरी ठीक है बड़ा सिंपल है हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट पे आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विद्रॉइंग इफेक्ट बाय सिग्मा बॉन्ड ठीक है क्लियर है तो बाय सिग्मा बॉन्ड मतलब इसमें कोई सॉरी पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्ड इसमें कोई हम लोग बॉन्ड तोड़ते नहीं है हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया मेजोमेरिक इफेक्ट हो गया इन सब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में या फिर रेजोनेंस हो गया इनमें तो हम लोग बॉन्ड तोड़ते हैं लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में क्या करते हैं बस देर इज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बस शिफ्ट किया जाता है अगर हम इसको ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन uh, आप बोल सकते हो कि यहां पे अगर जैसे इफ वी आर डोनेटिंग इन दिस पर्टिकुलर शिफ्टिंग प्रोसेस इफ आई एम अ ग्रुप अगर मेरे से इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूं अल्टीमेटली दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो मैं हो गया प्लस आई अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा हूं तो मैं हो गया माइनस आई जैसे आपको एग्जांपल से बताता हूं मैं लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट ये वर्ड मैंने अभी तक एक बार भी नहीं बोला था तो मैं हाइपर वगैरह में ठीक है तो आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ जैसे सपोज ये आयन है और यहां पर फ्लोरिन ये आयन है यहां भी फ्लोरिन पता है ये वाया सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है इसलिए इसको माइनस आई ग्रुप बोलेंगे ये भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है ये भी माइनस आई है लेकिन क्योंकि ये पास है तो ऑब्वियसली ये ज्यादा खींचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई क्लियर है बात लेकिन अगर मैं बात करूं कार्बो की और अगर मैं मिथाइल की बात कर दूं, तो आप लोग देख सकते हो यहां पे ये जो मिथाइल है इसमें हाइड्रोजन और कार्बन में कौन ज़्यादा होता है? कार्बन तो ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं ये मिथाइल भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं तो ये भी प्लस आई ग्रुप है ये भी प्लस आई ग्रुप है लेकिन ज्यादा प्लस आई ऑब्वियसली पहले वाले का ज्यादा है तो कार्बोकेटाइन कार्बोन

जैसे फाइनल प्रायोरिटी ऑर्डर अगर मैं वर्बली ही बोल दूँ आपने पढ़ाई होगा शायद किस इलेक्ट्रॉनिक uh, इफेक्ट्स को स्टेबिलिटी क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ में यूज करने के लिए सबसे पहला प्रायोरिटी किसक जा, किसको जाता है एरोटिक <coughs> को ठीक है Aromatic को सबसे पहला प्रायोरिटी उसके बाद कौन आता है उसके बाद आपका आता है मेजोमेरिक uh, इफेक्ट उसके बाद आता है सिंपल रेजोनेंस फिर आता है आपका हाइपर uh, कॉन्जुगेशन उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट और लास्ट में आता है एंटी एरोमेटिक दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर ठीक है अब उसी को यूज करके जैसे अगर हम लोग कुछ स्टेबिलिटी क्वेश्चंस देखें इनको हम लोग देखते हैं ठीक है तो यहाँ पे अगर देखें मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स इसमें गलती भी कर देते हैं क्योंकि वो लोग क्या करेंगे यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व करेंगे कि सर लास्ट में तो वही पढ़ा था ना तो ऐसे थोड़ी होता है ठीक है क्लियर है प्रायोरिटी वाइज अगर देखें इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा प्रायोरिटी किसका है

दैट मीनस एक लाइन में अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन ग्रुप आर यू अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो इसमें जम के प्रॉब्लम करना है यार अब हम आगे बढ़ते हैं ठीक है अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ पहले एसिडिक स्ट्रेंथ फिर बेसिक स्ट्रेंथ डील करेंगे तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए ठीक है अब एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है किसी भी एसिड का डिसोसिएशन करने से क्या होता है एच प्लस ई माइनस वो बनाता है ठीक है अगर ये एसिड है तो तो ये एसिड है तो ये इसके लिए क्या हो गया कॉन्जुगेट बेस इज इट ठीक है तो हम क्या बोल सकते हैं एसिड और स्ट्रांग होगा कब जब ये conjugate, conjugate बहुत होगा रिएक्शन रिएक्शन जितना फॉरवर्ड जाएगा. जाएगा H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो इसलिए एक ही मंत्र याद रखना है मोर स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉगर इज द एसिड तो ये ध्यान रहे है. तो जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इन दोनों में अगर पूछा जाए बेटर एसिड कौन है ठीक है तो बड़ा सिंपल है कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेस बेस अब आपको पता ही है ये मिथाइल क्या लगा सकता है प्लस आई लेकिन ये इथाइल क्या लगा सकता है ये भी प्लस आई अब हमें पता है बेटर प्लस आई कौन होता है इथाइल तो ऑब्वियसली ओ माइनस को क्या करेगा अनस्टेबल इसलिए लेफ्ट वाला एसिड क्या होगा आई थिंक वन इज अंडरस्टूड ठीक है क्लियर है तो आप देखो जब मैंने स्ट्रॉन्गर डोनेटिंग ग्रुप यूज किया है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया कम लेकिन मैं इसका उल्टा ऑब्जर्वेशन आपको बता सकता हूं ये वाले क्वेश्चन में इसमें ठीक है इसमें अगर आप देखोगे तो देखो दोनों का कॉन्जुगेट बेस बना के यहां पे फ्लोरीन माइनस आई लगा रहे हैं यहां पे क्लोरीन माइनस आई लगा रहा है स्ट्रॉगर माइनस आई किसका है फ्लोरीन का इसलिए बेटर एसिड कौन हो जाएगा पहला वाला तो क्या आप लोगों ने देखा है जब मैं स्ट्रॉगर विद्रॉइंग ग्रुप ले रहा हूं तब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो इससे हमें एक ऑब्जर्वेशन पता चलता है कैसा ऑब्जर्वेशन कि डोनेटिंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे कम कर देंगे जबकि विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे बढ़ा देंगे आर यू अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जर्वेशन ये सब टेक्निक क्यों पता होना चाहिए इससे क्या होता है कुछ क्वेश्चंस हम लोग जल्दी कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब ये देखो ऐसे इंडिविजुअली तो क्वेश्चंस में ले ही सकता हूँ और आपने भी खासा प्रैक्टिस किया होगा उससे अच्छा क्या है मैं आपको एक ऐसा ऑर्डर दे देता हूं जिससे बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे ठीक है ये मंत्रा से तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि मोर स्टेबल इज एसिड एटलीस्ट आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर तो पता होना ही चाहिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है सल्फोनिक एसिड उसके बाद कौन आता है कार्बोक्सिलिक एसिड इसके बाद कौन आता है फिनॉल फिर पानी उसके बाद एल्कोहल उसके बाद टर्मिनल एल्काइन इसके बाद अमोनिया ठीक है मतलब अमोनिया ही है ये ठीक है अब इसके बाद एल्कीन, सबसे फालतू एल्कीन, लेकिन इसमें थोड़ा एक एक्सेप्शन भी आपको पता होना चाहिए ठीक है पानी से ज्यादा एसिडिक होता है मिथानोल डोंट यू एग्री ये तो सबको पता ही होगा मेरे हिसाब से ठीक है तो ये ज्यादा स्ट्रॉगर एसिड होता है तो ये ऑर्डर तो आपको पता होना ही चाहिए ठीक है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए बाकी इसमें आप प्रॉब्लम तो कर ही सकते हो जैसे एक और क्वेश्चन करना हो तो जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं ये आपके पास्ट ईयर में आ चुका है हालांकि अब तो मैंने ऑर्डर भी दे दिया है तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कोई बता पाएगा बेटर एसिड कौन है ठीक है? एसिटिक एसिड होता है कि नहीं कैसे बहुतों को लगेगा अरे सर अभी ले लेते हैं इसका भी बनाया। इसमें, तो है, इसमें कम रेजोनेंस है अरे भाई इसमें इक्वल आर एस है ना द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर आइडेंटिकल ठीक है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही तरीके से बनाते हैं अब देखो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है आइडेंटिकल जबकि यहां पे तुम एक भी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे तो ये आइडेंटिकल नहीं है तो इसलिए दिस इज इस मोर स्टेबल एंड दिस इज लेसर स्टेबल तो बेटर एसिड ये हो जाता है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है दिस कॉन्सेप्ट लेकिन हमें इसके साथ साथ अब थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं सर इफेक्ट नाम तो सुना होगा मेरे हिसाब से सबने ठीक है सर इफेक्ट के बारे में लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं कोई मैडम इफेक्ट नहीं होती है ठीक है क्लियर है तो सर इफेक्ट क्या होता है कि स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस ठीक है क्लियर है स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस अब इसका फंडा क्या है बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड के ऑर्थोपोजिशन में तुम कोई भी ग्रुप अटैच कर दोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बढ़ जाएगी ठीक है ये थोड़ा सा ध्यान रहे ये आपने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से अगर बेंजोइक एसिड के पोजीशन में सपोज जैसे सी एच थ्री हमने लगा दिया तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है बढ़ जाता है

ज बॉन्डिंग आ जाता है तो सर इफेक्ट नहीं अप्लाई होता है तो इनको जोड़ के दुनिया का कोई भी ग्रुप लगा दो तो इससे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बढ़ जाएगा तो रिमेंबर दिस ठीक है अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं जो आपके नीट 2022 में आया था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये वाला विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से सबने इसके बारे में पढ़ा भी होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल पैरानाइट्रोफिनोल

ठीक है, चलो विद दिस वी कंप्लीट एसिडिक स्ट्रेंथ अब एक लास्ट पार्ट हमारा बचता है बेसिक स्ट्रेंथ का अब स्ट्रेंथ में भी सिर्फ एक ही चीज पर क्वेश्चन पूछते रहते हैं बार बार ठीक है क्लियर है सिर्फ एक ही चीज पर पूछा जाता है वो है नाइट्रोजन बेसिस तो उसका फंडा क्या है तो बड़ा सिंपल है जैसे तुमसे अगर पूछा जाए मिथेनमीन और इथेनामीन तो भाई लोग बता दो मुझे पता है कि तुम चिल्ला चिल्ला के आंसर दे रहे होगे कि इन दोनों में बेटर बेस जो है वो ये होगा सही बात है कि नहीं ऐसा क्यों क्योंकि तुम्हें पता है बेस मतलब व्हाट इज बेस ठीक है क्लियर है जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो लोन पेयर डोनेट करके H प्लस के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाए अब लोन पेयर डोनेट करने के लिए मेरे पास होना भी तो चाहिए तो इसके पास भी लोन पेयर है इसके पास भी लोन पेयर है

ये ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, लगाएगा। तो हमें पता है, फ्लोरीन, stronger withdrawing group है कि नहीं? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोन पे डोनेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए बेटर बेस कौन होगा वाला। क्लियर है तो इस इससे इस, इस आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिला जो आपको ध्यान रखना है कि डोनेटिंग ग्रुप अगर बेटर तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप बेटर तो बेसिक स्ट्रेंथ कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में उल्टा हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करोगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा अगर विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करोगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो ये एक ऑब्जर्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इन दोनों में अगर पूछा जाए विच इज अ बेटर बेस अगर इन दोनों में से बेटर बेस पूछ ले तो आपको पता है कि यहां पे रेजोनेंस नहीं है तो ये localized loan pair है, लेकिन इस ये ये तो resonance में part कर रहा है। तो ये है। तो में कर है, हमेशा याद रहे जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है इसलिए local, वाले का स्ट्रेंथ क्या होगा ज्यादा आर यू अंडरस्टैंडिंग इट इज वेरी सिंपल आई थिंक ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे मेरे हिसाब से ठीक है जैसे एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ देखो सब सब लोग 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 ट्राई 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 करो इसको इन दोनों में से बेटर बेस कौन सा होगा? कर कर पाएंगे ठीक ठीक है है मेरे साथ जो बच्चे बैठे हैं वो भी कर रहे हैं वो भी भी रहे आप कीजिए सबका आंसर तो मुझे बताओ ये क्या है? एंटी रिंग है है एंटी रिंग कि नहीं? ठीक तो, मतलब कोई स्टेबिलिटी खोना नहीं अगर ये एरोमेटिक है तो ये चाहता ही नहीं है कि ये अपनी स्टेबिलिटी खत्म करे मतलब ये एक घटिया बेस होगा लेकिन मुझे बताओ ये अनस्टेबल ही अनस्टेबल है कि नहीं तो ये चाहता है कि अपना लोन पे डोनेट कर दे अपनी स्टेबिलिटी इसकी खत्म हो जाए तो इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होगा एंटी एरोमेटिक वाला इट विल बी अ बेटर बेस आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस ठीक है अब इसमें भी अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट होता है ठीक है जैसे वहाँ पे मैंने आपको सर इफेक्ट के बारे में बताया ठीक है दैट वाज फॉर बेंजोइक एसिड यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एस आई पी के बारे में आपने एस आई पी के बारे में पढ़ा होगा शायद लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ ये वो एस आई पी नहीं है म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड टू मार्केट रिस्क ये ये वो वाला नहीं है ठीक है क्लियर है थोड़ा सा थोड़ा सा ध्यान रहे पता चला कुछ लोग जो है अपना पोर्टफोलियो देखने लग गया म्यूचुअल फंड का ठीक है क्लियर है ये बेसिक स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो ये जो होता है ये हम लोग पढ़ते हैं एनिलीन के लिए ठीक है क्लियर है तो ये एनिलीन के रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं सिस्टमैटिक अ uh, सॉरी मैंने भी देखो सिस्टेमेटिक ही बोल दिया ठीक है क्लियर है योदा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन ठीक है थोड़ा सा ध्यान रहे तो अब देखो इसमें होता क्या है एनिलीन के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा ध्यान रहे अगर ऑर्थो पोजीशन पर हम लोग कोई ग्रुप अटैच करेंगे तो होता क्या है इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है ठीक है क्लियर है यहां भी वही एक्सेप्शन है OH और एनएच2 ये आ जाए तो स्टेरिक इन ऑफ प्रोटोनेशन नहीं लगता है ठीक है क्लियर है बाकी के लिए ट्रू है तो यहां पर जैसे अगर एक एग्जाम्पल ले लें तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि एस आईपी लगेगा क्योंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है यहां पे तो एसआईपी नहीं लगे एसआईपी लगा मतलब हम क्या बोलेंगे बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा आई थिंक एवरी वन इज अंडरस्टूड दिस वेरी सिंपल ठीक है क्लियर है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं इसमें भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रहे ये क्वेश्चन सबने पहले देखा ही होगा एक बार नीट में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है जेई में तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है पूछ लेते हैं बार बार यहाँ पे अगर बेसिक स्ट्रेंथ हमें पूछ ले ठीक है तो बड़ा सिंपल है तुम प, तुम्हें पता है कि एन एच टू इस एन पे क्या लगाएगा प्लस एम ये एन एच टू बी इस एन पे क्या लगाएगा प्लस एम देख रहे हो ना क्यूँ लगाएगा ठीक है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट वायर रेजोनेंस ये सी एच थ्री इस पे क्या लगाएगा प्लस आई ये प्लस एम ये दोनों सी एस थ्री क्या लगाएगा प्लस आई तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा बेटर बेस कौन है एबीसी ठीक है क्लियर है अब इसका नाम होता है ग्वनाडाइन बेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस में आते हैं तो नीट में इस पैटर्न का क्वेश्चन ये गोनाडाइन फॉर्मेट का क्वेश्चन आ चुका है तो आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट है आ सकता है लेकिन ठीक है क्लियर है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहता है ठीक है तो जियोसी मोरोलेस एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंट चीजें मैंने टच कर दी है ठीक है तो हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे थोड़ा एक टू मिनट का ब्रेक ले लेते हैं थैंक यू हेलो वेलकम बैक चलो स्टार्ट करते हैं अब थोड़े और इंपॉर्टेंट चीजों से चैप्टर्स। से लेट स्टार्ट विथ हाइड्रोकार्बन ठीक है पहले हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से यहाँ पे देख रहे हैं उसके बाद फिर हेलो एल्केन्स देखेंगे तो फिर एरोमेटिक वाला एक साथ लेंगे ठीक है तो अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें सबसे पहले एल्केन्स अब इसमें दो चीजें देखेंगे सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको ही हाईलाइट करूंगा ठीक है और जो भी रिक्वायर्ड टेक्निक है वो मैं आपको बता दूंगा uh, कोई अगर इंपॉर्टेंट टेक्निक बताने लायक है तो ठीक है बाकी तो आपको इंपॉर्टेंट बाकी आपको रिएक्शन एज इट इज दिखना है तो अगर मैथड्स ऑफ प्रेपरेशन की बात करें इल्के लिए तो आपको पता है कि अगर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो एक तरीका हो गया लाइम डी कार्बोक्सिलेशन से हम लोग बना सकते हैं ये तो सब लोग एग्री करेंगे मेरे हिसाब से ठीक है रिएक्शन सबने पढ़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब हम लोग सोडा लाइम मिक्सचर से करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड हाई टेम्परेचर तो निकलिंग ऑफ सीओ टू इज इट एल्केन बन गया ठीक है तो आपको पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड अगर CO2 ट्रैप कर ले तो क्या बनेगा लाइमस्टोन CaCO3 तो वो बाई प्रोडक्ट हो गया इस रिएक्शन के बारे में और क्या हमें पता होना चाहिए हमें ये पता होना चाहिए इस रिएक्शन में जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन बस इतना अगर तुम्हें पता है तो कोई टेंशन ही नहीं है ठीक है नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट मेथड है नाम तो सुना ही होगा इलेक्ट्रोलाइसिस सही बात है ठीक है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करें किससे एनएच हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से तो हमें पता है कि इसमें एनोड में क्या बनता है एलकेन और सीओ टू लेकिन में क्या बनता है एच इट्स सो इजी ठीक है तो ये आपके लिए है इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत किसी को होना चाहिए ठीक है बहुत ही सिंपल रिएक्शन है एक एक अगर एग्जाम्पल देना हो मैं दे देता हूं फट से क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक ही रिएक्टेंट लेके देखो दोनों में अगर बात करूं मिक्सचर अगर मुझे दे दें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा और एनी हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों में डिफरेंस क्या है तो इट्स सो इजी अगर ये दिया है तो बस सीओ टू निकाल दो सी एच फोर मिथेन बन सकता है ठीक है कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस से बात करें तो आपको पता है सीओ एच हटा के बस कॉम्बिनेशन कर दो यदि आपको शायद ये पता होगा कि इसका मैकेनिज्म होता है रेडिकल मैकेनिज्म ठीक है सेकंड वाले पार्ट का अगर थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा है जैसे पहले वाला तो मैंने बता ही दिया है सेकंड वाले पार्ट का कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस का देखो टेक्निक क्या है व्हाट इज द टेक्निक सीओ हटाया तो रेडिकल बनाया अब हेरा फेरी देखा कि नहीं एक का डबल ठीक है क्लियर है तो इसका एक का डबल कर दो रियल लाइफ में मत करना ये बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं ये बन गया प्रोडक्ट आ गया समझ में आई थिंक एवरी वन इज अंडरस्टूड ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा है कि एल्केन कैसे बना सकते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स ठीक है अब हम लोग बात करते हैं फ्रॉम एलकाइल हेलाइट अगर एल्काइल हेलाइट्स की बात करें तो एक रिएक्शन का नाम सबने सुना होगा मेरे हिसाब से वुड्स रिएक्शन बड़ा सिंक, सिंपल और बड़ा अच्छा रिएक्शन ठीक है क्या होता है इसमें एल्काइल का रिएक्शन जब सोडियम ड्राई थर से करते हैं तो यहां भी सेम कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस की तरह सीएल हटाओ रेडिकल बना दो रेडिकल कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट और इसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है एन तो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन बड़ा सिंपल है यार क्लोरोमीथेन अगर लेंगे ये रिएजेंट ले लेंगे तो इसका डबल करने से क्या बन जाएगा इथेन इजी ठीक है तो ये एक तरीका है जिससे आप एल्काइल हैलाइड से एल्केन बना सकते हैं ठीक है थेके? एक और तरीका मैं आपको बता सकता हूं अब ये जो वुड्स रिएक्शन होता है ये किसके लिए फेमस होता है

हेलोएरिन हेलोएरिन ले लिया है। क्लियर है? हेलो लिया है, है है, है ठीक क्लियर और आप वही सोडियम और इथर के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हो तो आपका रिएक्शन होता है फिटिक वुड्स फिटिक क्या होता है अगर एक हेलो एक आपने हेलोवेल्किन लिया एक हेलो लिया है तो उसको वुड्स फिटिक बोलते हैं उलमैन रिएक्शन में यही सोडियम की जगह आप

तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ जानना है नहीं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बस तो इतना पता होना चाहिए गिलमान गिलमान रिएजेंट अगर हम लोग ले लें ठीक है इसको याद कैसे रखोगे शक्तिमान का नाम तो सुना ही होगा मेरे हिसाब से तो आप गिलमान रिएजेंट जो है इसको याद रखना तो इसका रिएक्शन अगर आप एल्काइल <clears throat> हेलाइट से करोगे तो एस पाथ से बायोमोलिकुलर सब्सिट्यूशन तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना आर आर डैश आई थिंक एवरी अंडरस्टूड तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा तो अब ये ये रिएक्शन की खासियत क्या है कि इससे अनसिमेट्रिकल एल्केन अनकेजिली बनाया जा सकता है ठीक है आपने ये सब पढ़ा भी होगा कि वुड्स रिएक्शन से प्रोपेन बनाने में मतलब बहुत मुश्किल होता है यार क्योंकि अननेसेसरी प्रोडक्ट्स भी बनेंगे इकोनॉमिक लॉस लेकिन यही प्रोपेन कोरे हाउस सिंथेसिस में इजीली बन जाएगा क्योंकि ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है अनसिमेट्रिकल है तो कोरे हाउस सिंथेसिस से बना सकते हैं लेकिन वुड्स रिएक्शन से इट विल नॉट बी दैट मच एफिशियंट क्लियर है बात बाकी एनसीईआरटी में एक और मेथड दिया है आपने पढ़ाई होगा कि अगर एल्काइल हेलाइट का रिएक्शन अगर हम लोग जिंक के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एच तो हमें एल्केन मिल जाता है ठीक है तो ये भी एक एनसीआरटी में रिएक्शन है चलो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब फ्रॉम रिएजेंट <laughs> अब देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बारे में मेरे हिसाब से सबने सुना ही होगा बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इसके इसको थोड़ा सा सेपरेटली भी डील करेंगे ग्रिगनाड को क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन मैं आपको बताता हूँ ग्रिगनाड से एक तो मेथड होता है जेरिविटिन ऑफ रिएक्शन या जिसको हम लोग एसिड बेस बोलते हैं ग्रिगनार्ड का रिएक्शन अगर हम लोग एसिडिक एच कंटेनिंग कंपाउंड से करेंगे तो आपको पता है कि आर माइनस बेस की तरह

टू तो सबको पता ही अभी हमने कोरे हाँ सिंथेसिस में भी देखा था ठीक है कि अगर हम लोग ये रिएक्शन कर साइड अटैक तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ठीक है क्लियर तो से ये से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो ये हम लोग कर सकते हैं और भी देखते हैं एल्केन बनाने के लिए और अगर मैं इंपॉर्टेंट मेथड की बात करूं तो हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रॉम ठीक है? से, लेकिन अगर हम लोग देखें ठीक है uh, एल्केन बनाने का एक ही इंपॉर्टेंट मेथड है एक और एडिशनल में बता दूंगा लेकिन अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटेलिक रिडक्शन ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं या फिर सेबेस्टियर्स सेंडरेंस रिएक्शन ठीक है नाम समझ के इसको देसपा तो मत समझ लेना ठीक है क्लियर है अब देखो यहाँ पे मेटेलिक रिडक्शन ये क्या होता है अब एल्कीन या एल्काइन का रिएक्शन अगर हम लोग एच टू पिटी पिट्टि पिटी एन आई आखिर इसके साथ देखो ये थोड़ा सा कॉमेडी में अगर आप पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा याद रह जाएगा ठीक है अगर ये रिएजेंट अगर आप लेते हो तो बस पाई हटाओ पाई हटाओ और हाइड्रोजन लगाओ मेरे हिसाब से ये सबको समझ में आया बहुत इजी है अब देखो एल्काइन के लिए भी सिनेमा सेम है नो डिफरेंस ठीक है तो आप बोलोगे सर अगर कोई डिफरेंस ही नहीं है तो इसमें मतलब क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा सकता है तो मैं तुम्हें थोड़ा बताता हूं अगर रेट की बात करें रेट के लिए जितना बताऊंगा बस उतना याद रखना ठीक है क्लियर है तो अब देखो रेट ऑफ मेटेलिक रिडक्शन जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ये तुम्हें जानना ही होगा हाँ तो हाँ ना तो भी हाँ ठीक है क्लियर है दूसरी बात इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग सही बात है कि नहीं ठीक है क्लियर है मतलब राजपाल यादव जिंदाबाद ग्रेट खाली को अब मैं मुर्दाबाद तो नहीं बोल सकता यार सही बात है कि नहीं ठीक है जिंदा भी रहना है चलो अभी आगे बढ़ते हैं तो देखो यहां पे अगर कंपेयर करें इथिन और इथाइन में सही बात है कि नहीं अगर इनमें रेट कंपेरिजन करें तो आपको पता है कि इन दोनों में ये एसपी हाइब्रिडाइज है ये एसपी टू है ऑब्वियसली तो साइज किसका छोटा है एल्काइन का तो उसका रेट फास्टर हो जाएगा मेटेलिक रिडक्शन के रिस्पेक्ट में ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे बाकी आप सिंपल मेरे हिसाब से करी पाओगे बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जितने पॉइंट मैंने बताया है सारे ध्यान रखना चलो यार एक और पॉइंट बताता हूं जो मैंने फोर्थ फ्रॉम एल्किल्काइंस बोला था एक और लेसर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन हमें एटलीस्ट पता तो होना ही चाहिए ठीक है क्लियर है तो इसमें क्या होता है एल्कीन का अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे किससे डाइबोरेन या फिर बी एस थ्री रिएजेंट है और सेकेंड सेट ऑफ रिएजेंट ये होता है तो व्हाट इज द प्रोडक्ट तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है अपर पार्ट ऑफ द रिएजेंट से जो भी हमें मिले कौन मिल रहा है H इट शुड बी अटैच टू द कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन और लोअर पार्ट ऑफ द रिएजेंट से पॉजिटिव

अगर एल्डिहाइड्स कीटोन से बात करें सिर्फ तीन मेथड अपने को पता होना चाहिए पहला क्लेमेंसन रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट इस बार नीट 2023 में ये आया था आप लोग में से जिन लोगों ने नीट का पेपर देखा हुआ है तो आपको बता क्लेमेंसन से क्वेश्चन आया था ठीक है क्लियर है मैं बताता हूँ लेलुआ मतलब मैं बहुत इजी चीज को बोलता हूँ तो यहाँ पे देखो कीटोन या एल का रिएक्शन अगर हम लोग ZNHG -HCL से करेंगे तो शुरू होते खत्म हो जाएगा ये रिएक्शन ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ सही बात है ठीक है क्लियर है बस तुम्हें एक चीज ये पता होना चाहिए जो इस बार टेस्ट नहीं हुआ था इस बार बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था आ, एक चीज हमें और पता होना चाहिए मेरे हिसाब से सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा ये कैसा होता है एसिड सेंसिटिव ठीक है क्लियर है ये चीज थोड़ा सा ध्यान रहे है. बाकी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आए कुछ नहीं बस उसे रिड्यूस कर दो ठीक है क्लियर है एसिड सेंसिटिव वाला पॉइंट क्या है जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे ठीक है तो आपको पता है कार्बोनिल तो शहीद हो ही जाएगा वो तो हमें पता ही है लेकिन उसके साथ डबल बॉन्ड और एचसीएल के रिएक्शन को भी आप रोक नहीं पाओगे ठीक है बिकॉज दिस डबल बॉन्ड इज सेंसिटिव टू एसिड ठीक है क्लियर है तो यही मैंने बोला रिएक्टेंट में कोई भी एसिड से रिएक्शन करने वाला आ जाए तो आपको रिएक्शन करना ही होगा ये प्रोडक्ट होता है क्लियर है बात ठीक है तो ये ध्यान रहे दिस इज ऑल अबाउट क्लेमेंसन रिडक्शन अब नेक्स्ट इसी का भाई भेड़िया किश्नर रिएक्शन ठीक है मेरा मतलब है वोल्फ किश्नर रिएक्शन ठीक है क्लियर है या रिडक्शन आप बोल सकते हो ठीक है तो अब देखो इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट तो वही है लेकिन हमें पता है कि इस बार हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ठीक है क्लियर है ये सब रिएजेंट हमारा यूज होता है ठीक है आपको पता ही होगा मेरे हिसाब से तो आप देखो अब देखो यहां पे, अब रिएजेंट हमने ले तो लिया है लेकिन द पॉइंट इज प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है कुछ भी नहीं सेम बस क्योंकि हम लोग बेस ले रहे हैं इसलिए ध्यान रहे ये रिएक्शन कैसा होता है बेस सेंसिटिव ठीक है तो यहां पे नहीं लेके हम लोग ले लेते हैं ये हमारा रिएजेंट रहता है ठीक है क्लियर है बाकी कभी कभार किताबों में दिया हुआ रहता है कि इसका सॉल्वेंट जो है ग्लाइकॉल ले लेते हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे ये रिएजेंट रहता है बाकी इसमें कोई टेंशन नहीं है इस बार क्लेमेंसन पूछा तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वो पूछ ले तो यही अगर पूछ ले, ऐसा तो यह तो हो जाएगा लेकिन अगर रिएक्टेंट ऐसा दे दें ठीक है तो आपको पता है कि कार्बोनिल तो रिड्यूस हो गए साथ में मीडियम बेसिक है हमारे पास एक टू डिग्री सब्सटेट है क्यों रिएक्ट किया क्योंकि बेस सेंसिटिव आई थिंक एवरीवन वन इज अंडरस्टूड ठीक है तो एक एक लास्ट ठीक है क्लियर है एक लास्ट मैं आपको बताता हूं जिससे हम लोग एल्केन बना सकते हैं मैं इसे बोलता हूं बाप रिएजेंट ठीक है अब आपको लग रहा होगा कि <coughs> लगता है सर सर को एनिमल का पापा गाना याद आ रहा है लेकिन ऐसा नहीं है ठीक है क्लियर है तो आप देखो इसे बाप रियजेंट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रीजन बींग ये बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है एल्केन में तो बस आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि एच आई रेड फोस्फोरस के प्रेजेंस में आते ही इसकी रिड्यूसिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ठीक है क्योंकि एच आई का, का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो होता क्या है इसमें कि अगर आप जैसे एल डी हाइड ले लें एच आई रेड फोस्फोरस क्या बनता है इससे एल्केन जैसे तो रिजल्ट आपको पता ही होगा मेरे हिसाब से एल्काइल आयोडाइड ले लो तो भी एल्केन एल्कोहल ले लो तो भी एल्केन ठीक है तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो भी तो भी एल्केन मेरे हिसाब से आपको सारे रिजल्ट्स के बारे में पता ही होगा ठीक है हमारा फोकस इस पर्टिकुलर अ एल्केन प्रिपरेशन में था कि फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन मैंने लिखा था तो ये जैसे एल्डिहाइड से हो रहा है कीटोन से भी हो सकता है बाकी मैंने आपको सारा बता दिया कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स भी रिड्यूस हो जाते हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड टेक इट सो दिस इज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अब हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के एल्केन्स के ठीक है अगर केमिकल प्रॉपर्टीज पाए तो आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो कौन सा होता है ऑफ अब इसको कैसे पढ़े क्योंकि पक्का अगर आपने एनसीईआरटी देखा है तो ये आपको दिखा ही होगा ठीक है क्लियर है अब इसको कैसे पढ़े तो मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताता हूं इसके चार पार्ट्स होते हैं एक होता है फ्लोरिनेशन एक होता है आयोडिनेशन ये दो पार्ट एनसीआरटी में दिया तो हुआ है लेकिन ये वो शोपीस है जो हमें खरीदना नहीं है ठीक है क्लियर है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है एक क्लोरिनेशन और दूसरा ब्रोमिनेशन ये दो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में इनपे ही बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान रहे है. अब मैंने इनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं बताया क्योंकि फ्लोरीनेशन कैसा होता है लिखते चलो लिखते चलो हाइली एक्सोथर्मिक पढ़ा होगा आपने आयोडिनेशन कैसा होता है अगर ये नॉर्थ पोल तो ये क्या है साउथ पोल हाइली एंडोथर्मिक ज्यादा ही रिएक्टिव है और ये तो आगे जाना ही नहीं चाहता है. तो दोनों ऐसे हैं जिनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है ठीक है क्लियर है तो आपने शायद फ्लोरिनेशन के बारे में पढ़ा भी होगा कि कार्बन पूरा गंजा हो जाता है यहाँ पे कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अरे सर तू बाल काटने की बातें कर रहे हैं नहीं नहीं मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सारे हाइड्रोजन निकल जाते हैं ठीक है क्लियर है तो इसलिए मैं गंजा गंजा बोल रहा हूँ क्योंकि माई एजमशन इज कार्बन का बाल इज उसका हाइड्रोजन सही बात है ठीक है क्लियर है तो यहाँ पे फ्लोरनेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि फ्लोरिनेशन इज हाइली रिएक्टिव क्योंकि एनसीआरटी में दिया हुआ है एफ सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है उसके बाद सी फिर बी फिर I2. तो इसलिए में होता क्या है सारे हाइड्रोजन निकल जाते हैं ठीक है क्लियर है वैसे ही के बारे में आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी का रिएक्शन हम लोग आई टू के साथ करते हैं प्रेजेंस ऑफ एचन तो आर आई बन जाता है ठीक है क्लियर है कार्बन आयोडीन बॉन्ड आना मतलब केमिकल बॉन्डिंग टू पी फाइव पी ओवरलैपिंग विच इज वेरी, वेरी 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 वीक तो रिएक्शन क्या होगा

ब्रोमिनेशन कैसा होता है एंडो थर्मिक लेकिन इट इज सिलेक्टिव इन दोनों में प्रॉब्लम पूछा जा सकता है जैसे एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल लेके बताता हूं इनमें कैसे क्वेश्चन फोकस तो कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल एक सेम रिएक्टेंट लेके बात कर लेता हूं अगर मुझे इसका क्वेश्चन पूछा गया सी एल टू एसन्यू तो तुम क्या करोगे एक बाद एक ठीक है प्रोडक्ट बनाओगे पहली है फिर ये अब मैंने दो प्रोडक्ट क्यों बनाया क्योंकि मुझे पता है कि दोनों हाइड्रोजन मतलब एक बार यहां से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं एक बार यहां से तो पॉसिबिलिटीज मैंने ले ली लेकिन अगर ब्रोमिनेशन की बात करें इट इज स्पेसिफिक ठीक है ये यही बोलेगा कि मोस्ट स्टेबल रेडिकल कहां से बनेगा ऑब्वियसली बीच से हाइपर कॉन्जुकेशन हम लोग जानते हैं तो ये डिफरेंस होता है दोनों में आई थिंक एवरी वन इज इट क्लियर बात बाकी क्लोरीनेशन में आपको मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं और बोला गया इसका निकालो एमसीपी इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स ठीक बार ट्राई करना चाहेंगे आप ये क्वेश्चन ठीक है क्लियर है ब्यूटेन का एमसीपी इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स ठीक है तो मैं बना के बताता हूं ये पहला दूसरा और तो कुछ हो ही नहीं सकता है इसमें ठीक है क्लियर है बाकी तो रिपीट ही हो जाएगा क्योंकि तुम बोलोगे यहाँ पे भी बनाइए तो वो तो सेम ही हो जाएगा टू क्लोरोन मुझे यहाँ पे तो कोई स्टीरियो आइसोमर नहीं है वन लेकिन पे अपना एक सेंटर है तो हम क्या बोलेंगे टू पावर वन इक्वल टू 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 प्लस वन कितना होता है थ्री गया समझ में तो स्टीरियो आइसोमर मतलब एमसीपी इंक्लूडिंग स्टीरियो स्टीरियोसोमर वी पी मोनो क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स आई थिंक एवरी वन इज अंडरस्टूड इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है नहीं बोल सकता लेकिन एनसीआरटी से डायरेक्टली पढ़ने आपको उनमें कोई वेरिएशन नहीं आ सकता इनमें जैसे थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है अब बाकी एनसीआरटी में आपने मेरे हिसाब से पढ़ा होगा जिनको मैं फटाफट थोड़ा बता देता हूं जैसे आइसोमराइजेशन पक्का नाम तो सुना ही होगा सही बात है कि नहीं कि अगर आप ब्यूटेन का रिएक्शन जैसे आपने थ्री हाई टेम्परेचर से कर लिया क्या होता है इसका आइसोमर बन जाता है सही बात है कि नहीं वैसे ही मेरे हिसाब से आप लोगों ने पढ़ा होगा कंबशन तो कंबशन के बारे में तो मेरे हिसाब से पढ़ते हो कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को तो अगर मैंने एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न किया तो क्या होता है भाई लोग x मोल्स ऑफ CO2 प्लस y/2 मोल्स ऑफ H2O तो यहाँ पे बस एक्सो वाई का वैल्यू पुट करो किसी भी हाइड्रोकार्बन का आप प्रोडक्ट बना सकते हो वैसे ही आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ये सब एनसीआर टी में ठीक है थेके? आपने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से कि अगर हम लोग मिथेन को बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 523 केल्विन थ्री कैलविन प्रेशर ठीक है तो मेरे हिसाब से इसमें प्रोडक्ट बनता है ठीक है वैसे ही अगर आप मिथेन को बर्न करते हो मोलिपडेनम ऑक्साइड हाई टेम्परेचर तो फॉर्मल डिहाइड बनता है ठीक है ये सब मेरे हिसाब से आप लोगों ने पढ़ा होगा एक और रहता है मतलब और दो है जैसे आपने अगर मिथेन नहीं लेके इथेन ले लिया अगर इसका रिएक्शन आप मैंगनीज एसीटेट से कर दो तो आपको पता है एसिटिक एसिड एसेट बन जाएगा एक और ऑक्सीडेशन का सीन रहता है आपको पता है कि अगर ऐसा हमने केस ले लिया केमेनो फोर केमेनो फोर यूजली ऑक्सीडाइज तो करता नहीं है वैसे तो स्ट्रॉन्ग एजेंट है लेकिन ये टर्शरी अल्कोहल बना देता है ठीक है तो ये सब सब एनसीआर में एज इट इज जो है मैं चिपका रहा हूँ यहाँ पे ठीक है तो ये सब रिएक्शन आपने देखा ही होगा मेरे हिसाब से सारे पढ़ लेना यार कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और भी रिएक्शन है जैसे को नाम सुना होगा, लाइसिस मतलब तोड़ना, बोले तो by means of heat. कुछ लोग सोच रहे होंगे सर, AEC का क्लियर है वो नहीं यहां पे हम लोग बात क्या कर रहे हैं हीटिंग बाय ब्रेक डाउन ठीक है क्लियर है उसकी तो अब देखो इसमें हमें पता है कि कोई अगर हाइड्रोकार्बन हम लोग ले रहे हैं C6H14 अगर हम लोग हीट करेंगे ठीक है ये कोई भी ऐसा मोलिकुलर फॉर्मूला आप ले सकते हो हायर हाइड्रोकार्बन का तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये लोअर एल्केन्स में आ जाएगा कि नहीं ठीक है क्लियर है लोअर एल्केन्स बनाएगा तो हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं पायरोलाइसिस के बारे में कोई भी बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो वो लोअर हाइड्रोकार्बन बनेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं पायरोलाइसिस एक और होता है अगर आप स्टीम से रिएक्शन कर दो ठीक है रिएक्शन विद स्टीम जैसे आपने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से मीथेन का रिएक्शन एच टू कार्बन मोनोक्साइड ठीक है जिससे सॉरी निकल के प्रेजेंस में आप करते हो हाई टेम्परेचर आपको कार्बन मोनोक्साइड और एच टू मिल जाता है ये प्रोडक्ट्स होते हैं ठीक है द प्रोडक्ट रिएक्शन विथ स्टीम बाकी एक लास्ट एरोमेटाइजेशन भी होता है तो देखो मैं ये एज एज इट इट इज क्वेश्चन मतलब रिएक्शन लिख रहा हूँ जो एनसीआर टी में है ये आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो जैसे आपने अगर हेक्सेन ले लिया और इसका रिएक्शन या तो सी आर टू ओ थ्री या तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या तो अगर आप वेनेडियम पेंटो ऑक्साइड से कर दो हाई टेम्परेचर तो क्या मिल जाएगा बेंजीन सही बात है एल्केन्स कर पाओगे मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से सब लोग कर पाएंगे एल्केन्स ठीक है अब हो जाएगा एल्किन्स बहुत इजी है ठीक है जितना बताया है उतना ध्यान रखना अब आते हैं पे अगर हम लोग बात करें ठीक है है क्लियर लेट्स टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अगर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करें कैसे बना सकते हैं एल्किन्स को ठीक है तो सबसे पहला तरीका अगर एल्काइंस से हमें बनाना हो तो फटाफट किससे बना सकते हैं रोजेनमन रिडक्शन बना सकते हैं कि नहीं इससे कैसे बनाएंगे यार अगर हम लोग एल्काइन का करें एच टू पीडीबीएसओ फोर या फिर एच टू पी डी सी एसओ थ्री सबको जानते हो कि नहीं पीडी फोर क्या होता है रोजेनमन कैटलिस्ट पीडीसीओ3 क्या होता है लिनलार्स कैटलिस्ट अगर ये आप दे देते हो रिएजेंट तो इससे क्या बनेगा सिस एल्कीन सही बात है सिस बनाने का निंजा टेक्निक ठीक है क्लियर है अब देखो अगर आपको ट्रांस बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे बोल्ट रिडक्शन ये थोड़ा सा ध्यान रह ही जा सकता है लेकिन ठीक है आपके एग्जाम में क्योंकि ये जेई मेंस 2018 में आया था ठीक है मैं बार बार मैंने क्लास में भी बोला है ये रिडक्शन के बारे में पूछा गया तो क्या करना है इसमें एल्काइन का रिएक्शन सोडियम लिक्विड एमोनिया इसी को तो बोलते हैं बर्ड्स रिएजेंट तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा ये ट्रांस एल्कि सही बात है तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे एल्काइन से हम लोग एल्किन इस तरीके से बना सकते हैं आई थिंक एवरी वन इज अंडरस्टूड दिस ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब और भी तरीके हैं फ्रॉम एल्कोहल्स एल्कोहल का रिएक्शन अगर आप कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करो एट हाई टेम्परेचर ठीक है तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है एल्कीन बना देता है वेरी सिंपल ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये ए आई में मतलब पहले जब ए आई होता था तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ अगर ये मैंने एल्कोहल लिया है ये रिएजेंट लिया है दिस इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो आपको पता है वो ये छटेगा कार्बोकेटाइन बनेगा और दो एल्किन बनेंगे क्या तुम जानते हो इस एल्कीन को क्या बोलते हैं सेट्स प्रोडक्ट इस एल्कीन को क्या बोलते हैं ऑफमैन प्रोडक्ट More stable alkene, lesser stable alkene, आ रहा है समझ में? एच ज्यादा उसमें एच कम तो ये हमारा मेजर है और वो हमारा minor है। I think everyone understood. तो से से इस तरीके से बना सकते हो तुम। तो। वैसे ही अगर बात करें फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम लोग कैसे बना सकते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने के लिए अभी अभी एक रिएक्शन बताया था में इलेक्ट्रोलाइसिस बताया था कि नहीं ठीक है इलेक्ट्रोलाइसिस तो इससे हम लोग आराम से बना सकते हैं क्या करेंगे सीओ छटाओ रेडिकल बनाओ सीओ छटाओ रेडिकल बनाओ एल्कीन बन जाएगा सही बात है वैसे ही हमारे पास एल्काइल हेलाइट से बनाने का भी तरीका भी है एल्काइल हेलाइट से कैसे बना सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था वुड्स रिएक्शन विसिनल डाइहेलाइड अगर हम लोग ले लें तो एल्कीन बन जाएगा <coughs> तो बहुत सिंपल है एल्किन बनाने के ये सब तरीके और भी तरीका है एल्किन बनाने का एक तरीका होता है एलिमिनेशन लेकिन वो हम लोग ऑलरेडी एल्काइल हेलाइड्स में पढ़ेंगे आगे ठीक है तो ये सब हो गया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अब थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज को भी देख लें अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें सबसे पहले

अगर इसका रिएक्शन ओ थ्री जिंक एच टू हो तो देखो कितना आसान है तोड़ो और ऑक्सीजन जोड़ो ठीक है क्लियर है तो ये हमारा प्रोडक्ट है सिंपल अगर जिंक नहीं है तो हम इसे क्या बोलेंगे ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये दो तरीके का ओजोनालाइसिस इसमें आ सकता है क्योंकि जिंक जैसा रिड्यूसिंग एजेंट है इसलिए इसको क्या बोलते हैं रिडक्टिव क्योंकि यहां पे जिंक नहीं है इसलिए इसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडेटिव आगे समझ में ठीक है क्लियर है तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे दो टाइप का ओरिजिनलाइसिस हो सकता है अब इसमें आपने क्वेश्चन किया होगा जैसे एक आध एग्जाम्पल थोड़ा बता देता हूं अगर एकदम सिंपल क्वेश्चन एक ले लू मैं ये जो कि शुरू होते ही खत्म हो जाए इसमें अगर हम लोग देखें इसको अगर यहां से तोड़ूंगा तो तुम्हें पता है टू मोल्स ऑफ एसिटेल डिहाइड बनेगा अब जब रिड्यूसिंग एजेंट ना हो तो क्या करेंगे इसी को ऑक्सीडाइज कर देंगे Isn't it? लेकिन इसके साथ मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताना चाहता हूं जो आपके एग्जाम में आ चुका है ठीक है बेंजीन वाला

यही पार्ट यहां भी आएगा यही पार्ट यहां भी आएगा मतलब बेसिकली इसके ओजोनाइसिस से मुझे थ्री ऑफ क्या मिल रहा है ये कंपाउंड इसका कॉमन नेम क्या होता है सब से सबने सुना होगा इट इज इथेन डाई एल आगे समझ में तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की वेरी 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 इंपॉर्टेंट ध्यान रहे ठीक है क्लियर है अब इतनी बार वेरी बोलने का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है अब देखो ये दो टाइप का होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पहला क्लासिकल कार्बोट अब तुम सोचोगे कि सर आर यू टॉकिंग अबाउट क्लासिकल डेंस नो आई एम नॉट ठीक है क्लियर है तो मैं जो है क्लासिकल कार्बोकेट मतलब फुल्ली डेवलप कार्बोकेट ठीक है क्लियर है अब देखो है, इसमें क्या होता है जैसे सेम एल्कीन से समझाऊंगा ये मैंने एल्कीन लिया है और इसका रिएक्शन अगर एच से करेंगे तो मुझे पक्का पता है बहुत लोग कमेंट सेक्शन में चिल्लाएंगे जिंदाबाद बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं मैं वैसे बिल्कुल नहीं सिखाता ठीक है क्लियर तो है तुम्हें पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन को अगर इधर शिफ्ट करेंगे CH2H ट्रैप कर लेगा तो मुझे बताओ ये कार्बोकेटाइन बनेगा कि नहीं अब आप जानते हो कि यही हमारा मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोगटाइन है तो बस इलेक्ट्रोफाइल को एड किया उसके बाद न्यूक्लियोफाइल को एड करेंगे तो इससे क्या बनेगा ये प्रोडक्ट

क्वेश्चन इसमें बेटा अगर तुम मार्कोनिक तो गलत हो जाएगा ठीक है क्यों सी एच टू एच प्लस को ट्रैप करेगा जिससे हमारा करबोकेट बना क्या यह मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोकेटाइन है नहीं है हमें पता है कि मिथाइल शिफ्ट हम लोग करेंगे तो अगर हम लोग यहां पे मिथाइल शिफ्ट करें टाइन so, बनाना होता है, तो है इसलिए थोड़ा ध्यान रहे ये क्लासिकल कार्बोकेटाइन में हमें क्या था? ध्यान रखना है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरी वन ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे ये पॉइंट हमारे लिए है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं लेकिन अगर बात की करें। Now, -classical? Classical में क्या था फुल्ली डेवलप्ड कार्बोकेट बनता था नॉन क्लासिकल में क्या होता है पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकेट ठीक है तो यहां पे अगर हमने वही रिएक्टेंट लिया जो तब लिया था इसका रिएक्शन अगर बी आर टू देखो कैसे पता चलेगा तुम मुझे बोलोगे कि सर आपको तो पता है क्लासिकल नॉन क्लासिकल क्या है हमको कैसे पता चलेगा, चलेगा नॉन पोलर रिएजेंट तो आ जाए तो बात क्या होगा नॉन क्लासिकल सिंपल तो यहां पे अगर Br2 ऐड करना हो आपने शायद पढ़ा होगा दोनों ब्रोमीन ऑपोजिट में ऐड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं एंटी एडिशन क्लियर है बात क्योंकि दोनों प्रोपी, ब्रोमीन क्या है ऑपोजिट में है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे एंटी एडिशन आई थिंक एवरी वन इज अंडरस्टूड दिस ठीक है क्लियर है अब देखो यहां पे अब इसमें थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन कैसे आ सकता है ठीक है सपोज प्रोपीन ले लें और हम ऐसा क्वेश्चन पूछ लें आई तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? बड़ा सिंपल है तुम्हें पता है यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं? नहीं इसको कहाँ पे तो सी एच थ्री सी एच सी एल यहाँ पे लगाएंगे सी एच टू के साथ पे लगाएंगे आर यू अंडरस्टैंडिंग मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर दो बाकी इलेक्ट्रोफाइल दूसरे जगह ऐड हो जाएगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बता ही देता हूँ नॉन क्लासिकल में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रहे क्योंकि ये मेन्स में आ चुका है नीट में भी आ सकता है एनओ NO वाला ठीक है तो इसमें क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल इज एनओ प्लस न्यूक्लियोफाइल इज सीएल माइनस तो न्यूक्लियोफाइल कौन है सीएल माइनस मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की जगह सीएल को ऐड करना और सी एच टू किससे जुड़ जाएगा एनओ NO से आर यू अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो ये हमारा प्रोडक्ट है तो हमारा सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी भी हो चुका है सही बात है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अब थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं मेरे हिसाब से जैसे आज मेरे गले में भी थोड़ी सी खराश है तो कभी कभी आपको भी जब सर्दी वगैरह या फीवर थोड़ा हो जाए तो आपकी गले में भी थोड़ा बहुत खराश रहता है तो जब खराश की बात हो ही रही है तो खराश इफेक्ट को भी पढ़ लेते हैं ठीक हमने पढ़ा ही होगा खराश इफेक्ट के बारे में इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं या फिर कुछ लोग तो एंटी मार्कोनिकॉफ भी बोल देते हैं इसे क्योंकि कुछ एंटी मार्कोनिक के, के भी सपोर्टर हैं तो मैं लिख ही देता हूं ठीक है चलो अब देखो इस रिएक्शन में होता क्या ये हमारा रिएक्टेंट है कि नहीं ठीक है अब इसका रिएक्शन किससे करेंगे एच बी आर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो भाई लोग जहां पेरोक्साइड आया

तो जो रेडिकल ज्यादा स्टेबल फॉर्म करेगा उसके एडजेसेंट कार्बन में ब्रोमीन को लगा दो कर दिया कि नहीं ये मेहनत करना है हमें। जो रेडिकल ज़्यादा स्टेबल उसके दिस इज हाउ यू फॉर्म प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन क्लियर है बात ठीक है जैसे देखो एक आदम थोड़ा एग्जाम्पल मैं इसमें बता देता हूं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सपोज प्रोबीन प्रोबीन बोल दिया मैंने प्रो, प्रोपीन बोलना चाहता था मैं ठीक है एचबीआर एचबीआर पेरोक्साइड एचसीएल एचसीएल पेरोक्साइड तो इसमें पे हमारा प्रोडक्ट क्या होगा ठीक है तो आप देखो एच बी आर के साथ तो हमें पता इलेक्ट्रोफिलिक तो एडिशन ये तो हमने पढ़ी लिया ये हमारा प्रोडक्ट है के साथ, ये हमारा है। HCL के साथ क्लासिकल लेकिन एच सी एल पेरोक्साइड के साथ ये थोड़ा सा ध्यान रहे आपने पढ़ा होगा शायद खराश इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एच बी आर ही देता है एच एफ और एच सी एल क्यू नहीं देते हैं ड्यू टू तो हायर बॉन्ड एनर्जी एच आई क्यों नहीं देता है उसका तो बॉन्ड एनर्जी कम है क्योंकि कार्बन आयोडीन बॉन्ड बनाना इस पाप सही बात है कि नहीं टू पी फाइव पी ओवरलैपिंग रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा इसलिए थोड़ा ध्यान रहे। यहां पे रोल। यहां पे हम क्लासिकल का ही बनाएंगे, यही प्रोडक्ट बनेगा तो कभी कभी ऐसे फंसाने वाले आपको दे सकते हैं बट प्लीज मत फेगा सही बात है कि नहीं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारे केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे हो चुके हैं ठीक है और थोड़ा आगे बढ़ते हैं जैसे कुछ तो मैंने पढ़ा ही दिया है मेटेलिक रिडक्शन अभी अभी पढ़ा था हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन ठीक है शॉर्ट में लिख रहा हूं हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन भी हम लोग पढ़ चुके हैं ठीक है थेके? अब थोड़ा नेक्स्ट एक बताता हूं मेरे हिसाब से एनसीआर में आपने ही पढ़ा होगा हाइड्रोक्सीलेशन ठीक है तो हाइड्रोक्सीलेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस क्या होता है हाइड्रोक्सीलेशन में अगर आप एल्कीन का रिएक्शन करो किसके साथ या तो पॉस्मियम टेट्रोक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस या फिर बियर्स रिएजेंट डाइल्यूट एल्केलाइन एल्केलाइंगोफोर इसे बोलते हैं बियर्स रिएजेंट ठीक है ये आगे जाके प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का के भी जब मैं आपको

लेकिन अगर इसके जगह आपने ए जी ओ जी अगर ये वाला ले लिया ठीक है क्लियर है, एजी प्लस में से कोई है, अगर आपने ले लिया है, ठीक है क्लियर है एजी फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस भी जरूरी है एमसीपीबीए फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस आपको लग रहा होगा ये तीनों में फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस वाई नॉट दिस अरे डाइल्यूट है, है कि नहीं तो यहां पे एंटीहाइड्रोक्सिलेशन तो आर ठीक है. इस पे कोई बहुत नहीं आ सकता है अगर आया बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको बस ये रिएजेंट याद रहना चाहिए ठीक है, तो है जो इंपॉर्टेंट है मैंने कवर कर ही दिया है एक बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा ठीक है क्लियर है एक बार एलकाइंस uh, कंप्लीट होने के बाद एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन में इन सब में थोड़े बहुत क्वेश्चन में लूंगा एक बार एलकाइंस कंप्लीट कर लेता हूं यहां तक हो चुका है हमारा <coughs> अब बात अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन इफ यू टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन तो आपको पता है सबसे पहला फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड तो कैल्शियम कार्बाइड का अगर आप रिएक्शन करो पानी से तो आपको एसीटाइलिन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एकदम सिंपल रिएक्शन है सबने पढ़ाई होगा मेरे हिसाब से अब फॉर्म का रिएक्शन अगर एजी पाउडर ये भी रिएक्शन सबने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से आइडो फॉर्म कैसे कलर का होता है येलो कलर का होता है ठीक है क्लियर है क्या मेरे हिसाब से कुछ लोग कमेंट दे रहे क्वेश्चन है व्हाट इज द क्वेश्चन फ्री रेडिकल फॉर्म की एच बी आर अच्छा मेरे हिसाब से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है कि फ्री रेडिकल क्यों फॉर्म होता है मेरे हिसाब से स्पेसिफिकली एक बार अगर मुझे क्वेश्चन दिखाया जाए तो एक बार आप शो कर सकते हैं ठीक है So, एक बार देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है मेरे हिसाब से फ्री रेडिकल इस फॉर्म अच्छा आप ये बोल रहे हो फ्री रेडिकल क्यों फॉर्म हो रहा है क्योंकि पेरोक्साइड है वहां पे। ठीक है क्लियर है हाई आपके फ्री रेडिकल फॉर्मेशन का रीजन ही होता है हाई टेम्परेचर में ये जो फ्री पेरोक्साइड होता है पेरोक्साइड में एक्चुअली ये बॉन्ड क्लीवेज बहुत आसानी से हो सकता है इसलिए रेडिकल फॉर्म होता है अब तुम बोलोगे क्यों यहाँ पे रेडिकल क्यों इजीली फॉर्म होता है क्यों ये बॉन्ड इजीली टूटता है क्योंकि तुम्हें पता होगा पेरोक्साइड में ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ये वन है लो बॉन्ड ऑर्डर लो बॉन्ड ऑर्डर मतलब लो बॉन्ड स्टेबिलिटी प्लस ये लोन पेयर लोन पेयर का रिपल्शन से क्या होगा बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्टेबिलिटी वैसे ही कम हो जाएगी दैट इज द रीजन ठीक है तो आपने जो वहां पे पूछा था तो उसका आंसर ये है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब आयडोफॉर्म और एजी पाउडर तो आयडोफॉर्म और एजी पाउडर का अगर हम लोग रिएक्शन करें तो आपको पता होगा इससे भी क्या बनता है साथ में मोल्स ऑफ एजीआई आए, सिल्वर जो कि आप लोगों को पता ही होगा मेरे हिसाब से डार्क येलो कलर का होता है ठीक है फजान सूल से इसको हम लोग बता सकते हैं तो ये दो तरीका हो गया अब और भी तरीके हैं जैसे कन्वर्जन फ्रॉम लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन तो एक अगर ऊटा एल्काइन आपने ले लिया ठीक है और फर्स्ट सेट ऑफ रिएजेंट सोडियम मेटल या एनएनएच टू आपने लिया और सेकेंड सेट ऑफ रिएजेंट आरडैश एक्स आरडेस डिजायड आप जितना बड़ा एल्काइन चाहते हैं ठीक है तो इससे क्या होगा अगर मैं सिंपल ट्रिक से बताऊं तो बस एसिडिक एच को निकालो और इस आर डैश को इंसर्ट कर दो तो मुझे बताओ एल्काइन अब कंपेरिटिवली बड़ा है कि नहीं रिएक्टेंट से ठीक है तो ये एक मेथड है जिससे आप अपना डिजायर्ड कार्बन आइटम का एल्काइन बना सकते हो ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे तो ये भी एक तरीका हो गया जिससे हम लोग एल्काइन बना सकते हैं ठीक है थीके? अब दो मेथड में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं एक वुड्स और एक आपका कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस तो जैसे अगर वुड्स रिएक्शन की बात करें इससे भी अल्काइन बना सकते हैं इससे आपको पता है कि सीएल सीएल हटाएंगे रेडिकल बनेगा तो ये हमारा एल्काइन है है सही बात है, वैसे ही कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस से भी बना सकते हैं कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस में बस सीएल की जगह किसको लेना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को क्लियर है बात ठीक है तो इससे हम लोग एल्काइन बना सकते हैं तो आपको मैंने सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बता दिए हैं अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर तो अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज का ठीक है तो सबसे पहले देखेंगे एसिडिक नेचर एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि एल्काइन के पास एसिडिक एच सोडियम मेटल NaOH, एनएनएच टू ठीक है एनएच सी ओ थ्री इनके साथ रिएक्शन का आइडिया आपको होना ही चाहिए तो सोडियम मेटल के साथ सॉल्ट और लिबरेट होता है एच टू गैस अगर NaOH के साथ देखें नो रिएक्शन क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद एसिड बेस रिएक्शन का एक ही मंत्र होता है कि इट शुड गो फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड N -N के साथ भी रिएक्शन होगा एनए थ्री के साथ भी नो रिएक्शन आई थिंक इट इज क्लियर वैसे ही नेक्स्ट रिएक्शन हमारा होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की अगर बात करें एच बी आर एक्सेस तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा सॉरी हमारा प्रोडक्ट है ठीक है एक्सेस है. है? में हमने लिया है तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है जिससे हम लोग जेम dihalide बना सकते हैं डू नो व्हाट इज जेम और जेमिनल एक ही कार्बन में अगर दो एलोजन आ जाए ठीक है अब देखो नेक्स्ट आते हैं थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी पे थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें ओजोनोलाइसिस तो ओजोनोलाइसिस की अगर बात करें ये हमारे पास रिएक्टेंट है अगर इसका रिएक्शन हम लोग जिंक एस्टूओ के साथ करें तो डबल बॉन्ड हट जाएगा कीटोन बनेगा ये आपका प्रोडक्ट है ठीक है अगर इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है वेरी सिंपल ठीक है क्लियर है तो ओजोनाइसिस तो हम लोग ऑलरेडी एल्किन्स में भी डिस्कस कर चुके हैं एल्काइन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद एक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा रिएक्शन क्या होता है रिएक्शन ठीक है दिस इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन पढ़ा होगा सबने वेरी इंपॉर्टेंट ये नीट में आ चुका है प्रोबली 2019 या 20 में आया था ठीक तो है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एल्काइन दिया हमें इसका रिएक्शन डाइल्यूट एच डी एसओ फोर एच टू फोर तो हमें क्या करना है इसमें जो कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उससे क्या करो दो ओ लगा दो जो कार्बन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उससे दो हाइड्रोजन जेम डायोल वाटर निकाल दो कीटोन बन गया क्लियर है बात ठीक है तो कीटोन हम लोग बना सकते हैं इससे मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन आया था वो प्रोपाइन के ऊपर था एक बार आप देख लेना बहुत इजी क्वेश्चन आया था ठीक है बहुत सारे मल्टीपल एल्डोल वगैरह सब दिया हुआ था नाइनटीन का ही क्वेश्चन था शायद तो उसमें आ, ये पूछा गया था तो बड़ा इजी रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे बाकी एक रिएक्शन आपको और पता होगा मेरे हिसाब से सबने आइसोमराइजेशन का नाम सुना ही होगा Is is आप इससे क्या कर सकते हैं कि जैसे एक टर्मिनल एल्काइन से नॉन टर्मिनल एल्काइन बना सकते हैं ठीक है क्या करना है आपको टर्मिनल एल्काइन से अगर एल्कोहलिक रिएक्शन करेंगे तो इससे नॉन टर्मिनल बन जाता है नॉन टर्मिनल से अगर टर्मिनल वापस लाना हो तो एनएनएच टू से रिएक्शन कर दीजिए ठीक है तो इज द प्रोडक्ट एक लास्ट रिएक्शन एरोमेटाइजेशन या फिर इसको क्या बोलते हैं पॉलीमराइजेशन सब ने पढ़ा होगा एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो ठीक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2021 में शायद आया था टू थाउजेंड ट्वेंटी या ट्वेंटी वन में आया था जनवरी शिफ्ट में मुझे याद है ट्वेंटी या ट्वेंटी वन का जेई मीनस का मैं आपको आप लोग में से कुछ लोगों को लग रहा होगा अरे हमको पढ़ा है तो नीट का जा रहा है और सर बार बार जे ही जेई कर रहा है ठीक है क्लियर है मैं जई के चीजें बार बार जई में पास्ट ईयर की चीजें क्यों बोल रहा हूँ आपको रीजन क्या है जो जई के इजियर लेवल क्वेश्चन होते हैं उनको डायरेक्टली रिपीट कर देते हैं तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रहे इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ चुका है ठीक है क्लियर है एग्जैक्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा वो क्वेश्चन मैं सोल्व कर दूंगा ठीक है तो आप देखो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली अगर आप एसीटाइलिन का रिएक्शन किससे रेड हॉट कॉपर या फिर आयरन ट्यूब से करो इन द प्रेजेंस ऑफ 873 सेवेंटी थ्री ये अगर टेम्परेचर आप ले लेते हो तो आपको इससे मिलता है बेंजीन टेक्निक आपने इसका पढ़ाई होगा तीनों को लो पॉलीमर बना दो ठीक है क्लियर है अब नेक्स्ट इसके जगह ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था जेई में

अब ये हमारा मेसिटाइलिन बन चुका है तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे क्वेश्चन आ चुका है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया हाइड्रोकार्बन ठीक है अब थोड़ा सा मैं मिक्स्ड क्वेश्चन टाइप का आपको बताता हूं ठीक है फटाफट सॉल्व करना है इसे फटाफट

अब अब सी सेम रिएक्टेंट है है तो ये रिडक्शन का रिएजेंट हमने ले लिया स्पेसिफिकली कैटलिस्ट तो क्या बन जाएगा सी सेल की सही बनाया होगा सबने चलो आगे बढ़ते हैं तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हमारा कंप्लीट है अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एल्काइल हेलाइट दैट इज हेलो एल्केन्स अब अगर बात करें एल्काइल हेलाइट की ठीक है तो इसमें हमें बस दो ही चीज पढ़ना है एक है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है एलिमिनेशन ठीक है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन डील करूंगा उसके बाद एलिमिनेशन एक एक करके डील करते हैं बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की तो क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए सब्सटीट्यूशन के लिए ठीक है वेरी सिंपल हमें रिएक्शन पता होना चाहिए हमें रिएक्शन पता होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट एरोमेटिक वाली चीजेंटिक में बताऊंगा एस एन वन एस एन टू और हमें कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सटीट्यूशन का आइडिया रहना चाहिए ठीक है और थोड़ा बहुत आइडिया मैं दे दूंगा एस एन आई रिएक्शन के बारे में इंट्रामोलिकुलर सब्सिट्यूशन तो अब देखो एस एन वन के लिए यूनिमोलिकुलर सब्सिट्यूशन क्या पता होना चाहिए

इस तरीके से आप लिविंग ग्रुप कंपैरिजन कर सकते हो एक और चीज आपको पता होना चाहिए सॉल्वेंट के बारे में सॉल्वेंट हमारे पास पोलर नॉन पोलर होता है इस चैप्टर में हमें सिर्फ पोलर ही चाहिए अब पोलर क्या होता है मोमेंट जिसका नॉन जीरो होता है अब पोलर दो टाइप का होता है एक होता है पोलर प्रोटिक और एक होता है पोलर एप्रोटिक अगर पोलर प्रोटिक की बात करें हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच टाइली इलेक्ट्रोनिकटिव एटम दैट इज नोन एज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो एज बॉन्डिंग कर सकता है वट इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक मतलब हाइड्रोजन इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनिकेटिव एटम दैट इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे एसिटो की बात करें डीएमएसओ की बात करें डायथाइल सल्फोक्साइड या फिर हम्पा

तो हाँ मैं रैप कर रहा हूं क्लियर है थोड़ा आपको इस तरीके से खुद के साथ भी रिवाइज करना है है क्योंकि देखो थोड़ा सा आप स्पीड नहीं बनाओगे और तो आपके लिए क्या है? बहुत टाइम लग जाएगा आपको कवर करने में ठीक है तो थोड़ा से इस सा इस तरीके से आपको पढ़ाई करना होगा तो अब देखो अगर, अगर न्यूक्लियोफाइल की बात डोनेट करके किसी भी पार्टिकल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाए एक्सेप्ट एच प्लस एच प्लस के साथ सिग्मा कौन बना रहा है बेस तो, तो दिस इज दे द डिफरेंस बिटवीन अ बेस एंड अ न्यूक्लियोफाइल अब अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें मतलब स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल तो आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना विद्रॉइंग पावर ज्यादा होगा उतना डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगा चार्ज पार्टिकल्स बेटर न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ये भी कुछ रूल्स होते हैं प्लस आपको ये भी पता होगा अगर कोई फैक्टर नहीं लग रहा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज तो ठीक है ये सब मैं कर रहा हूँ आपको पहले से पता है जैसे एम्स uh, पहले सेपरेट एम्स का पेपर होता था तो एक क्वेश्चन आया था आपको याद होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी इन टर्म्स ऑफ पोलर प्रोटिक इन टर्म्स ऑफ पोलर एप्रोटिक तो बड़ा सिंपल है अगर पोलर प्रोटिक है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सॉल्वेशन होता है इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज इसलिए पोलर प्रोटिक में क्या बोलेंगे आई माइनस सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है उसके बाद बी आर उसके बाद सी एल उसके बाद एफ लेकिन पोलर एप्रोटिक में सॉल्वेशन नहीं होता है तो इसीलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेन तो इसलिए

ठीक है तो इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेट दूसरा पॉइंट इसका जो स्टीरियो केमिस्ट्री होता है ये आपको पता होना चाहिए इसमें होता है रेसमाइजेशन सब सबने पढ़ा होगा सही बात है कि नहीं मतलब रेस्मिक मिक्सचर का फॉर्मेशन ठीक है तो ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए अपने डिटेल में एस एन वन पढ़ाई होगा मेरे हिसाब से अब हम लोग बात करते हैं SN2 की अगर बात करें एसेंट टू की Cl हटाओ OH लगाओ एस एन टू ठीक है अब इसको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में कराते हैं इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए इसके लिए अगर मैं इन तीनों हाइड्रोजन की जगह कोई डिफरेंट ग्रुप्स लेता जैसे एक्स वाई जेड तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कोई कार्बोकेट नहीं बनता है इट वन स्टेप प्रोसेस प्रोसेस अ अ टू स्टेप स्टेप दिस इज वन क्योंकि हम लोग स्ट्रांगर न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं तो ये बैक साइड अटैक होता है यहाँ पे जैसे लिविंग ग्रुप इस डायरेक्शन से निकल रहा है न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बैक साइड से अटैक करता है तो एक्स वाई जेड जितना कम बल्कि होगा इट विल बी इजियर फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू अटैक तो यहाँ पे रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्किनेस ऑफ ग्रुप्स ठीक है ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बाकी केमिस्ट्री इन्वर्जन इन कॉन्फिग्रेशन ये पॉइंट्स आपको एस एन टू के लिए ध्यान रखना होता है ठीक है जैसे एक एग्जांपल से अगर मैं दोनों को जस्टिफाई करना चाहूं ठीक है सपोज आपको लग रहा होगा कि सर प्रोडक्ट बना के बताइए कैसे डिफरेंस आएगा तो मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूं जैसे देखो hmm. बात है SN1 और SN2 प्रोडक्ट डिफरेंस क्या है? अगर बात SN1 प्रोडक्ट की है तो हमें यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनाना होगा एक तो ये वाला, दूसरा पलेट जी ठीक है क्लियर है तो अब इसमें अगर हम लोग बात करें लिविंग ग्रुप जिस डायरेक्शन से निकल रहा है उसी डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल को लगाया कि नहीं बोले तो कॉन्फिग्रेशन सेम गया क्या बोलेंगे इसे रिटेंशन मतलब इन्वर्जन तो भी है इसलिए इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग रेशमिक मिक्सचर कुछ लोग मेरे हिसाब से बोल रहे होंगे रेशमा ठीक है लेकिन आपको बोलना क्या है रेसमिक मिक्सचर ठीक है क्लियर है अब यहां पे एसेंट में क्या होता है इन्वर्जन तो, तो सेम रहेगा लेकिन OH बैक साइड से अटैक करेगा तो यहां पे होता है इनवर्जन एवरी वन इज ठीक है, है? तो इसमें तो तो इस थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री को इन्वॉल्व करके अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब नॉट सो इंपॉर्टेंट इज एस एन आई रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर सब्सिट्यूशन बट थोड़ा आइडिया दे देता हूं कि जैसे OH है ठीक है ये अगर ये रिएक्शन हमसे पूछा जाए अब मुझे बताओ यहां पे तो पोलैरिटी है तो तुम बोलोगे क्या प्रॉब्लम अभी तक जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते हैं सीएल को हटाते हैं ओएच OH को लगाते हैं लेकिन नहीं भाई इस बार पहले से ही विद इन द मॉलिक्यूल में एक न्यूक्लियोफाइल है

इसी के जगह AGCN क्या बनता है इससे आइसोसाइनाइड अगर NaNO2 KNO2 इन दोनों में से कोई एक ले लें एल्काइल नाइट्राइट ये सबके सब सब के तरफ से आंसर आना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में भी है आप लोगों को पता ही होगा अगर हमने AgNO2 ले लिया तब नाइट्रो एल्केन इसके जगह अगर Ag2O ड्राई क्या बनेगा ईथर लेकिन अगर ए मॉइस्ट टू तब तो एल्कोहल लास्ट के दो दो तो सबसे इंपॉर्टेंट एन ए आई एसिटोन तो इससे आर आई प्लस एन एल कौन सा रिएक्शन है पिंकल स्टाइन रिएक्शन लेकिन अगर RCL का रिएक्शन KGF नहीं एजीएफ ठीक है क्लियर है या फिर एच जी टू एफ टू या फिर सीओ एफ टू बिल्कुल सही इसमें होगा स्वर्ट्स सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट कुछ लोगों को लग रहा होगा सर अब तो थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे कि एलकालाउडाइट बनने से रिवर्सिबल होता है लेकिन आपको पता है कि एनएसएल प्रेसिपिटेट बनता है ठीक है इसलिए बैकवर्ड नहीं जा सकता है तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू फॉर्म एलकाइल आई डाइट सारे रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है आई थिंक एवरी वन इज अंडरस्टूड ठीक है चलो लेट्स टेक टू मिनट ब्रेक एंड देन कंटिन्यू Go. चलो वेलकम बैक तो ये हमारा सब्सिट्यूशन था अब हम लोग जो है थोड़ा एलिमिनेशन को देखेंगे ठीक है इट वाज ऑल अबाउट सब्सिट्यूशन अब एलिमिनेशन देखते हैं तो एलिमिनेशन में आप लोगों को पता है सबसे पहले ई रिएक्शन यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन ठीक है तो बिल्कुल एस एन वन का ही डुप्लीकेट है बस डिफरेंस क्या है इसमें टेम्परेचर तो सब्सिट्यूशन ट्वेंटी अब इसका रिएक्शन अगर वीक बेस हाई टेम्परेचर तो भाई लोग बिल्कुल एस एन वन जैसा है यहां भी टू स्टेप प्रोसेस है तो आपको पता है, यहां भी कार्बोकेटाइन बनेगा तो कार्बोकेटाइन बनने के बाद ठीक है हाइपर कंजुगेशन लगा के ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है रेट का डिपेंडेंस इसमें भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकोटाइन पे डिपेंड करता है आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरी वन कोई डिफरेंस नहीं है एस एन वन वन में मैंने वर्बली बोली दी आपको टेम्परेचर का डिफरेंस है ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट इवन अगर हम लोग टू की बात करें द डिफरेंस इन ई टू इट इज स्टेप प्रोसेस स्ट्रॉन्ग बेस अगर ले लें ठीक है तो H और लिविंग ग्रुप निकलने के बाद एल्किन बनता है लेकिन इसमें एक कंडीशन है ठीक है कि लिविंग ग्रुप और H एब्स्ट्रैक्शन जो होगा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए इसलिए इसको एंटी एलिमिनेशन भी बोलते हैं एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज असिटी इसलिए इट इज अ वन स्टेप प्रोसेस ठीक है इसमें रेट किस पर डिपेंड करता है इस रिएक्शन में आपने देखा होगा एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन ट्रांजिशन स्टेट पे डिपेंड कर रहा तो है 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 इसलिए इसलिए तो तो एलिमिनेशन ऐसा थोड़ी है कि लिविंग लिविंग ग्रुप ग्रुप ऊपर भी रख सकते हैं क्योंकि अटैक ऑफ़ बेस और में होना चाहिए ताकि हमारा ट्रांज़िशन स्टेट स्टेबल हो ठीक तो ये दो पॉइंट हमें देखो कितने टाइप के प्रोडक्ट हमारे बन सकते हैं अगर सी एच थ्री ओ एच मैंने ले लिया ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस सी एच थ्री ओ एच मैंने ले लिया फिफ्टी डिग्री सेल्सियस सी एच थ्री ओ माइनस एन ए प्लस मैंने ले लिया हाई टेम्परेचर आर ओ माइनस एन ए प्लस हाई टेम्परेचर ठीक है ये सब मैंने बेसिस ले लिया ठीक है अब मैं तुम्हें थोड़ा बताता हूँ टू डिग्री सबस्ट्रेट है हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा सा ये चीज याद रखना आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा कि वाटर या एल्कोहल अगर आ जाए ये सब दिखे तो ये सब होते हैं मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल्स और बेसिस एल्होलिक केनए प्लस जिसको हम लोग बोल सकते हैं रोना ठीक है Runa, क्लियर है या फिर एल्कोहलिक हो गए आपके या फिर एक और हो सकता है एल डी एमपाइल ये सब होते है, है? तो स्ट्रॉन्ग बेसिस अगर हमने वीक न्यूक्लियोफाइल ले लिया है तो इससे क्या होगा एस एन वन क्योंकि टेम्परेचर भी कम है हाई टेम्परेचर में वीक बेस या न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या लगेगा ई वन स्ट्रांग बेस तो दोनों ही ई टू क्लियर है बात स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ई ही लगता है तो अब अगर एस लग रहा है तो सी हटाओ यही हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है इज द प्रोडक्ट अगर तुम बोलोगे सर E1 में प्रोडक्ट कैसा बनेगा तो आपको पता है E1 में प्रोडक्ट यही कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है तो यहां से भी एल्किन बन सकता है यहां से भी बन सकता है लेकिन जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा सेटीन मोस्ट स्टेबल ठीक है अब E2 के लिए भी सेम सेन मोस्ट स्टेबल लेकिन ये हमें जो दिया है दिस इज बल्कि बेस तो बेस अगर खुद बल्कि है मतलब ये बेस नहीं है ये क्या है भैंस ठीक है क्लियर है तो तुम्हें पता है तुम्हें पता है कि ये क्या करेगा ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा एच किस से ले क्राउडेड से सही बात है क्योंकि ये खुद बल्कि है तो इसको यहां से हाइड्रोजन निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट ठीक है तो ये क्या करेगा यहां से एच निकालना चाहेगा तो इसलिए जो हॉफमैन प्रोडक्ट है ये क्या हो जाएगा मेजर हो जाएगा पॉइंट वेरी ठीक है क्लियर है तो इसको मैंने आपको इसलिए याद रखने का तरीका भी बता दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जेई में पूछा जा चुका है पहले कि बल्कि बेस अगर आ जाए तो लेस टेलीकेली क्राउडेड से एच एब्स्ट्रैक्ट करता है ठीक है तो थोड़ा सा क्लियर है, है? है तो अगर कॉन्जुगेट बेस की बात करें मुझे तो ये बिल्कुल ई टू लगता है

ठीक है क्लियर है ये अगर दिख जाए तो समझ जाना कौन सा पाठन सी बी तो इससे बनेगा प्रोडक्ट वही लेकिन इट्स अ टू स्टेप क्या? बस इतना अगर तुमने जान लिया उसके बाद दुनिया आसान है कैसे प्रोडक्ट बताता हूं अगर ये रिएक्टेंट है एजीओएच हाई टेम्परेचर ये अगर आपको रिएक्शन दिया होगा तो आपको पता है कि लिविंग ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट हो जाएगा अब तुम्हें एक लास्ट में एक चीज बता देता हूँ है? क्लियर है जो ऑफमेन एक्सॉस्टिंग मिथाइलेशन है उसको मैं अमाइंस में ही बताऊंगा ठीक है क्योंकि ई वन सीबी से लिंक रिएक्शन है लेकिन उसे अमाइंस में ही डिस्कस करेंगे हम लोग चलो आगे डिस्कस करते हैं अभी एक लास्ट पार्ट

अगर विसिनल डायलाइड आ जाए ऐसा विसिनल डाइलाइड अगर आ गया और तुम फिंकलस्टाइन फिंकलस्टाइन चिल्लाने लग गए तो बहुत बड़ा मजाक हो जाएगा तो तो इसका पाथ जो है ये होगा E2 ठीक है क्लियर है तो तो इसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट एल्कीन हो जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान रहे ठीक है नेक्स्ट अब एजी पाउडर के बारे में भी आपने सुना होगा आज एल्काइन में भी हमने देखा था तो एजी पाउडर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन जैसे आप देखो ये इसका रिएक्शन अगर एजी पाउडर से करें हम लोग तो मैं आपको बताता हूं इसका प्रोडक्ट क्या होता है रेडिकल मैकेट इज क्लियर ठीक है वेरी इजी ये प्रोडक्ट बनता है अब वैसे ही जिंक डस्ट के बारे में भी सुना होगा ये भी एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमिनेशन में आता है सेम अगर आपने वेसिनल डाहेलाइड ऐसे लिया होगा तो दोनों को ऑपोजिट में रखो जिंक डस्ट से रिएक्शन करो तो ई टू पाथ से ये एजी पाउडर वाला एकदम वुड रिएक्शन जैसा है कुछ नया नहीं लगना चाहिए आपको तो ये आपका प्रोडक्ट है ठीक है अब एक जो नीट में पूछा जा चुका है एल्कोहलिक तो सबको पता ही होगा एनए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो थोड़ा सा ध्यान रहे अगर हमें ऐसा जेमिनल या विसिनल दे दे एल्कोहलिकॉलोड बाय एनएनएच टू तो इससे एल्काइन बन जाता है तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे ठीक है एक और होता है एल टू थ्री

e1 cp जैसे मैं थोड़ा आपको एग्जांपल से बताता हूँ क्योंकि बाकी सब तो मैंने बताया ही है ठीक है तो देखो ये सब थोड़ा याद रखना इसलिए आपको समझाया जा रहा है फायदेमंद हो जाएगा आपके लिए क्योंकि ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अब देखो जैसे अगर हम लोग बात करें अल्कोहल सपोज ये अगर इस एल्कोहल का रिएक्शन आपको एग्जाम में ए एल टू और थ्री के साथ दे दे तो आपको पहले से पता है पाथ कौन सा लगाना है ई टू ई टू मतलब एल्किन हम लोग कौन सा बनाएंगे सेट जेफ तो हमारा एल्किन बन जाएगा ये आई थिंक एवरी वन इज अंडरस्टूड दिस लेकिन एक डिफरेंस आएगा कब अगर हमें प्रोडक्ट बोल दें ये इसका रिएक्शन करो थोरियम ऑक्साइड के साथ अब पथ कौन सा है e1cb आप लोग को पता है कार्बाइन आयन लेसर क्राउडेड वाला होगा तो इसलिए इसका एल्किन कैसा बनेगा ये आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस क्लियर है बात ठीक है तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनाना इसी के साथ हेलो एल्केन्स कंप्लीट अब हमने हाइड्रोकार्बंस और आ, हेलो एल्केन्स कंप्लीट

Important है, तो थोड़ा ग्रिग्नार्ड का ज्ञान भी दे, दे देता हूं ठीक है तो थोड़ा शॉर्ट में जितने रिएक्शंस बताऊंगा बस उतना आपको पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में क्योंकि देखो से ईथर्स तो छोटा ही है बहुत टाइम नहीं लगेगा ग्रिग्नार्ड भी जितने इंपॉर्टेंट है मैं उतना हाईलाइट कर देता हूं क्या क्या पता होना चाहिए आपको ग्रिग्नार्ड के बारे में ठीक है सबसे पहली बात एल्काइल हेलाइड का रिएक्शन अगर एम जी इथर के साथ करोगे तो आर एम जी एक्स ये बनेगा ठीक है क्लियर है इसी को बोलते हैं ग्रिगनार्ड अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आर माइनस क्योंकि ये बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बेस के साथ बस एक रिएक्शन ही इन्वॉल्व होता है तो आज हमने पढ़ा था जेरीविटिनॉफ ठीक है तो इसके रिएक्शन देख लेते हैं बेस जेरी ऑलरेडी तो मैंने पढ़ा दिया है, मैं इस पर बात नहीं करूंगा ठीक है ऑलरेडी आपको याद ही होगा ये वाला रिएक्शन मैंने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में आज ही बताया जब आप आर एम अर्म, जी एक्स का रिएक्शन दुनिया का कोई भी एसिडिक एच कंटेनिंग के साथ करोगे एसिडिक एच कंटेनिंग कंपाउंड के साथ तो आर एच एल्केन बन जाता है मैंने कहा भी था नीट ट्वेंटी में ये आया हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो अब न्यूक्लियो की बात करते हैं एज न्यूक्लियो फाइल अगर ग्रिगनार्ड को हमें यूज करना हो ठीक है तो कौन कौन से रिएक्शन है तो सबसे पहले विथ एल्डिहाइड्स एंड हाइड्स ठीक है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है ये पाथ सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट कैसे अगर ग्रिगनार्ड का रिएक्शन फॉर्मल डिहाइड फॉलोड बाई एच प्लस तो मुझे बताओ क्या करना है हमें इस ग्रिगनार्ड को कार्बन से ऐड किया और ओ को क्या दे दिया एच तो इससे हमारा क्या बन जाएगा वन डिग्री एल्कोहल सही बात है कि नहीं इट इज वन डिग्री एल्कोहल तो वैसे ही इसी ग्रिगनार्ड का रिएक्शन फॉर्मल डिहाइड छोड़ के कोई और एल्डिहाइड डिहाइड फॉलोड बाई एच प्लस टू डिग्री एल्कोहल और अगर हमने किसी कीटोन से रिएक्शन कर दिया इसी ग्रिगनार्ड का तो इट इज थ्री डिग्री अल्कोहल क्लियर है तो इसलिए ये थोड़ा सा याद रखना डिग्री एलकोल ठीक है लाइफ विल भी झींगा चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है क्लियर है अब ये था एलडीड किटोन के साथ अब नेक्स्ट हम ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन देखना है किसके साथ एसिड डेविटिव के साथ ठीक है तो वो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था क्योंकि हमने बस न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया था एसिड डेरिवेटिव के साथ पाथ कौन सा होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन ठीक है क्लियर है तो इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ अगर वहां पे मैंने शायद लिखा नहीं था आप लिख सकते हो विद एल्डिहाइड कीटोन आप एन ए लिख सकते हो ठीक है क्लियर है ऐसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वो थोड़ा मेंटेन कर लेना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ आपने ऑलरेडी पढ़ा ही होगा ये मेरे हिसाब से एडिशन एलिमिनेशन ऐसा क्यों बोलते हैं क्योंकि अगर आपने एसिड डेरिवेटिव ले लिया l क्या-क्या हो सकता है or होगा तो ester o sior होगा तो anhydride x होगा तो halogen इसका रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड के साथ करेंगे followed by h+ तो हमारे पास आ जाएगा ketones क्लियर है बात ठीक है तो बड़ा सिंपल है न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया लिविंग ग्रुप को निकाल दिया। तो यही होता है एडिशन एलिमिनेशन ठीक है अब अगर बात करें विद हिपोक्साइड्स ठीक है, इपोक्साइड्स के साथ भी सिंपल है ग्रिगनार्ड का रिएक्शन अगर तुम इपोक्साइड मतलब साइक्लिक इथर के साथ करोगे फॉलोड बाय एच प्लस तो ये अटैक आर सी एच टू सी एच टू ओ एच सिंपल विथ इसके साथ कैसे ग्रिगनार्ड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर हैं है एलकाइललाइट के साथ टू पाथ से रिएक्शन करता है आर आर डैश इज इट ये हमने आज ही डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में ये प्रोडक्ट हमारा हो जाता है अब अगर बात करें विथ साइनाइड्स तो ग्रिगनार्ड का अगर आप साइनाइड के साथ रिएक्शन देखोगे फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस मैं आपको बताता हूँ इससे ही बनता है रिजल्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एक आर यहां से एक आर डैश यहां से तो ये आपका कीटोन बन चुका है लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऐड करना चाहूंगा जो मेरे हिसाब से सबने पढ़ा ही होगा ये वाला रिजल्ट कि साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से अगर हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड सही बात है कि नहीं ये रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर हम लोग पार्शियल पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या बनता है अमाइड ये रिजल्ट सबको पता ही होगा मेरे हिसाब से क्लियर है बात दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इसके बाद एक लास्ट रिज़ल्ट जो हमारा ग्रिगनार्ड का रहता है ठीक है ये सब तो रिज़ल्ट मैंने आपको बता दिया एक मैं निक्स टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा आपको सारे रिएजेंट्स एक साथ का ठीक है एक लास्ट रहता है कुछ और भी रिएक्शन रहते हैं ग्रिगनार्ड के जो एक साथ आपको पता होना चाहिए जैसे सी ओ टू फॉलोड बाई एच प्लस ओ टू फॉलोड बाई एच प्लस ये सब टाइप के क्वेश्चन हो गए ठीक है या फिर सी एल टू हो गया या फिर बी आर टू हो गया

चलिए सब लोग इसको ट्राई कीजिए फट से करते हैं मेरे हिसाब से सबने ट्राई किया होगा इसको ठीक है अब इसका अगर प्रोडक्ट हम लोग बनाएं CH3 CH2 CHOH कौन ऐड हुआ CH3 तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सबने बनाया होगा मेरे हिसाब से प्रोडक्ट ठीक है अब यहाँ पे कीटोन बनेगा दो CH3 के साथ तो एसीटोन इज द प्रोडक्ट इजंट इट यहाँ पे अगर देखें एडिशन एलिमिनेशन CH3 CO पहले से था एक नया सदस्य आया है CH3 सही बात है यहाँ पे O2H+ टू एच एल्कोहल सीओ कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबने ये प्रोडक्ट बनाया होगा मेरे हिसाब से फिर से बता रहा हूँ ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवाइज करना है प्रॉपर्ली इसे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब क्योंकि हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट पढ़ लिया है ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं एल्कोहल्स चैप्टर में ठीक है तो एल्कोहल्स चैप्टर हम लोग पढ़ लेते हैं एल्कोहल्स चैप्टर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन चलो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले एल्कोहल कैसे बना सकते हैं जैसे हमें पता है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन तो मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले ही बताऊंगा वैसे तो मेथड्स बहुत सारे हैं ठीक है क्लियर है लेकिन ऑब्वियसली नीट के रिस्पेक्ट में जो इंपॉर्टेंट है वही हमें डील करना है तो एल्किन के साथ अगर एच प्लस एच टू का रिएक्शन करें तो ये आज आपने ऑलरेडी देखा है क्लासिकल कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ न्यूक्लियोफाइल लगा दो तो इससे हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं ठीक है नेक्स्ट एल्कोहल बनाने का और तरीका एस एन वन एस एन टू से आज तो हमने सब्सिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ाई है मेरे हिसाब से ठीक है तो आप अगर जैसे टर्शरी एल्काइड लो तो हमें पता है कि बल्किनेस का बहुत बड़ा सपोर्टर होता है सही बात है कि नहीं एस एन वन जैसे एस एन वन में हमें बल्किनेस ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि कार्बो केटाइन की स्टेबिलिटी की बात है लेकिन एस एन टू में हमें क्या चाहिए बल्किनेस कम चाहिए होता है एस एन वन में मैंने टर्शरी ले लिया है इसका रिएक्शन वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ करूंगा तो एस एन वन पाथ से यहाँ पे ये अल्कोहल बन जाएगा और अगर यही बात एस एन टू के लिए तो जैसे सी एच थ्री सी एल और ओ एच माइनस मैंने ले लिया एस एन टू पाथ से CH3OH, isn't it? तो ये एक तरीका है. प्लस हमने और भी चीजें देखी हैं. जैसे आज हमने एक रिएक्शन पढ़ा था कि मॉइस्ट वाला, ओ इट तो आप लोग अगर एल्काइल हेलाइड का रिएक्शन Ag2O मॉइस्ट से करोगे तो भी अल्कोहल बन सकता है मेरे हिसाब से एवरीवन विल एग्री विद दिस ठीक है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट डाइजोनियम सॉल्ट से भी हम लोग बना सकते हैं एल्कोहल ठीक है अगर आप डाइजोनियम सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस कर दें पेंटू को हटा दो वो इसको लगा दो तो एल्कोहल बन सकता है इजीली तो ये भी एक तरीका है जिससे हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं एक पिनाकोल फॉर्मेशन रिएक्शन भी होता है ठीक है विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू नीट बट मैं इसलिए सिर्फ रिएक्शन डायरेक्टली बता रहा हूँ ठीक है पिनाकोल फॉर्मेशन इसमें आपको क्या करना है अगर आप कीटोन ले लें या एल डी हाइड ले लें ले, और इसका रिएक्शन एमजी एच जी ठीक है एम जी एच जी हाइड्रोलाइसिस मतलब वेसिनल डायोल बन जाएगा सही है ठीक है तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया तो मैंने कुछ आपको रिएक्शंस बता दिया है अल्कोहल प्रिपरेशन के रेस्पेक्ट में ठीक है क्लियर है दीस आर सर्टेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कुछ और भी एडिशनल रिएक्शन है लेकिन वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे पॉक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन का नाम आपने सुना होगा ठीक है एक और है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ठीक है तो ये सब भी अगर पूछ लें जैसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है रिडक्शन देख लिया था तो कुछ वैसा ही कार्बन कंटेनिंग मोर नंबर में नीचे वाले रिएजेंट को ऐड करो आज आपको मैंने एक तरीका बताया ही था और ओ एम डीएम ऑक्सीमर्कुरेशन डी मर्कुरेशन ठीक है तो आपने पढ़ा हुआ है तो आपके लिए ये सब फॉर्म्स दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दिस इज ऑक्सीमर्कुरेशन डी मर्कुरेशन इसी एल्किन का रिएक्शन अगर मैं एच जी ओ सी टू फॉलोड बाय पॉनी यानी बी एच फोर तो इसमें क्या होता है ऊपर वाले रिएजेंट को कार्बन कंटेनिंग लेस और नीचे से एच आ रहा है तो वो सी एच थ्री से एड हो जाएगा ये हो गया कुछ रिएक्शंस मैंने आपको बता दिए ठीक है इंपॉर्टेंट वाले आपको पता ही है प्लस ऑक्सीडेशन में कुछ लास्ट में जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हम लोग बना सकते हैं ठीक है क्लियर है वी कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन प्लस हम लोग एल्किन uh, से एल्कोहल भी बना सकते हैं ये भी देखेंगे ऑक्सीडेशन में चलो ये सब ने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से आगे बढ़ते हैं एल्कोहल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें ठीक है तो आप देखो यहां पे पहला एसिडिक नेचर तो अगर एसिडिक नेचर की बात करें तो हमें पता है सेम जैसे एल्काइंस में हमने देखा था ये तो ये तो प्रोडक्ट बन जाएगा हो no हो जाए तभी सकता है। भी no reaction? भी पॉसिबल है। है? भी पे ठीक नेक्स्ट अब अगर सेकंड रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करें तो एल्कोहल्स के और भी रिएक्शंस हैं, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ तो मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा आप लोगों को ऑलरेडी पता है मैंने एल्कीन प्रिपरेशन में बता ही दिया है ठीक है प्लस और रिएक्शन आपको कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आइडिया होगा जैसे SoCl2, और PCl5. इनका नाम तो सबने सुना ही होगा मेरे हिसाब से ठीक है क्लियर है तो आप देखो <coughs> जैसे एल्कोहल का रिएक्शन अगर एसओसीएल टू अकेला तो इंट्रामोलिकुलर सब्सिट्यूशन लेकिन प्रोडक्ट तो वही होता है RCl plus SO2 plus HCl ये वेपराइज हो जाते हैं सही बात है इसी अल्कोहल का रिएक्शन है SOCl2 पीरिडीन के प्रेजेंस में अगर हम लोग करेंगे तो पाथ कौन सा होता है SN2 प्रोडक्ट इज जस्ट द सेम लेकिन आप देख रहे हो कि पाथ क्या हो जाता है डिफरेंट ठीक है ये तो फेज आउट हो गए इजंट इट अब PCL3 के प्रेजेंस में करेंगे तो फिर से SN2 एन RCL प्लस आपने देखा होगा यहाँ पे H3PO3 बनता है ठीक है ये प्रोडक्ट्स आपने देखा होगा ये दिस इज द प्रोडक्ट अगर इसी अल्कोहल का रिएक्शन आपने PCL5 से किया तो फिर से SN2 लेकिन प्रोडक्ट सेम नहीं होते क्या होता है RCL सी एल प्लस एच सी एल प्लस पी थ्री ठीक है सही बात है ये हमारा प्रोडक्ट बनता है तो अब आप बोलोगे सर ये सब का फायदा क्या है देखो आपको ऑलरेडी पता है मैंने सबका स्टीरियो केमिस्ट्री का बात कर ही लिया था बस शायद मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री में एक ही छोड़ा एसन आई एस एन आई अगर पूछ ले आपसे तो रिटेंशन इन होता है ये चीज ध्यान रहे ठीक है तो अब अगर मैंने ये सब चीज आपको आइडिया दे दी है तो एल्को लाइट ऑलरेडी पढ़ा दिए मेरे हिसाब से तुम कर पाओगे जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ जैसे सपोज ये अल्कोहल मैंने लिया है ठीक है इथाइल है ये ओ एच अगर मुझे एसोसीएल टू अकेला दे दें ऐसे ना पता है ऐसे ना मतलब मुझे पहले से पता है कि क्या होगा Retention. Retention मतलब जिस साइड से क्लियर है. है? है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब थ्री के बाद नेक्स्ट फोर पे आते हैं ठीक है एल्कोहल के और भी रिएक्शन होते हैं जैसे मेरे हिसाब से आपने पढ़ा होगा लुकास टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट लेकिन उनको मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसके लिए एक पोर्शन छोड़ा हुआ है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही बात करेंगे ठीक है तो लुकास टेस्ट और विक्टर मेयर मैं यहाँ पे नहीं बता रहा उसको आगे बताऊंगा आपने पढ़ा ही होगा दोनों ही डिस्टिंगशन ऑफ वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री अल्कोहल है तो उसको आगे देखेंगे नेक्स्ट आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कन्वर्जन ऑफ टू गुड लिविंग ग्रुप ठीक है तो बड़ा सिंपल है अगर आप एल्कोहल का रिएक्शन टोसाइल तो क्लोराइड के साथ करेंगे तो आपको पता है ये आर ओ टी एस में कन्वर्ट हो जाएगा वाई बिकॉज इट इज अ घटिया लिविंग ग्रुपएस इज अ गुड लिविंग ग्रुप तो ये एक बार आर ओ बन गया एक बार गुड लिविंग ग्रुप हमें मिल जाए उसके बाद इसका सब्सटीट्यूशन आसानी से हो सकता है इसे निकालना हमारा कर्तव्य है ठीक है क्लियर है सही बात है कि नहीं ठीक है तो आपसे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं देखो कैसा क्वेश्चन आ सकता है इसमें मिथानॉल एनए तुम्हें तो बड़ा मजा आएगा तुम सोचोगे कि ओए निकाल देते हैं सीएल लगा देते हैं बिल्कुल गलत पुअर लिविंग ग्रुप तरीका क्या है आप क्या करो इसका पहले टोसाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराओ ओटीएस कन्वर्ट बनाओ मतलब ओटीएस में लाओ इसे ओटीएस में ला दिया तो फिर एनएसीएल का रिएक्शन आराम से हो जाएगा सी एस अंडरस्टूड इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है बाकी अल्कोहल के इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही होते हैं बाकी मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बारे में आपको आइडिया दिया ही है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वगैरह हमने पढ़ ही लिया है ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं बाकी ये ई वन रिएक्शन भी देता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये पुअर लिविंग ग्रुप में आता है ठीक है क्लियर है बाकी अल्कोहल के बारे में आपको और भी चीज़ें पता होना चाहिए जैसे अल्कोहल का 170 डिग्री सेल्सियस अगर देते हैं तब तो एल्किन बनाता है ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लेकिन अगर हम लोग 140 डिग्री सेल्सियस दे दें दे, तो आपको पता ही होगा ये ईथर बनाता है ठीक है क्लियर है तो ये सब एनसीआर की चीजें हैं डू अ रीडिंग ठीक है बाकी अल्कोहल के बारे में मैंने आ, और भी रिएक्शन आपको बताया जैसा हाइड्रोक्सीन आपने देखा होगा अल्कोहल फॉर्म हम लोग कैसे कर सकते हैं प्लस <coughs> एल्कोहल बनाने के सॉरी uh, एल्कोहल के रिएक्शंस की अगर बात करें मैंने आपको एसिडिक नेचर का भी एक आइडिया दे दिया तो ये सब कुछ मेन रिएक्शन है पढ़ाने के लिए तो बहुत रिएक्शन है एल्कोहल में बहुत चीजें हम लोग देख सकते हैं लेकिन ये कुछ ही रिएक्शंस होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनको थोड़ा सा ध्यान रहे बाकी टेस्ट को मैं आगे कंसिडर करूंगा ठीक है अब थोड़ा सा इथर देख लेते हैं हम लोग लेट्स टॉक अबाउट ईथर्स

का रिएक्शन अगर एल्काइल एलकाइल से करेंगे सही बात है कि नहीं तो इससे क्या होगा अटैक लेकिन तुम बोलोगे सर आपने तो कहा था रोना स्ट्रॉन्ग बेस होता है यहां पे तो ई टू लगना चाहिए तो इस रिएक्शन का कंडीशन है क्या पहली बात तो आर डैश कभी भी थ्री डिग्री नहीं हो सकता थ्री डिग्री होने से सिर्फ ही लगेगा दूसरी बात Substitution लग सकता है। नहीं तो कौन सा पाथ लेगा टू का आ रहा है समझ में दोस्तों दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ लेकिन आपको मैं नाम बता रहा हूँ तो आपको शायद पता ही होगा विलियमसन इथर सिंथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये एक इथर का रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बाकी जो हमने नहीं पढ़ा है उन रिएक्शंस में जैसे कुछ तो पढ़ भी लिया आज हमने प्रिपरेशन भी देख लियान अगर एजी टू वो ड्राई से करेंगे तो आपको पता है कि इससे इथर बनता है वो रिएक्शन हमने पढ़ा एक और रिएक्शन हमने इपोक्साइड वाला पढ़ लिया है रिग्नाट का रिएक्शन अगर इपोक्साइड से करेंगे तो क्या बनेगा एल्कोहल ठीक है क्लियर है तो जो पढ़ लिया है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब ऑलरेडी उसे पढ़ी लिया है अब जो नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग एक रिएक्शन आपने इथर के बारे में यह भी सुना होगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा रिएक्शन विथ एच आई से एचआई समझना हाई मत समझ लेना ठीक है क्लियर है अब देखो एच आई के साथ कौन सा रिएक्शन होता है इथर का अगर ये क्वेश्चन आ जाए इथर एच आई एक्सेस तब तो मजा आ जाएगा एक्सेस मतलब बस प्रोडक्ट बनाते जाओ रुकना नहीं है तुम्हें बहुत मजा आएगा अगर ये क्वेश्चन है लेकिन ये मजा जो है हमें मिलेगा ही नहीं क्योंकि आता ही नहीं है ठीक है क्लियर है अब मैं अब मैं तुम्हें तब मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों ठीक है क्लियर है क्योंकि बहुत ही लीलुआ क्वेश्चन हो जाएगा ना यार एक्सेस ठीक है क्लियर है एक्सेस मतलब तुम सबसे आयोडीन लगाते रहो इतना थोड़ी होगा एक्चुअली क्या होता है क्वेश्चन इस पर जो बनता है वो सिलेक्टिव बनता है ठीक है दो पाथ फॉलो हो सकता है एक एस और एक एस तो एक एक करके बताऊंगा मैं जैसे अगर बात करें एस एन वन का जितना बताओ उतना बस याद रखना ठीक है क्लियर है तो देखो जैसे एस एन वन की बात रिएक्शन तो अब मेरा एक्मशन क्या है हैल्की तो क्या करेंगे आई का अटैक किस पे करेंगे R- पे करेंगे सही है हमारा ज्यादा बल्कि है अब आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि अगर मुझे थ्री डिग्री कहीं पे दिख गया इफ आई सी थ्री डिग्री ठीक है क्लियर है तो मेरा पाथ क्या हो जाएगा एस एन वन सिंपल अगर थ्री डिग्री मुझे दिख गया देन पाथ इज एस एन वन ठीक है ये थ्री डिग्री है तो पाथ एस एन वन होगा तो टर्शरी के साथ आयोडीन को ऐड कर दिया और मिथाइल के साथ ओ एच एड हो गया सिंपल है कि नहीं ठीक है क्लियर है अब Sn2 की बात करते हैं Sn2 में क्या होगा भाई वही इथर वही हाई लेकिन कहानी बिल्कुल अलग ठीक है क्लियर है क्योंकि इस बार क्या है इस बार हमें मोर बल्कि नहीं लेस बल्कि चाहिए क्योंकि बात Sn2 की हो रही है ठीक है क्लियर है तो अब देखो अब इसमें कंडीशन क्या है जैसे ये वाला क्वेश्चन सेम रियक्शन एसेंट टू ठीक है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कौन है मिथाइल? मिथाइल तो मिथाएल के साथ आयोडीन और बाकी बन जाएगा। लेकिन मैं बोलना क्या चाहता हूँ कैसे पता चलेगा हमें SN2 लगेगा इसमें ठीक है क्लियर है तो यहाँ पे एसेंट टू के लिए हमारा जो एल्काइल ग्रुप होना चाहिए या तो मिथाइल या तो वन डिग्री या तो टू डिग्री थ्री डिग्री ना हो ठीक है थ्री डिग्री होने से बात क्या होगा एस एन वन अगर थ्री डिग्री नहीं है तो पाथ क्या होगा एस एन टू थिंक एवरी सारे आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं एक और रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथर लेकिन वो बहुत ही ईजी है आपको पता ही है कि इथर का अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आप पानी एड करेंगे तो एल्कोहल बनेगा ठीक है तो एच आई वाला लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ चार पांच बार पूछा गया है पास्ट ईयर में तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जितना मैंने बता दिया उतना बस याद रखना ठीक है थीके? क्लियर है तो ईथर्स की रिएक्शन बहुत ही कम है ऑलरेडी कुछ मैंने पढ़ा दिए है अभी कुछ का आइडिया मैंने दे दिया है ठीक है क्लियर है विद दिस वी कंप्लीट ईथर्स ठीक है तो अब हम थोड़ा सा दो मिनट ब्रेक लेंगे उसके बाद फिर एक बड़ा पोर्शन स्टार्ट करेंगे ठीक है एरोमेटिक वाला थैंक यू गो चलो वेलकम बैक स्टार्ट करते हैं हम लोग एरोमेटिक केमिस्ट्री से तो यार ये दो बड़े बड़े यारोर्शन होते हैं एरोमेटिक केमिस्ट्री और एक एल्डिहाइड कीटोन तो इनको हम लोग शॉर्ट में देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक तो, है क्लियर है सीक्वेंस में सबसे पहले स्टार्टिंग विद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा रिएक्शन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार चलता है आपको पता ही होगा कि बेंजीन जो है अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करता है ठीक है तो क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन से ऐड करते हैं और हमें पता है कि H प्लस निकल जाता है तो इस पाथ को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ H प्लस निकला ठीक है एरोमेटिक कंपाउंड पे हो रहा है इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन बोलते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन इन दिस केस इज द मोस्ट important पार्ट ठीक है तो अब चलो इससे इन्वॉल्व जो भी रिएक्शंस है उसको हम लोग देखते हैं ठीक है तो आपको कुछ रिएक्शन पता होना चाहिए जैसे एक साथ में ई एस के रिएक्शंस को बताता हूँ आपको सबसे पहले जैसे हो गया नाइट्रेशन सबको पता होगा नाइट्रेशन के बारे में कि बेंजीन से हम लोग क्या बना सकते हैं बेंजीन कैसे अगर नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्शन करें सही बात है इसके बारे में आपको होगा कि एच टू फोर जो होता है वो एसिड की तरह एक्ट करता है और एच एन ओ थ्री बेस की तरह एक्ट करता है ठीक है अब इसी का एक छोटा भाई है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसुएशन इसमें क्या होता है बेंजीन से नाइट्रोसो बेंजीन बन सकता है लेकिन इसके लिए हम लोग रिएजेंट क्या लेंगे NNO2 plus HCl या फिर H plus टू भी हो सकता है ठीक है नेक्स्ट इसमें क्या होता है बेंजीन का हम लोग किससे करते हेलोजन ए एल एक्स थ्री के प्रेजेंस में हेलो एरीन बनता है इसमें ठीक है तो बड़ा सिंपल रिएक्शन है क्या होता है इसमें ए एल एक्स थ्री बस एक्स को ट्रैप कर दिया तो एक्स प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल तो इजीली प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं सही बात है नेक्स्ट रिएक्शन जो होता है ये आप लोगों ने सुना होगा मेरे हिसाब से गेटरमैन के दो रिएक्शन आपको बताऊंगा मैं एक होता है गेटरमैन कोच रिएक्शन इसमें क्या होता है हम लोग बेंजीन से बेंजल डिहाइड बनाते हैं लेकिन कई से ऐसे सीओ प्लस एचसीएल फॉलोड बाई एचसीएल थ्री एल सी एल थ्री CO plus HCl followed by AlCl3. तो इससे क्या होता है COH का इंट्रोडक्शन होता है बेंजीन में इसको बोलते हैं गेटरमैन कोच तो वेरी इंपॉर्टेंट ये सब सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जितने भी मैं आपको बता रहा हूं अगर हम लोग बात करें यहां पे गेटरमैन के एक और रिएक्शन की ठीक है क्लियर है अगर एक और रिएक्शन की बात करें तो यहां पे गैटरमैन एल्डिहाइड तो बेटा गैटरमैन की दो रिएक्शन जो ये हैं ये आपको दोनों पता होना चाहिए गैटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन इसमें क्या होता है बेंजीन के साथ हम लोग रिएक्शन करते हैं एच सी थ्री फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस तो इससे भी बेंजेल डिहाइड बनता है ठीक है तो ये रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान रहे ये दोनों ही गैटरमैन के रिएक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है और भी बताता हूं ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे एक और रिएक्शन स्पेसिफिकली दो रिएक्शन और बताता हूं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट इस रिएक्शन में क्या होता है जब हम लोग बेंजीन का रिएक्शन करते हैं किससे तो कुछ नहीं करना है ये क्या क्या करेगा? X को ट्रैप कर देगा, just like halogenation. Halogenation में क्या था? X2 में XX था? था। यहाँ पे कौन है एक्स और आर परपज एल एक्स थ्री का सेम है ठीक है क्लियर है ए एल एक्स थ्री क्या है डाकू है ये एक्स को लूट के ले जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन है आर प्लस तो इसमें एलकाइलेटेड बेंजीन बन जाता है ठीक है क्लियर है तो इट इज जस्ट लाइक हेलोजेनेशन लेकिन अब तुम इसे बोलोगे सर एग्जाम में तो चोर डाकू के बारे में तो पूछा नहीं जाएगा ठीक है क्लियर है तो हम लोग इसमें क्या ध्यान रखें ठीक है यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनता है आर प्लस हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस जैसे एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बताता हूँ यहाँ पे अगर बेंजीन के साथ हम लोग रिएक्शन करें

तो आपको पता है इसको जब बेंजीन से अटैच करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनता है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर अस आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या बोलते हैं इसे क्यूमीन आपको पता ही होगा में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्यूमीन हाइड्रोपेरऑक्साइड मेथड आएगी नहीं समझ में तो क्यूमीन बनाने का तरीका ये होता है तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ध्यान रहे बाकी इस तरीके से प्रोडक्ट्स रिएक्शंस तो आपने बहुत सारे फ्रिडल क्राफ्ट एल्कैलेन में प्रैक्टिस किया होगा इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में एनीलीन रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि आपको पता है आ, में जब तो एन एच टू प्लस ए एल सी एल थ्री माइनस बनाता है एन पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आते ही आपको पता है पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल आर प्लस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा इसलिए एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्टन सेम गोज फॉर एनी इलेक्ट्रॉन विफिक्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देते हैं ठीक है थेके? ये थोड़ा सा ध्यान रहे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लस आपने ये भी ड्रॉबैक्स पढ़ा होगा मैं आपको ड्रॉबैक्स ही गिना रहा हूं जैसे पॉलीअलेशन आपको पता होगा कि अगर आपने यहां पर आर की जगह मिथाइल ले लिया तो यहाँ पे फिर रिएक्शन जो है इतने सारे मिथाइल ऐड हो जाएंगे बेंजीन में कि मुश्किल ही हो जाता है रिएक्शन को कंट्रोल करना क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़ती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बेंजीन में बढ़ेगी तो आर प्लस और रिएक्ट करेगा अगर आर प्लस ज्यादा रिएक्ट करेगा तो एक टाइम के बाद रिएक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है तो ये सब ड्रॉबैक्स होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रहे और रीअरेंजमेंट भी एक प्रॉब्लम ही है क्योंकि स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाना फिर मुश्किल हो जाता है ठीक है जैसे अगर किसी ने हल्ला कर दिया कि नहीं मुझे प्रोपाइल प्रोफाइल बेजीन बच्चे लोग जैसे बोलते मुझे यही टॉफी चाहिए सही बात है कि नहीं ठीक क्लियर है तो यहाँ भी कोई बोल सकता है कि प्रोपाइल बेंजीन बना के बताओ ठीक है क्लियर है तो हम यार कैसे बनाए यहाँ पे क्योंकि ये तो अरेजमेंट हो जाएगा हालांकि एक एक्सेप्शन आता है जेड एंड सी एल टू वाला लेकिन अब हमेशा एक्सेप्शन एक्सेप्शन बोल के तो हम आगे नहीं बढ़ सकते तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि रिय को रोकना बहुत मुश्किल है दैट इज अ ड्रॉबैक ठीक है तो ये सब पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए अब कुछ ड्रॉबैक्स को कवर किया जा सकता है किससे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से बोले तो एलकाइलेन का भाई ठीक है क्लियर है इसमें क्या होता है अब बेंजीन का अगर मैं रिएक्शन करूंगा किससे ये लास्ट टाइम एलकाइलेशन था किसको इंसर्ट किया था आर इस बार एसाइलेशन है किसको इंसर्ट कर रहे आरसीओ तो एयर एक्स थ्री एक्स को ट्रैप करेगा तो बेंजीन सीओ आर को अटैच करो सीओ आर कौन है एसाइल ग्रुप सही बात है ठीक है दिस इज द प्रोडक्ट अगर तुम बोलोगे सर इस बार क्यों इस बार आप कैसे बोल सकते हैं कि ड्रॉबैक्स को कवर करता है पहली बात तो यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है लास्ट टाइम आर प्लस बन रहा था इस बार ये बन रहा है ये ऑलरेडी ऑक्सीजन से प्लस हम है इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा प्लस ये विद्रॉइंग से अटैच आपको पता है माइनस एम ग्रुप है तो अगर विद्रॉइंग ग्रुप बेंजीन से अटैच है तो आपको पता है कि ऑब्वियसली बेंजीन डीएक्टिवेट हो चुका है मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है तो ऑब्वियसली फर्दर ये कोई पॉलीअलेशन जैसा पॉली प्रोडक्ट नहीं बनाएगा ठीक है क्लियर है तो इसलिए ध्यान रहे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बाकी आपको इसमें ही करना है है जो मेरे हिसाब से आप कर पाओगे ठीक है? एक और रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन का जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है सल्फोनेशन ये मेरे हिसाब से मैंने पहले नहीं बताया था ठीक है क्लियर है सल्फोनेशन तो ये भी सिंपल है यार एनसीआरटी में आपने पढ़ा ही होगा बेंजीन का रिएक्शन अगर Acid, या फिर उम एच टू एस टू ओ सेवन से आप करोगे तो आपको मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिटर्न भी आ सकते हो आप कैसे गर्म पानी सही बात है या फिर हम बोल सकते हैं एच टू एस ओ फोर को डाइल्यूट कर दो यार बात तो डायरेक्ट रिएक्शन है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें अब लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें है, देखो ये सब तो मैंने थोड़ा सा आपको रिएक्शन का दिया है का लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है जिस पे क्वेश्चन आता है वो है एक्टिवेटिंग तो भाई लोग अब मैं आपको बता देता हूं जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना, है, क्लियर है मैं थोड़ा आपको डिक्टेट कर देता हूँ एक्टिवेटिंग ग्रुप्स मतलब जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप मतलब जो रेट ऑफ ई एस को बढ़ाता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब जो रेट ऑफ ई एस को घटाता है ठीक है क्लियर है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कैसे होते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कैसे होते हैं मेटा डिरेक्टिंग लेकिन एक ही एक्सेप्शन होता है वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स दैट इज फिनाइल विनाइल हेलोजेन या फिर नाइट्रोसो ये सब ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इनस्पाइट ऑफ बींग डीएक्टिवेटिंग इन नेचर

तो ये इलेक्ट्रोफाइल मधुमक्खी की तरह ऑर्थोपेरा पे आके अटैक करेगा आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट ठीक है क्लियर है ये सीन रहता है जैसे कुछ प्रॉब्लम्पल बता देता हूँ yes बाकी आपने ऑलरेडी मेहनत किया ही होगा ठीक है जैसे देखो पहले लीलुआ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जैसे टॉलवीन ठीक है क्लियर है अगर इसका रिएक्शन एच एन ओ थ्री प्लस एच टू एसओ फोर नाइट्रेटिंग मिक्सचर तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल एन टू <coughs> तो सी एच थ्री कैसा ग्रुप है प्लस एच हर डोनेटिंग ग्रुप कैसा होता है ऑर्थो तो पैरा डिरेक्टिंग एक बार एनओ टू ऑर्थो पे एक बार एनओ टू पैरा पे आर यू अंडरस्टैंडिंग ठीक है क्लियर है इस तरीके से लेकिन अगर मैंने इसकी जगह विड्रॉइंग ग्रुप एनओ टू ही ले लिया और इसका नाइट्रेशन करूंगा तो अब यहां से इलेक्ट्रोफाइल तो एनओ टू प्लस ही है लेकिन ये कैसा है विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप मतलब मेटा डिरेक्टिंग क्लियर है बात इसके मेटा पे अटैक हो जाएगा तो कर सकते हैं आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन पे प्रॉब्लम ठीक है आगे बढ़ते हैं चलो तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी आते हैं मेरे हिसाब आप से आपने रिवाइज किया होगा जैसे मैं डिक्टेट कर देता हूं अगर आप फिनॉल का रिएक्शन कंसनट्रेटेड एच ए थ्री प्लस एच टू एस सो फोर ये एच ओ थ्री एच टू एस ओ फोर से करेंगे तो आप लोगों सबको पता होगा पिक्रिक एसिड बनता है अगर आपने टॉलवीन के साथ यही रिएजेंट का रिएक्शन कर दिया तो आपको पता है टी एन टी बनता है ट्राई नाइट्रो टॉलवीन ठीक है और एक रिएक्शन जो हमें पूछा भी गया था डी डी टी वाला ठीक है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन ये पास्ट ईयर में पूछा भी जा चुका है तो वो रिएक्शन भी आप लोग देख लेना ठीक है तो ऐसे बताने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही टच कर रहा हूँ ठीक है कि आपको एटलीस्ट फाउंडेशन यहाँ का समझ में आ जाए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हेलोएरि के साथ अगर बात करें हेलोएरिंस का सिर्फ 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 दो रिएक्शन ही आपको पढ़ना है ठीक है क्लियर है पहला एसएनआर क्या है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन बहुत ही सिंपल रिएक्शन है क्या करना है इसमें लिविंग ग्रुप अगर बेंजीन के साथ अटैच हो तो ऑर्थो या पैरा में अगर तुमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया

इट इज क्लियर टू एवरीवन ठीक है तो बहुत इजी रिएक्शन ये मेरे हिसाब से तुम लोग कर पाओगे नेक्स्ट एक रिएक्शन होता है प्रोसेस या फिर जिसमें इन्वॉल्व होता है बेंजाइन मैकेनिज्म। तो ये वाला रिएक्शन भी थोड़ा सा ध्यान रहे ठीक है अगर हम लोग क्लोरो का रिएक्शन करें किससे एनएच 623 केल्विन 300 एटीएम प्रेशर तो Cl को निकाला OH न्यूक्लियोफाइल को अटैच किया हमने ये हमारा प्रोडक्ट है ठीक है अब एक और ज्ञान दे देता हूं आपको अगर आपने यहां पे आइसोटोपिक कार्बन ले लिया ठीक है और ये रिएजेंट ले लिया है ठीक है या इसकी जगह अगर सपोज हमने सपोज हमने ले लिया लेन ने टू हाई टेम्परेचर को मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसमें दो किस्म का प्रोडक्ट बन सकता है ये आइसोटोपिक कार्बन में एक एन एच टू अटैच होगा और एक एडजेसेंट वाले में ठीक है तो शायद आपने इनका नाम सुना होगा लिविंग ग्रुप जहां से निकला अगर न्यूक्लियोफाइल वहीं पे लगाएंगे क्या बोलते हैं इसको डायरेक्ट सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट अगर एडजेसेंट कार्बन पे

फिनॉल्स पे थोड़ा देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन ठीक है फिनॉल्स में थोड़ा कॉमन कॉमन नेम भी आपको पता होना चाहिए आपको शायद पता होगा बेनजीन वन टू डायल को कैटेकॉल बोलते हैं बेनजीन वन थ्री डायल को रिसोर किनॉल बोलते हैं और बेनजीन वन फोर डायल को क्विनॉल बोलते हैं ये सब हमें कॉमन नेम थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए तो अब मैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल uh, प्रॉपर्टीज नहीं एज अ होल रिएक्शन के टर्म्स में बताता हूँ क्योंकि अभी हमने बहुत डिस्कस ही कर लिया है ठीक है कुछ कुछ चीजें अभी आपको आइडिया लग भी गए होंगे ठीक है कि किस तरीके से रिएक्शन हो रहे हैं तो अब देखो जैसे एक एक करके बताते एक बताता हूं फ्राइस रीअरेंजमेंट नाम तो सुना ही होगा सबने फ्राइस रीअरेंजमेंट का क्या होता है यार फ्राइज रीअरेंजमेंट इस ईस्टर का अगर रिएक्शन करो किससे एल सी एल थ्री तो बड़ा सिंपल है यहां से तोड़ो सीओ आर को ऑर्थो पे अटैच करो देखो मैंने क्या किया बिचारे ओ को वैसे ही रख दिया ये वैसे ही है ओ ठीक है क्लियर सीओ आर को मैंने अटैच कर दिया किस से ऑर्थो से लेकिन जब मैंने सीओ आर को अटैच किया तो कुछ निकला भी तो है क्या एच उस एच को कहा एड कर देंगे ऑक्सीजन के साथ तो एक बार ऑर्थो एक बार पैरा बन जाएगा कि नहीं प्रोडक्ट आई थिंक इट इज सो इजी ठीक है क्लियर बस सीओ आर को तोड़ने का एक बार ऑर्थो में लगाने का एक बार पैरा में लगाने का अब जब तुमने इलेक्ट्रोफाइल को लगाया तो क्या निकलेगा H? तो उससे प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा और आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव फॉरवर्ड ठीक है और भी रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं जैसे बी नाम तो सुना ही होगा ठीक है क्लियर है बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अगर बेनजीन का रिएक्शन आपने V2O5 से किया 250 डिग्री सेल्सियस में तो क्या बनता है

फिनोल के कुछ और भी रिएक्शंस होते हैं जैसे मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये रिएक्शन तो मेरे हिसाब से सब ने सुना ही होगा एनसीआरटी वाला कि रिएक्शन विद एन अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड का एन से रिएक्शन करोगे तो आपने शायद ये एनसीआरटी में पढ़ा होगा हाई टेम्परेचर तो एसओ थ्री निकालो और किसको इंसर्ट करो ओ तो डायरेक्ट एनसीआरटी वाला रिएक्शन है है कि नहीं ठीक है सबने पढ़ा होगा लेकिन जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और नीट में सक्सेसिव टू ईयर्स आया है क्लियर और ये ने पढ़ा होगा मुझे पता है जो बोलेगा कि मैंने नहीं पढ़ा है, यू आर जस्ट जोकिंग <laughs> ठीक <ठेके>, है क्यूमीन क्यूमीन <laughs> हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड ठीक है तो यहां पे देखो आज मैंने क्यूमीन बनाया था सब लोग मानेंगे ठीक है तो ये था क्यूमीन अब इसका रिएक्शन अगर मैं ओ2 एयर फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस करूं तो आपको पता है इससे फिनोल प्लस एसीटोन बनता है ठीक है क्लियर है मेरे हिसाब से लड़कों को तो ऐसी के बारे में आइडिया हो गई बिकॉज इट इज़ नील पॉलिश रिमूवर ठीक है क्लियर है आप देखो यहाँ पे लेकिन हमारा फोकस एक्चुअली इसलिए उधर डिस्ट्रैक्ट मत हो हमारा फोकस इस पे रहना था क्योंकि ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है ठीक है क्लियर है तो ये फिनॉल का प्रिपरेशन भी होता है तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ध्यान रहे ठीक है लेकिन एनसी सी नीट का जो क्वेश्चन था उसमें एक बार ये भी पूछा था कि बीच में ठीक है क्लियर है इंटरमीडिएट स्टेज में कौन सा प्रोडक्ट बनता है तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं इसके बारे में ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अब आप देखो ये थोड़ा सा ध्यान रहे क्या आपको दिख रहा है कि ये बेंजाइलिक कार्बन में एक हाइड्रोजन है तो अगर सिर्फ फर्स्ट सेट ऑफ रिएजेंट की बात हो ओ टू एयर तो C और H के बीच में इस O2 को इंसर्ट कर दो अभी C को बोला जाता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड ये पूछा गया था आपके एग्जाम में तो भाई लोग ये पूछा गया था तो फिर से पूछा जा सकता है तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे हाइड्रोलाइसिस के बाद ऑब्वियसली पेरोक्सी वगैरह टूट जाता है इसलिए फिनॉल बन जाता है ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे ये सब कुछ प्रेपरेशन रिएक्शंस का आइडिया दिया मैंने अब थोड़ा सा कुछ और रिएक्शन देखते हैं फिनॉल वाले ठीक है तो मेरे हिसाब से फिनॉल का एसिडिक नेचर का आइडिया है ही सबको आपको पता ही है कि फिनॉल का अगर हम लोग रिएक्शन सेम सोडियम मेटल एन ये सब लोग करते रहो साथ में ठीक है आपके लिए इजी हो जाएगा एनएच अब तुमने बहुत बार देख लिया ये NaHCO3 वट आर गोइंग टू बी द प्रोडक्ट्स वेरी सिंपल पहले वाले में फिनोक्साइड साथ में एच टू गैस यहाँ पे एन एन एच टू फिनोक्साइड और ये एमोनिया यहां पे भी सेम फिनोक्साइड और ये वाटर और यहां पे तो नो रिएक्शन क्योंकि आप लोगों को पता है H2O3, है एसिड होता क्लियर है बात ठीक है अब एक नेक्स्ट रिएक्शन जो बताऊंगा ये मुझे पता है सबने पढ़ा होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, है राइमर टाइम रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है क्लियर है अब इसमें क्या होता है क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ क्यू एच ठीक है क्लियर है जब हम लोग करेंगे तो ऑब्वियसली ऑर्थोसेलिस डिहाइट प्लस पैरासेलिसल डिहाइट ठीक है पे की जगह एन एच ले लो बात तो एक ही है तो सेल है वैसे ठीक तो यहां प्रोडक्ट होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग तो ये पढ़ा होगा मेरे हिसाब से ठीक है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ठीक है इसमें कोई और एडिशनल क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा आपको अगर पूछा जाए तो मेन रिएक्शन के बारे में पूछा जाएगा ठीक है तो आपको सबको आइडिया ही होगा मेरे हिसाब से पूरा मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा क्यों ये प्रोडक्ट लगता है हाँ, एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है जनरली कि इज द इलेक्ट्रोफाइल इन इनमर टाइमन तो आप लोग को पता ही होगा सीसीएल टू कार्बीन इज इन टी है क्लियर है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है एक सिमिलर लुकिंग रिएक्शन इसकी तरह होता है ये भी आपने पढ़ा होगा कोल्ब्स कोल्बिड लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रहे स्मिड है।, है वो ऑस्ट्रेलिया का स्टीवन स्मिथ ने ठीक है क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो फिनॉल का रिएक्शन अगर हम लोग करेंगे किससे एन एच सीओ टू फॉलोड बाय पॉनिंग सही बात है तो इससे प्रोडक्ट क्या बनता है <coughs> सैलिसलिक एसिड ऑर्थो सैलिसिक एसिड प्लस और क्या पैरा

फोर्टी परसेंट का कंसेंट्रेशन रहता है वो किसका रहता है एस्पिरिन का ही रहता है ठीक है क्लियर है तो एस्पिरिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर यू तो हाउ इज एस्पिरिन एस्पिरिन फॉर्मेशन तो ये भी फिनॉल का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है क्या करते हैं इसमें सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन किससे करेंगे यार एसिड डेरिवेटिव से अगर कर दोगे तो तुम तो जानते हो एसिड डेरिवेटिव को अगर न्यूक्लियोफाइल दिख जाए तो एडिशन एलिमिनेशन तो न्यूक्लियो फाइल को किया एड और लिविंग ग्रुप को हटा दिया लॉस ऑफ एच प्लस से यह प्रोडक्ट बनता है इसी को तो बोलते हैं एस्पिरिन। आई थिंक एवरी वन इज अंडरस्टूड क्लियर है, है कि नहीं ठीक तो इसी के साथ फिनॉल्स की समाप्ति ठीक है क्लियर है आगे बढ़ते हैं लास्ट एक एरोमेटिक में चैप्टर है जो कि बहुत ही छोटा है आप लोगों को पता ही है इट इज अरोमैटिक अमीने ठीक है मेरा मतलब है एरोमैटिक अमाइंड ठीक है तो बड़ा सिंपल है इसमें जितना बताऊंगा बस उतना आपको ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे रिएक्शंस एरोमेटिक अमाइन में एनिलीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहला प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन ग्रुप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों भाई क्यों पढ़ते हैं हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ़ द रीज़न ठीक है एनसीआरटी में भी है ये एक्चुअली क्या होता है अगर आप एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन कराते हो करा तो सकते हो लेकिन कोई फायदा नहीं है पता है क्यूं? क्यों क्योंकि इससे क्या होगा ऑर्थो प्रोडक्ट तो बनेगे उसको तो हम रोक नहीं पाएंगे बनेगा तो बनेंगे पैरा भी बनेगा लेकिन तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ऑर्थो पैरा ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट तो बन रहा है क्योंकि NH2 डोनेटिंग बिहेवियर शो कर सकता है प्लस एम लेकिन मैं तुम्हें एक दुखद बात बताना चाहूंगा कि साथ में मेटा भी बनता है और एक बहुत हाई परसेंटेज में ठीक है क्लियर है आपको पता ही होगा 47 तो 47 इज अ ह्यूज नंबर इतने हाई अमाउंट में कैसे बन सकता है क्योंकि एक्चुअली एन एच टू एच प्लस को देखते ही ठीक है तुझे देखा तो ये जाना सनम ठीक है क्लियर तुम्हें पता है कि NH2 वैसे तो डोनेटिंग था लेकिन यहां पिघल गया क्योंकि एनएच टू एच प्लस के साथ प्लस <laughs> बना लेगा तुम तो जानते हो इट इज अट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप तो ये विड्रॉइंग ग्रुप है तो आपको पता है क्या होगा ये मेटा डिरेक्टिंग तो ये प्रॉब्लम है लेकिन इट इज अ प्रॉब्लम अ प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ठीक है क्लियर है हम इसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसा हुआ तो बाकी डोनेटिंग ग्रुप्स भी बोलेंगे अरे ये क्या बात ठीक है ऑफ डोनेटिंग पे तो मेटा का परसेंटेज बन रहा है तो इसीलिए एक टेक्निक होता है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रहे एनिलीन को इज द प्रॉब्लम एन एस टू का बेसिक स्ट्रेंथ तो हम क्या करेंगे पहले एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन करो ताकि इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाए उसके बाद नाइट्रेशन करो और फाइनली हाइड्रोलाइसिस अगर तुमने यह कर दिया अब नो प्रॉब्लम बस ऑर्थोपेरा प्रोडक्टिव बनता है इट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माइंड यू ठीक है क्योंकि एसिड डेरिवेटिव के साथ जब एन सीओ सी एस थ्री बनेगा तो मैं थोड़ा डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा, NHCOCS3, है? अगर बनेगा, तो आपको पता है अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो बेसिकली अमाइन ग्रुप ठीक है क्लियर एसिड बेस को रोकने के लिए उसके बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर दो ताकि उसके बाद आप नाइट्रेशन और फिर रिकवर कर लो हाइड्रोलाइसिस सिंपल ठीक है क्लियर <laughs> चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग ठीक है नेक्स्ट क्या आपने ज्विटर आयन के बारे में सुना है नेम ठीक है ज्विटर आयन फॉर्मेशन ठीक है तो इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग एनिलीन का रिएक्शन करें किस कंसेंट्रेटेड एस टू एसओ फोर ठीक है तो होता क्या है एसो थ्री एच ठीक है सल्फोनेशन में आपको पता ही है ऑब्वियसली हैच का अटैचमेंट होता है ये तो हमने पढ़ा ही था बट द पॉइंट दु एसओ थ्री एच का अटैचमेंट हम लोग करते हैं अब ये ज्यादा स्टेरिकली सपोर्टेड प्रोडक्ट होगा पैरा पे ठीक है पैरा पे क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे एज बॉन्डिंग का तो पॉसिबिलिटी नहीं है सपोर्टेड प्रोडक्ट यही होगा लेकिन फिर एसिड बेस लग जाता है अब एसिड बेस अगर लगेगा तो तुम्हें तो पता है ये प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि कैटायनिक और एनायनिक पार्ट दोनों है इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन थोड़ा बायोमोलिक्यूल्स में इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा रहता है इट ठीक है क्लियर है ये आपने सुना ही होगा इसके बारे में बायो में आयन ये बायोमोलिकोटीन्स के फॉर्म में यूज होते हैं ठीक है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मतलब अमाइनो एसिड्स को जोड़ के हम लोग प्रोटीन्स जो बनाते हैं इनको सप्लीमेंट्स वगैरह में यूज करते हैं ठीक है प्रोटीन पाउडर वगैरह में तो ये हमारे लिए ज्विटर आयन वहां इंपॉर्टेंट हो जाता है बायोमोलिक्यूल्स में क्लियर है बात चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एरोमेटिक अमाइन में ठीक है क्लियर है वैसे तो बाकी कुछ चीजें तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि एनिलीन सपोर्ट नहीं करता है क्राफ्ट को जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है डाई एजोटाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो अब पूरा सीक्वेंस बताता हूं ठीक है क्लियर है होता क्या है कैल्शियम कार्बाइड हाइड्रोलाइसिस या फिर आयोडोफॉर्म ए जी पाउडर इन दोनों में से किसी का भी रिएक्शन अगर तुम करोगे तो क्या बनेगा एसिटाइली सही बात है अब इसी एसिटाइलिन का रिएक्शन अगर हम रेड हॉट कॉपर या आयरन ट्यूब के साथ करेंगे इन 873 सेवेंटी थ्री कर तो सकते हैं ठीक है क्लियर है तो इससे क्या बनेगा बेंजीन बेंजीन का रिएक्शन अगर HNO3 +H2SO4 से करेंगे, तो क्या बनेगा का का हम लोग reduction कर सकते हैं। से? क्या क्या बनेगा? बनेगा? अगर मैं डाइजोनियम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस तो इसमें दो टाइप के रिएक्शन होते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग डायजोनियम सोल्ट दो टाइप का रिएक्शन होता है जो हमें पढ़ना है सही बात है दो टाइप का रिएक्शन होता है जो हमें पढ़ना है ठीक है तो एक एक करके बात करते हैं सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन ठीक है दुनिया का कोई भी न्यूक्लियोफाइल लिया एन टू हटाओ न्यूक्लियोफाइल लगाओ तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा सही बात है कि नहीं ठीक है तो इसमें जैसे कुछ रिएक्शन में आपको बता देता हूं ताकि आपको याद आ जाए जो आपने पढ़ा था याद तभी आएगा अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो ठीक है अब देखो यहाँ पे जैसे आपको पता है ओ एच माइनस एच टू सही बात है कि नहीं इट वॉज जस्ट जो कि नहीं कि लोग मुझे बहुत ही कफा की सर आप ऐसे बोल रहे हैं ठीक है मुझे पता है आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं इट वॉज जस्ट जोक चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब अगर CUCN, HCN, CUCL, HCL, ठीक है ये HCN लिखा है मैंने भले ही लग नहीं रहा हो लेकिन मान लो ठीक है क्लियर है अब CUBR, HBR और भी जैसे HBF4 सही बात है कि नहीं ग्रिगनार्ड कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिया है ठीक है तो फटाफट सब लोग इसका प्रोडक्ट बनाए मेरे हिसाब से सबने ये तो पढ़ा ही होगा ठीक है क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट बनाते हम लोग तो एन टू हटाओ लगाओ एन टू हटाओ सी एन लगाओ एन टू हटाओ सी एल ठीक है इसमें ये ये वाला एन टू हटाओ ब्रोमीन लगाओ ये फ्लोरोबेंजीन सही बात है कि नहीं और लास्ट वाला एल्लेटेडीन सबने सही बनाया ठीक है ये आपके प्रोडक्ट्स है तो और भी रिएजेंट्स मैं जनरली क्लास में कराता हूँ आपने भी पढ़ा होगा मेरे हिसाब से मैंने एक आपको आइडिया दे दिया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन ही तो एन टू तो निकालो और न्यूक्लियोफाइल लगा दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लस ये सी यू एच सी एन सी यू सी एन एच सी एन सी यू सी सबने पढ़ा होगा सेंडमेयर रिएक्शन अब यही सीयू सी एन के जगह अगर मैं सीयू सी एल के जगह अगर सी यू एच सी एल और सीयूएचबीआर तो उसे गैटरमैन रिएक्शन बोलते हैं ये सब एनसीआर में है आपने पक्का पढ़ा होगा मुझे पता है ठीक है क्लियर है तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आ चुका है और दूसरा जो होता है जो मेरे हिसाब से आपको बहुत पसंद होगा कपलिंग रिएक्शन क्योंकि इसमें वर्ड कपल सही बात है कि नहीं ठीक है आप देखो यहां पे कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है यार डाइजोनियम का अगर ये वाला फॉर्म हम लोग यूज करें सही है अगर इसका रिएक्शन हम लोग बेंजीन के साथ करेंगे तो क्या होगा भाई लोग प्रोडक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल बस बेंजीन से अटैच कर दो इट्स सो इजी तो मुझे बताओ ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा कि नहीं आई थिंक एवरी विल एग्री ठीक है क्लियर है तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है नाइट्रोजन नाइट्रोजन कपल हम लोग बनाते हैं इसलिए इसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे, दे देता हूं नीट में उन्होंने क्या पूछ लिया था आप शायद मेरे हिसाब से मुझे जहां तक याद है 2017 ठीक है पूछा गया था कि डाइजोनियम सॉल्ट था और फिनोल के साथ प्रोडक्ट क्या होगा तो ऐसे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको पता है कि फिनोल कैसा होता है ऑर्थो तो पैरा डायरेक्टिंग तो इसके पीड़ा पे जाके डाइजोनियम को लगा दो ठीक है क्लियर है तो इससे प्रोडक्ट क्या होगा एन डबल बॉन्ड एन उसके बाद बेंजीन उसके बाद ओएच तो ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन एक ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड होता है हालांकि नीट में कलर नहीं पूछा था बस प्रोडक्ट पूछा था तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर ही है ये वाला ऐसे ही कुछ और भी होते हैं ठीक है प्रोडक्ट्स जैसे हम लोग फिनॉल की जगह एनिलीन भी ले सकते हैं उससे येलो कलर्ड कंपाउंड बनता है तो इस तरीके के प्रोडक्ट बना सकते हैं हम लोग और आगे जाके जब मैं पीओसी का स्लाइड आपको दिखाऊंगा तो वहां पे मैंने एजो डाई वाला क्वेश्चन भी रखा है तो वहाँ पे ही डिस्कस करेंगे ठीक है क्लियर है बहुत इजी है यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डिस्कस है सॉरी कोई दिक्कत है ठीक है आई थिंक एवरी वन इज अंडरस्टूड दिस चलो विद दिस कंप्लीट केमिस्ट्री अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड्स एंड किटोन एल्डिहाइड्स एंड किटोन को दो पार्ट में पढ़ाऊंगा पहले नेम रिएक्शन डील करूंगा जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है उसके बाद फिर उसके कुछ चैप्टर वाले रिएक्शन ठीक है क्लियर है तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ एल्डिहाइड्स एंड किटोन्स ठीक है तो अब पहले नेम रिएक्शन तो अब नेम रिएक्शंस की अगर बात करें तो आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ तीन ही नेम रिएक्शन पता होना चाहिए ठीक है क्लियर है एक एल्डोल है कंडेंसेशन दूसरा है उसी की तरह कंडेंसेशन और तीसरा है कनी जाड़ो रिएक्शन ठीक है या फिर कनी जाड़ो रिएक्शन हम लोग बोलते हैं तो बड़े मजेदार रिएक्शन है आपको पता होना चाहिए इनके बारे में सबसे पहले जितना बताऊंगा बस उतना याद रहे एल्डोल कंडेंसेशन क्या पता होना चाहिए हमें इसे, इसके बारे में ठीक है कि ये इसके लिए प्रेजेंस ऑफ क्या चाहिए अल्फाइच बिल्कुल सही ठीक है तो बड़ा सिंपल है तो अब देखो एक बार अगर मैंने टेक्निक सिखा दिया तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत है तो एक बार के लिए बस सीख लो उसके बाद लाइफ झिंगा लाला तो आप जैसे देखो एसिटेल डी हाइट का रिएक्शन ठीक है अगर हम लोग डाइल्यूट बेस के साथ करेंगे तो हाउ इजी इट इज कंडेशन अब यहां पे मैंने ऐसे लिखा है तो तुम ये मत समझना कि एसिट एल डी हाइट वन मोल ही लिया है कंडेंसेशन <coughs> का मतलब ये होता है यूनाइटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स तो पक्का इसके दो मोल लिए होंगे तो इसका प्रोडक्ट कैसा होगा सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच टू सी ओ एच दिस इज द प्रोडक्ट अब जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है मैं इतना कॉन्फिडेंट कैसे हूं कि मैं मुझे पता है ये मैंने करेक्ट बनाया है क्योंकि तुम्हें पता है इस एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा सही बात है कि नहीं तो इट इज वॉट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बीटा हाइड्रोक्सी एल को ही बीटा हाइड्रोक्सी एलडीहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को ही हम लोग बोलते हैं एल्डोल सही बात है ठीक है अब इसको फर्दर अगर हीट कर देंगे तो आज ही पढ़ाया था यून सी बी मेकेनिज्म पुअर लिविंग ग्रुप है तो आपको पता है इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड तो अल्फा बीटा अनसेड एल्डिहाइड बन जाता है तो एक बार के लिए मैं टेक्निक सिखा देता हूं क्योंकि यहां पे मॉलिक्यूल सेम है इसलिए इसको क्या बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन आर यू अंडरस्टैंडिंग तो मैं एक बार के लिए आपको टेक्निक सिखा देता हूं मेरे हिसाब से सबको पता ही होगा पहला एसीटेल डिहाइड लिया दूसरा एसिटेल डिहाइड लिया क्या करेंगे इससे न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे जिस पे अटैक उसका क्या एल्कोहल तो जिस पे अटैक है उसका क्या बना देंगे एल्कोहल किससे अटैक किया CH2 CH2 से कौन जुड़ा है एल्डिहाइड आगे समझ में इट्स सो इजी ठीक है क्लियर है तो ये प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं क्योंकि सेम मॉलिक्यूल से तो इसको क्या बोलेंगे सेल्फ अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले ले जैसे ये क्रॉस क्रॉस की बात करें तो जैसे एसिटल डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड हमने ले लिया डाइल्यूट <coughs> बेस तो अब देखो भाई लोग अब फटाफट ट्रिक से करना है कैसे यहां से न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे इससे अटैच करने का तो सी एच टू OH, ओ एच क्योंकि उस पर अटैच हो रहा है तो एल्कोहल बनाएंगे किससे अटैच हुआ CH2 टू आगे क्या जुड़ा हुआ है COH एच आगे समझ में ठीक है क्लियर है लास्ट देखते हैं इंट्रा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल ठीक है अब देखो अब देखो इसका रिएक्शन जब डाइल्यूट बेस से करेंगे ठीक है तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे तो बड़ा इजी है किधर से भी आप न्यूक्लियोफाइल ले सकते हो जैसे यहां से ले लिया और इस पे अटैक तो अगर ऑनलाइन <coughs> नोटेशन में मैं बना दूं

ठीक है क्लियर है तो दिस इज ऑल अबाउट एल्डोल तो एल्डोल थोड़ा ध्यान रहे क्योंकि लास्ट Eldol नीट 2022 में आया था सेक्शन बी में आया था और बहुत लेंगदी क्वेश्चन आया था जो जिसमें आ, <coughs> उन्होंने क्रॉस एल्डोल से लेके सारा चीज सेल्फ भी टेस्ट किया था ठीक है क्लियर है मुझे जहां तक याद आ रहा है एसीटोन और पेंटेन टू ओन वाला क्वेश्चन था तो एक बार उस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा आप लोग ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब बिल्कुल सिमिलर टाइप का रिएक्शन होता है क्लेज एंड कंडेशन

इट्स कॉन्जुगेट एसिड विल बी एक्टिंग एज सॉल्वेंट ऑफ द रिएक्शन अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद इसका जो प्रोडक्ट होता है तो इट्स बीटा कीटो ईस्टर ये प्रोडक्ट बनता है ईस्टर के रेस्पेक्ट में यह अल्फाइटर ठीक है क्लियर है दिस इज हाउल आइडेंटिफाइड मेरे हिसाब से ये भी प्रोडक्ट आप बना पाएंगे इट इज नॉट डिफिकल्ट ठीक है क्लियर ये तो और इजी है देखो आप जैसे एक ईस्टर ले लिया दूसरा इस्टर भी ले लिया तो उसमें तो चलो एल्कोहल बना रहे थे इसमें तो वो भी नहीं है न्यूक्लोफाइल एड किया खत्म शुरू होती खत्म हो रही है ठीक है इट्स सो इजी चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर क्रॉस की बात करें तो अब मैं थोड़ा डायरेक्ट रिजल्ट से लिखूंगा क्रॉस के लिए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं तो यहां पे प्रोडक्ट हो जाएगा ये सही बात है ठीक है क्लियर है अगर इंट्रा की बात करें अगर इंट्रामोलिकुलर क्लेजन की बात करें तो इंट्रा में बिल्कुल इंट्रामोलिकुलर एल्डोल की तरह ध्यान रहे फाइव या सिक्स मेंबर ड्रिंग ही बनना चाहिए भाई तभी ये फिजिबल है नहीं तो ऐसा नहीं कि तुम्हें मन कर रहा है तुम बना रहे हो ठीक है क्लियर है तो वैसा नहीं होना चाहिए तो जैसे ये वाला देख लो किधर से भी न्यूक्लियोफाइल बना सकते हैं ऐड करो लिविंग ग्रुप को हटाओ तो ये कार्बन से जब मैंने कार्बोनिल को जोड़ा उसके बाद इस कार्बन से यह लटका हुआ है हमारा ईस्टर दोनों के बीच में कितने कार्बन है तीन आई थिंक एवरी वन इज अंडरस्टूड दिसक्ट ईस्टर के रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा सही बात है तो ये हमारा प्रोडक्ट है आई थिंक इज अंडरस्टूड तो ये है क्लेजन का सीन तो तो मेरे को बिल्कुल तो सेम ही लगता है यार एल्डोल की तरह तुम्हें भी लगना चाहिए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब एक लास्ट नेम रिएक्शन देखते हैं कनिक जाड़ो ठीक है बड़ा मजेदार रिएक्शन है लेकिन जितना मजेदार है उतना इंपॉर्टेंट भी है ठीक है इसका दूसरा नाम क्या होता है डिसप्रोपोर्शनेशन। क्यों बोलते हैं इसको डिसप्रोपोर्शनेशन? ठीक है अब देखो यहां पे। इसका कंडीशन क्या है नो अल्फा एच। सही बात है जैसे अगर हमने सबसे पहले देखा सेल्फ कैनिजारो ठीक है सेल्फ केनीजारो में क्या होता है एच no वाला क्या फॉर्मल के पास अल्फा एच होता है नहीं ठीक है तो अब अगर इसका रिएक्शन तुमने किया कंसनट्रेटेड बेस देख रहे हो लास्ट टाइम हमने एल्डोल के लिए क्या लिया था डाइल्यूट इसके लिए क्या लेते हैं कंसंट्रेटेड अब इसमें भी दो मॉलिक्यूल लेना होगा ठीक है तो एक का क्या है ऑक्सीडेशन फॉर्मल के ऑक्सीडेशन से क्या होता है फॉर्मिक एसिड उसका सॉल्ट बनाओ क्योंकि एसिड बेस को देखेगा तो एसिड बेस तो लगेगा ठीक है क्लियर है तो इसलिए सॉल्ट बनाया हमने अब एक मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन दूसरे का क्या करेंगे रिडक्शन तो फॉर्मल को अगर हमने रिड्यूस किया तो ये मिथानॉल बना लेगा वेरी सिंपल ठीक है तो इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन मुझे नहीं लगता है इसमें मुझे बहुत ज्ञान देना है सबने पढ़ा ही होगा मेरे हिसाब से इसके बारे में ठीक है बस एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करना है दूसरे को क्या करना है रिड्यूस जैसे मैं थोड़ा सा आपको क्रॉस और इंट्रा का भी आइडिया दे देता हूं हालांकि मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये पढ़ा ही होगा कि जैसे फॉर्मल डिहाइड और डिहाइड अगर हम लोग ले लें और कंसेंट्रेटेड बेस हम लोग ले, ले ठीक है? तो जो लेस बल्की, जो छोटा, उसको ऑक्सीडाइज करना ठीक है तो फॉर्मल डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया हमने तुम मुझे बताओ मैंने जो ऊना जोड़ा है ओ माइनस एन ए प्लस किसको निकाला है एच को तो एच भाई ऐसा थोड़ी है उसको निकाला है तो वो जाएगा कहीं कहां जाएगा बगल में

मत सपने में बनाया था ठीक <laughs> है क्लियर है कहाँ बनाया था ये वाला ग्लायोग याद है कि नहीं सबको बेंजीन के लाइसिस से ठीक है क्लियर है तब हमने बनाया था ये तो अब देखो तुम्हें यही मजा है ऑर्गेनिक का तुमने बेंजीन का ओजनो बेंजीन भी तुमने कहां से बना लिया ऑब्वियसली एसिटाइलिन के

जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन से नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंप्लीट कर दिया है ये हमारा पार्ट वन एल्डिहाइड कीटोन का खत्म हो गया अब हम पार्ट टू करेंगे पहले हम एक दो मिनट का ब्रेक लेंगे थैंक यू चलो वेलकम बैक एल डी आईट की टोन सेकेंड सेशन से फर्स्ट सेशन में हमने इसमें देखा कि कितने नेम रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अब हम लोग सारे रिएक्शंस को देखेंगे जो एनसीआरडी वाले रिएक्शंस हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं तुम्हें बता देता हूं एनसीआर में के जितने रिएक्शन है सारे पूछे जा चुके हैं पास्ट में ठीक है क्लियर है और नीट NEE टू NEE में इस बार जो पहला रिएक्शन बताने वाला हूं ये पूछा गया था ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा मेरे हिसाब से रिएक्शन विध एन एस एच सी एन इंटेट ठीक है ये सबने पढ़ा होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये इस बार पूछा था नीट 2023 में एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन अगर एन एस से करेंगे तो बड़ा सिंपल सी आके कार्बन पे अटैक करेगा और ओ OH को ट्रैप कर लेगा जिससे प्रोडक्ट हमारा ये बनता है इसको क्या बोलते हैं साइनो हाइड्रीन अब इसको फर्दर अगर हम लोग हाइड्रोलाइज कर दें तो क्या होगा यार साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में दिस इज द प्रोडक्ट

तो आप लोगों ने मेरे हिसाब से पढ़ा ही होगा ठीक है कि सोडियम बाइसल्फाइड के साथ प्रेसिपिटेट बनाता है ठीक है व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है तो वो एल्डिहाइड्स और लोअर कीटोनस का टेस्ट होता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड तो यहां पे अगर हम लोग देखें रिएक्शन विद अमाइन ठीक है तो थोड़ा सा अमाइनस के साथ भी ध्यान रहे अगर हमने एल्डिहाइड ले लिया है और इसका रिएक्शन अगर हम लोग प्राइमरी अमाइन के साथ लें तो इससे प्रोडक्ट बनता है इमीन ठीक है लेकिन अगर हमने सेकेंडरी अमाइन से, से रिएक्शन किया है तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है इनामीन कि सब लोग गाना गाना शुरू करें इनामीना डीका ठीक है इनामीन बोलते हैं इसको क्यों क्योंकि तो हमारे पास इन भी है और एमीन भी है लेकिन अगर तुम बोलोगे तृतीय डिग्री एमीन बोले तो थ्री डिग्री एमीन बहुत खुश खुशी से मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि नो रिएक्शन व्हाट इज द रीजन क्योंकि तुम्हें पता है कि नाइट्रोजन में परमानेंट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है क्लियर है तो यमीन का ये सब रिजल्ट थोड़ा ध्यान रहे अब ऐसा ही रिजल्ट हमें देखने को मिलता है एमोनिया इट्स डेरिवेटिव्स के साथ जब हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं एल्डिहाइड कीटोन का तो बड़ा सिंपल है तो एनसीआरटी में एक टेबल है आप लोगों ने पढ़ा होगा एमोनिया के साथ ठीक है हाइड्रोजीन के साथ सेमी के साथ नेक्स्ट फिनाइल हाइड्राजीन के साथ आपको बस वाटर का एलिमिनेशन करना होता है टू फोर डीएनपी के साथ टू फोर डायनाइट्रो फिनाइल मतलब हमारा यही प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया ये फिनाइल हाइड्राजीन है इसलिए मुझे लग रहा था नाउ इट इज करेक्ट यस ठीक है तो ये भी ऐसा ही प्रोडक्ट होता है बस यहाँ पे 2 4 में नाइट्रो 2 4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन नाउ इट इज करेक्ट इसको 2 4 डीएनपी बोलते हैं एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है इसको ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं ठीक है क्लियर है तो अब देखो इन सब का प्रोडक्ट क्या होता है वेरी सिंपल बस वाटर का एलिमिनेशन ठीक है तो एच टू हो तो एन एच आ जाएगा तो इमीन बन जाएगा ये तो मैं नाम नहीं लिख रहा आप लोग ये सब एनसीईआरटी टी में सब कुछ लिखा ही हुआ है इसको हाइड्राजोन बोलते हैं यहां से वाटर एलिमिनेट करो तो इसको सेमी कार्बाजोन बोलते हैं ठीक है यहां पे बोलते हैं और ये ऑरेंज रेड कलरेशन देता है हमें ठीक है टू फोर डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन एनएच बेनजीन के साथ एनओ टू एनओ टू आपका प्रोडक्ट बनता है आई इट इज़ क्लियर टू एवरीवन तो ये हमारे रिजल्ट्स होते हैं थोड़ा सा ध्यान रहे नेक्स्ट अब हमें थोड़ा और इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी पढ़ना है जैसे एल्डीहाइड कीटोन का रिएक्शन विथ एल्कोहल तो थोड़ा सा ध्यान रहे अगर एल्डीहाइड का रिएक्शन आप एल्कोहल से पढ़ोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस ठीक है तो मैं आपको बताना चाहूंगा ओवर डैश तो पहले तो हेमी एसीटल बनता है ठीक है फर्दर रिएक्ट करेंगे तो ये एसीटेल में कन्वर्ट हो जाता है तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे सही बात है ठीक है बट अगर आपने इसकी जगह कीटोन ले लिया तो बिल्कुल सेम है यार मैं बस रिजल्ट लिख रहा हूं पहले क्या बनता है कीटल। उसके बाद क्या बनता है कीटेल आई थिंक सब लोग कर पाएंगे इसको ठीक है इजी है नेक्स्ट अब यही चीज अगर डायोल के लिए आ जाए विथ डायोल तो भाई लोग अगर बात एलडीहाइड की करें डायोल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस तो निकलिंग ऑफ पानी ओ ओ और ये सही बात है ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड है तो साइक्लिक एसिटेल लेकिन यहीं पे अगर तुमने कीटोन ले लिया तो भाई लोग कीटोन के साथ काम तो वही मगर नाम अलग ठीक है क्लियर है क्या नाम होगा इसका साइक्लिक कीचल आगे समझ में ठीक है क्लियर है तो ये कुछ एल डी आइड वाले इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक तो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आज ही हमने देखा था ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाला ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे बाकी नेम रिएक्शन वगैरह तो मैंने आपको पढ़ाई दिया है तो एल्डिहाइड कीटोन की कुछ जाने माने रिएक्शन है जो मैं श्योर हूँ कि आप लोगों ने पहले पढ़ा ही होगा ठीक है बाकी कुछ रिएक्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है जो आपने हाइड्रोकार्बन्स में देखा है वोल्फ किशनर रिडक्शन हो गया क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया बाप रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो गया एच आई रेड फॉस्फोरस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट ठीक है बाकी एल्डिहाइड कीटोन के और भी रिएक्शन जैसे वगैरह आज हमने पहले ही बात कर लिया है ठीक है क्लियर है और नेम रिएक्शन तो ऑलरेडी पढ़ा ही रही तो ये सब आपके रिएक्शन होते हैं एल्डिहाइड कीटोन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एरोमेटिक और एल्डिहाइड कीटोन में थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस दीजिएगा ठीक है चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव अब ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है लेकिन इसमें बहुत ही कम रिएक्शन से जो हमें डील करना है इंपॉर्टेंट भी है तो सारी रिएक्शंस एक तरफ से डिस्कस करेंगे ठीक है? तो अगर रिएक्शन की बात करें पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट वालों की बात करते हैं है. श्योर हूं कि इसका नाम सबने सुना होगा ठीक है क्या होता है स्टेफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और इसका रिएक्शन किससे करते हैं एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस क्या होता है, यार? के बन है इसी को बोलते हैं हमारा आर हो या आर डैश हो कैसा होना चाहिए लेस बल्कि तो रेट ऑफ इनिफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्किनेस बल्किनेस कम रेट ऑफ इस्टरिफिकेशन ज्यादा तो ये रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान रहे नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें होता है दैट इज हेल जेलिंस्की मैं आपको बताना चाहूंगा नीट 2000 थाउजेंड जेलिंस्की वोलॉर्ट जेलिस्की नीट 2021 में इसका क्वेश्चन आया था ठीक है हेल जेलिंस्की पे क्वेश्चन आया था बहुत इजी रिएक्शन है अगर आपने जैसे एसिटिक एसिड लिया है और इसका रिएक्शन ठीक है अगर आपने पी प्लस आई टू पी प्लस आई टू फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस सॉरी मैंने आई लिख दिया है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रहे एनसीआर में ये चीज लिखा हुआ है कि या तो आप Cl2 ले सकते हैं या तो आप Br2 ले सकते हैं ठीक है तो पी प्लस सीएल या पी प्लस बी अगर आपने लिया और हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बस कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजिशन में हाइड्रोजन निकालो और जो भी हेलोजन आपने लिया है उसको अटैच कर दो इसलिए इसको अल्फा हेलोजनेशन भी बोलते हैं <coughs> क्लियर है बात ठीक है तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बहुत ही इजी रिएक्शन है इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ठीक है तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ और भी रिएक्शन है लेसर इंपॉर्टेंट वाले ठीक है कुछ तो हमने पहले ही पढ़ लिया दो रिएक्शन आपको याद ही होगा वो मैं लिखूंगा नहीं

कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है बेसिक मीडियम में ठीक है और एसिडिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में ही रहता है ठीक है क्लियर है तो यह हमारा प्रोडक्ट

अब मेरे हिसाब से आप इनको एकदम जान पहचान चुके हो आपके लिए नए नहीं, नहीं है क्योंकि बहुत बार आपने फिनॉल हो गया एल्काइन हो गया सब में देखा ही है तो क्या होगा भाई लोग के साथ उना प्लस ह2, के साथ फिर से ऊना की जगह अब हो गया ये कोना और यहां पे एच टू फिर से एसिड बेस लग जाएगा यहां पे भी सेम एमोनिया बस साइड वाला प्रोडक्ट चेंज हो रहा है सारे हैं। और जहां तक बात है एसिड डेरिवेटिव की कोई नया नहीं है यार एसिड डेरिवेटिव में वेरी इजी दुनिया का कोई भी न्यूक्लियोफाइल एडिशन एलिमिनेशन जैसा ग्रीगनार्ड में दिखाया हमने सही बात है कि नहीं न्यूक्लियोफाइल को ऐड करो लिविंग ग्रुप को निकाल दो मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट बना पाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिलेटिवली सब लोग मानेंगे कि हमारे लिए बहुत छोटा चैप्टर था जो जो मैंने टेक्निक बता दिया है बस वो याद रखना उसके बाद एक एनसीईआरटी रीडिंग देना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा सही बात है चलो नेक्स्ट चैप्टर डील करते हैं अब बात करते हैं अमाइनज की एरोमेटिक अमाइनज तो कर लिया हमने अब थोड़ा सा एलिफैटिक अमाइनज की बात करते हैं ठीक है कितने रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो जितने इंपॉर्टेंट है सबकी बात करते हैं ठीक है चीके? अगर एलिफेटिक अमाइंस की बात करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये भी पूछा गया था प्रोबेबली 2021 में आई एम नॉट वेरी मुझे लग 2021 में एक चेक कर रहा। very, very क्या होता है लिख सकते हैं या फिर एक तरीका है याद रखने का कोबरा सही बात है कि नहीं? KOBR, ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं तो यहां पे करना क्या रिएक्शन बड़ा सिंपल है कार्बोनिल हटाओ प्रोडक्ट बन गया है. लेकिन ये बोलना तो बहुत आसान है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये जो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है ये ये सॉल्यूशन से आ रहा है ये चीज़ है है चीज इंपॉर्टेंट ठीक जब मैकेनिज्म इसका पढ़ते हो तो समझते हुए कार्बन एटम्स यहाँ भी आप लोग अगर देखोगे देर इज डिक्रीज इन कार्बन एटम्स तो ऐसे रिएक्शन को इसलिए बोलते हैं डिग्रेडेशन आर यू अंडरस्टैंडिंग ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट <coughs> रिएक्शन जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ियल व्हाट वैपन्स इन गैब्रियल सिंथेसिस? एक्चुअली थैलोमाइड ये होता है थेमाइड को आप लोग जानते हो थैलमाइड से रिएक्शन करते हैं किसका पहले बेस का क्स्ट एल्काइट थर्ड सेट ऑफ रिएजेंट हाइड्रोलाइसिस अगर आपने ये सेट ऑफ रियजेंट दे दिया है ठीक है क्लियर है तो बस सिंपल प्राइमरी अमाइन बनता है तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है किसके लिए प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए ठीक है और एक मेथड मैंने कहा था आपको वो भी बताऊंगा नेक्स्ट हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन ये सबने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ नाम है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन ये सब ने पढ़ा होगा क्या होता है इस रिएक्शन में इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर आप जैसे ठीक है सपोज आपने ले लिया सपोज ये वाला और जिसका रिएक्शन अगर सी एच सी एल थ्री एक्सेस से करोगे ये तो कर पाएंगे सब लोग मेरे हिसाब से ठीक है तो लोन पेयर और दो हाइड्रोजन निकल जाएगा मिथाइल से रिप्लेस हो जाएगा ये लेकिन इसका अगर हम लोग रिएक्शन करें किससे goh heating आर यू अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो इससे क्या होगा e1 cb पाथ तो ये लिविंग ग्रुप से अटैच अल्फा बीटा इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो क्या बनेगा एल्कीन तो ये एक बहुत ही घटिया मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ अमाइन का क्यों क्योंकि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस स्पेसिफिक उससे प्राइमरी अमाइन बन रहा है लेकिन इससे जब आप एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन मतलब एक बाद एक एक बाद मिथाइल एक, आप एडी कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो तो प्राइमरी में भी बनेगा 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 भी बने भी बने भी It is not specific. Specific methods are more preferred, ठीक है ना कि ऐसा मेथड कि कुछ भी बने जा रहे आर यू अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रहे ये भी एक मेथड होता है जो कि इतना ज्यादा प्रेफर्ड नहीं होता है है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन चलो और बाकी बाकी चीजें तो मैंने अमाइंस के रिस्पेक्ट में अगर देखें जो टेस्ट वाले चीजें हैं जैसे नाइट्रोसो टेस्ट हो गया ये जो भी, आ, के, जो भी भी के कंपाउंड्स है वो आगे मैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखाऊंगा अगर रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें मुझे नहीं लगता कोई नीट पॉइंट ऑफ व्यू व्यूं से कोई मेजर रिएक्शन हमने छोड़ा है बाकी रिएक्शन वगैरह तो हमने देखा ही है आप ऑब्वियसली रिडक्शन का भी मैं थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा कि साइनाइड का अगर तुम रिडक्शन कर देते हो तो भी अमाइन बना सकते हो ठीक है और ये सब जो टेस्ट है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट हो गया ये हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट अभी आगे पीओसी के में आपको दिखाया जाएगा ठीक है तो एलिफैटिक अमाइंस के रिएक्शन इंपॉर्टेंट थे क्योंकि एनसीआरटी में आपने देखा होगा एलिफैटिक और एरोमेटिक एक ही साथ दिया हुआ है ठीक है क्लियर है यहाँ पे तो मैं उनको सेपरेट सेपरेट ले रहा हूँ ठीक है तो विद दिस वी कंप्लीट अमाइंस इसके बाद हमारा ज़्यादा आगे थोड़ा सा बाकी है उसको कंटिन्यू करेंगे लेट्स टेक अ टू मिनट ब्रेक Hello. चलो सो वी आर बैक अब हम लोग बस लास्ट के दो चैप्टर्स हमारे बाकी हैं एक बायोमोलिक्यूल्स और एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री <laughs> तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले बायोमोलिक्यूल्स से मेरे हिसाब से सबने ये तो पढ़ा ही होगा यार ठीक है बहुत ही थियोरटिकल चैप्टर्स हैं और बायोमोलिक्यूल्स तो अपने बायो में भी पढ़ा ही होगा मेरे हिसाब से ठीक है क्लियर है चलो स्टार्ट करते हैं <laughs> तो अब देखो ये सब तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं <laughs> मेरे हिसाब से सबने पढ़ा ही होगा मोनोसेकर के बारे में डाई के बारे में सही बात है कि नहीं ठीक है ये सब चीजों का आपके पास आइडिया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स वही होते हैं बेसिकली विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन ठीक है क्लियर है मोनोसेकर उनको ही हम लोग बोलते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को भी जनरली कार्बोहाइड्रेट्स का सीन क्या रहता है ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और किटोन्स रहते हैं ठीक है तो मोनोसेक्राइड्स को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया फ्रुक्टोज हो गया अब ऑलिगोसेक्राइड्स में आपको पता है कि जो नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं वो टू टू टेन के बीच में होता है और पॉलीसेक्राइड्स में जो यहाँ पे दिया हुआ है हंड्रेड टू थाउजेंड के बीच में रहता है ठीक है तो ये सीन रहता है बाकी एग्जाम्पल वगैरह तो यहाँ पे दिया ही हुआ है तो ये सब मेरे हिसाब से यू हैव टू गो है एनसीआर टी ये जो ट्रायोज एल्डो ट्रायज ये सब बोला है जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ ठीक है बड़ा सिंपल है सपोज ग्लिसरल डिहाइड का एग्जाम्पल लेते हैं लुक एट दिस कलर कलर देखो इसका अगर नाम हमें बताना है मुझे बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है एल डी हाइट तो ये हो गया एल्डो और वर्टिकल में कितने कार्बन है, तो <coughs> है, है क्लियर है तो ये इसका नाम हो गया तो ये जो एल्डो ट्रायोज लिखा है आपको सबको समझ में आया बस इस एलडी हाइट की जगह अगर कीटोन हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग क्लियर बात आई थिंक इट इज वेरी सिंपल तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जैसा आगे अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन के बारे में बात हुई है जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनसीईआरटी में है तो आपको सारे पढ़ने हैं जैसे एच के साथ ऑलरेडी पढ़ा दिया है बाप रिएजेंट ठीक है तो ऑब्वियसली हेक्सेन बन जाएगा एन एच टू के साथ ये भी आज हमने देखा है आपको पता ही होगा कि एल का रिएक्शन अगर हाइड्रोक्सिलमिन से करेंगे तो हमने सीन एन पढ़ा था ऑक्साइम बनता है ठीक है क्लियर है तो ये ऑक्साइम वाला प्रोडक्ट हमने बनाया है

ठीक है जैसे मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं यह OH है, यह यहां पे dried है, तो आपको करना क्या है एडिशन एलिमिनेशन तो जस्ट एड रिमूव दिस तो आप देख सकते हो सी ओ सी एस थ्री जहां जहां ओवेच OH था वो ओ सीओ सी एस थ्री में कन्वर्ट हो गया तो इट इज वेरी इजी ठीक है कर पाएंगे मेरे हिसाब से नेक्स्ट अब अगर बात करें यहां पे तो यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन दिया गया है

बीटा और अल्फा में सबको पता होगा कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है बीटा क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे एज बॉन्डिंग का सीन रहता है ठीक है अगर इसको हम वो चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इजीली स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं लेकिन नीट में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज द रीजन आपको बस ये जानना है कि बीटा अल्फा से ज्यादा स्टेबल होता है ठीक है तो इसको पायरनोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंस्पायर्ड किससे था पायरन रिंग से था आर यू अंडरस्टैंडिंग सिक्स मेंबर और क्योंकि फ्रुक्टोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जो है वर्थ ने दिया था वो फ्यूरैन से इंस्पायर्ड था इसलिए इसको बोलते हैं

Uh, इनको जोड़ के ही हम लोग सुक्रोज बना रहे हैं। उल्टा भी तो ट्रू होगा अगर सुक्रोज को तोड़ के मुझे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज मिल रहा है तो उनको जोड़ के सुक्रोजिंग तो मिलेगा तो अब देखो इनको जब हम लोग uh, जोड़ते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स को जोड़ने वाले बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं द इथर्ड लिंकेज इज नोन एज लाइकोसाइडिक लिंकेज ठीक है तो अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन यूज हो रहा है पीटा डी फ्रुक्टोज का सेकंड कार्बन यूज हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं वन टू अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जस्ट बिकॉज दोनों का एनोमेरिक कार्बन ठीक है क्लियर है जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन था यही एनोमेरिक कार्बन है ये डैमेज हो चुका है इसलिए हम इसे बोलते हैं क्या हम इसे बोलते हैं नॉन रेड्यूसिंग शुगर जस्ट बिकॉज दोज एनोमेरिक कार्बन आइटम आर डैमेज तो दिस इज वट दिस इज बेसिकली नॉन रिड्यूसिंग शुगर अगर आपका एनोमेरिक कार्बन फ्री रह जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग शुगर क्योंकि ऑक्सीडेशन की जो कैपेसिटी होती है वो एनोमरिक कार्बन के पास ही होती है सही है अब क्योंकि सुक्रोज डेक्स्ट्रो होता है ग्लूकोज लिवो ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो होता है लेकिन फ्रुक्टोज हमारा लीवो रोटेटरी होता है और क्यूँकी देर इज अ चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन इसलिए इसको बोलते हैं इनवर्ट शुगर ठीक है अब बात करते हैं मेल्टोज की तो सबको पता ही होगा मेरे हिसाब से दो अल्फा डी ग्लूकोज को जोड़ने से वन फोर अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से meltose, जुड़ा हुआ रहता है ठीक है इट इज अ डाई नेक्स्ट अगर बात करें लैक्टोज का तो सबको पता ही होगा मेरे हिसाब से लैक्टोज के जो मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं आई थिंक एवरी वन नोज इट बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज ठीक है ये दोनों होते हैं तो आपको पता है यहां 1 वन फोर डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज यहाँ पे वन फोर बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है ठीक है आई थिंक एवरी वन नोज इट बाकी पॉली आ, जो लैक्टोज है इसमें आप लोग देख सकते हो लैक्टोज और मेल्टोज दोनों में क्योंकि अनुमानिक

H जैसे हमने DL एल कॉन्फिग्रेशन देखा था OH एच राइट में है तो D लेफ्ट में है तो L यहाँ पे वही चीज NH2 के लिए हम लोग देखते हैं ठीक है क्लियर है अगर NH2 टू राइट तो D अगर NH2 टू लेफ्ट तो हम लोग L कॉन्फिगुरेशन बोलेंगे सही बात है और बाकी ये सब आपको ये 20 अमाइनो एसिड्स का एक लिस्ट एनसीआर में मिला होगा ये सब को पढ़ना पड़ेगा ही दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसके लिए एक ही ज्ञान दे दूंगा मैं आपको ये वाला जो एन आई अमाइनो एसिड होता है सब लोग जानते होंगे इसको ये होता है ग्लाइसिन दिस इज द ओनली अमाइनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज इसके पास कायरल सेंटर नहीं है बाकी सबके पास क्या है कायरल सेंटर तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा ध्यान रहे बाकी ज्वेटर आयन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे ही दिया है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ज्वेटर आयन के बारे में बोला गया है तो इट इज वेरी सिंपल ठीक है ये होता है आपका जविटर आयन ठीक है जिसमें एसिडिक और बेसिक मीडियम मतलब पी को ऐसा एडजस्ट किया जाता है जिसमें हमें कैटाइनिक और एनाइनिक फॉर्म दोनों मिलते हैं और उस पर्टिकुलर पीएच को बोला जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ठीक है क्लियर है दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बाकी कैलकुलेशन uh, ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वगैरह वगैरह शायद नीट के लिए ना पूछा जाए लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए आयन का कॉन्सेप्ट क्या होता है ठीक है बाकी जैसे अगर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करें जैसे वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को जुड़ जोड़ते थे हम लोग ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज से सही बात है कि नहीं यहाँ पे प्रोटीन्स को कैसे जोड़ते हैं पेप्टाइड लिंकेज से ठीक है ये थोड़ा सा ध्यान रहे तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड्स को ठीक है अमाइनो एसिड्स को कैसे जोड़ते हैं पेप्टाइड लिंकेज से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है बाकी ये सब थियोरटिकल चीज़ें तो आप पढ़ ही सकते हो बस ये भी चीज़ आपको मैं एक बता दूं कि जैसे जैसे अगर आपने ये ग्लाइसिन लिया है और सपोज यहाँ पे एलानाइन ले लिया है सब लोग मेरे हिसाब से एलानाइन को जानते होंगे ठीक है तो ग्लाइसिन और एलेनाइन तो यहाँ पे अगर आप वाटर को निकालेंगे मैं एक ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूं द ऑब्जर्वेशन बेसिकली कितना अमाइनो एसिड लिया मैंने दो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इज टू ये जो तो बना है इसको क्या बोलेंगे डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड में नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंक कितना है वन आर यू अंडरस्टैंडिंग सो टू अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड टू फॉर्म अ डाइपेप्टाइड

ठीक है क्लियर है ये टेबल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ये भी बायो से रिलेटेड चीज ही है ये सब मेरे हिसाब से मेडिकल <coughs> एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा ठीक है चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विथ आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे ठीक है मेरे साथ ये जो बच्चे भी जुड़े हुए हैं उनके पास भी एनर्जी लेवल अभी भी वही है ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट चैप्टर हम लोग देख लेते हैं दैट इज इज प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक ठीक है 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 दिस लास्ट पार्ट तो बहुत चीजें हमने पहले ही ही डिस्कस कर अब इसको देखते हैं जैसे केमिकल टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स तो टेस्ट फॉर एल्कोहल सोडियम मेटल मुझे लगता है आज मैंने पचास बार तो लिख दिया ही है सही बात है कि नहीं बहुत बार लिखा है मैंने सोडियम मेटल तो अभी तक सबको समझ में आ ही गया होगा कैन टेस्ट ठीक है क्लियर है सेरिक एमोनियम नाइट्रेट टेस्ट ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है एल्कोहॉल्स के लिए ये थोड़ा सा ध्यान रहे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इसमें क्या होता है देखो आपका एल्कोहल का जो ये ओ आर वाला पार्ट है इसको लिगैंड की तरह यूज कर सकते हैं ठीक है ठेके? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है एक एनोथ्री हटाओ ओ आर को इंट्रोड्यूस करो तो येलो से कलरेशन क्या आ गया रेड ठीक है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एल्कोहल में ही ये देखा गया है कि येल्लो से रेड कलरेशन तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे बाकी जोन्स ऑक्सीडेशन के बारे में भी आप लोगों को पता ही होगा जोन्स रिएजेंट जो होता है इट इज बेसिकली अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है प्राइमरी अल्कोहल को क्या करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है जोन रिएजेंट के बारे में आपने सुना ही होगा सीआरओ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लेकिन सीआरओ में आपको बता देता हूँ बड़ा धोखेबाज चीज है H2SO4 के साथ तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन जहां वो HCl के कॉम्बिनेशन में आ जाता है तब वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है ठीक है क्लियर है तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे CrO3 में थोड़ा फोकस आपका रहना चाहिए चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव फॉरवर्ड ठीक है अब नेक्स्ट लुकास टेस्ट तो यही मैं बोल रहा था कि आपको आगे जाके बताऊंगा तो बड़ा सिंपल चीज है आपको पता है कि लुकास टेस्ट में ये थ्री डिग्री अल्कोहल्स फटाफट टर्बी देते हैं टर्बिडिटी दे देते हैं इजीली सेकेंडरी थोड़ा टाइम लगता है थ्री डिग्री सेकेंड्स में देता है टू डिग्री मिनट्स में देता है और वन डिग्री घंटों में देता है आवर्स में ऐसा क्यों क्योंकि जानते हो है क्लियर है कि सबसे इंपॉर्ट सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन होता है थ्री डिग्री फिर टू डिग्री फिर वन डिग्री सही बात है और ये जो लिखा हुआ है विक्टर मेयर टेस्ट ये भी मेरे हिसाब से सबको पता ही होगा ठीक है क्लियर है ये वन डिग्री अल्कोहल फाइनली क्या देता है रेड कलरेशन टू डिग्री एल्होल फाइनली क्या देता है Blue coloration. Three degree, no reaction. ठीक है? है है, तो इजी है मेरे हिसाब से से, आपका OH को replace कर देगा आई से. -no आपको पता ही है. आज ही हमने देखा था एल्काइल मतलब नाइट्रो बनता है. ठीक है? क्लियर है, तो यहां पे अगर हम लोग देखें फिर एच एन ओ टू के साथ नाइट्रोलिक एसिड बनता है और एन एच -oh के साथ एसिड बेस तो सॉल्ट बन चुका है ठीक है है क्लियर तो ये रेड कलरेशन का होता है तो यहाँ पे फाइनली, सेम पाथ से हम लोग जाएंगे बस एक डिफरेंस क्या है यहाँ पे तो टोटोमेरिज्म पॉसिबल था आ, यहाँ पे इसके बाद टोटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है इसलिए नो रिएक्शन ठीक है नाइट्रोल में ही रुक जाता है यहाँ पे नाइट्रोलिक एसिड नहीं बन सकता बिकॉज दिस कार्बन इज गंगा तो टोटोमेरिज्म

ऑरेंज रेड कलरेशन इसमें होता है सही बात है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट <laughs> अब यहां पे अगर देखें ये ऑक्साइम की बात की बात भी हो चुकी है बहुत पहले ठीक है आइसोमेरिज्म में वी ऑलरेडी नो इट अब अगर सोडियम बाईसल्फाइड की बात करें हाँ ये मैंने नहीं बताया था ठीक है क्लियर <laughs> है लेकिन आपको मैंने थोड़ा सा बताया जरूर था कि इसमें <laughs> ये जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है दैट इज वाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट ये कौन कौन देता है ये थोड़ा आपको जानना है ये नोट कर नोट कर सकते हो आप लोग कि ये एल्डिहाइड्स और लोअर किटोन्स देते हैं इट ठीक है क्लियर है चलो और आइडोफॉर्म टेस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये मेरे हिसाब से सबको पता ही होगा इसके बारे में मैं बस जितना बताऊंगा उतना याद रखना मिथाइल कीटो ग्रुप कौन देता है मिथाइल ग्रुप

ये अल्कोहल हो गया या फिर एल्काइल हो गया ऐसा तो नॉर्मल मिथाइल कीटो के बाद ये सब भी है जो दे सकते हैं क्योंकि आपको पता है ये ऑक्सीडाइज हो सकता है ये पहले अल्कोहल बन सकता है फिर ऑक्सीडाइज हो सकता है ये लोग भी आइडोफॉर्म देते हैं लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर नहीं देते हैं ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे आगे बढ़ते हैं लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स

पढ़ाई था हमने पर्पल टू ब्राउन बनता है ठीक है क्लियर है नेक्स्ट नाइट्रस ऑलरेडी बात किया हम लोग जानते हैं सेम गोस फॉर एरोमेटिक अमाइन आल्सो ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा ध्यान रहे ये तुम लोग देख सकते हो ये वाला रिएक्शन जो एजोडाई वाला ठीक है तो इसमें क्या होता है ये हमने एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट लिया है किसके साथ बीटा ठीक है इलेक्ट्रोफाइल को डाइजोनियम आयन जो हमने देखा था इस पोजिशन में देखो उसको अटैच कर दिया कि नहीं हमने तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रहे कलर देता है एज डाई तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है क्लियर है ये जेई में एक बार पूछ चुका है बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं है इलेक्ट्रोफाइल को ल्फा पोजीशन में हमने अटैच कर दिया है ठीक है तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बाकी टू डिग्री अमाइन के बारे में आपको पता ही होगा ठीक है डाइजोनियम सॉल्ट कंप्लीटली तो बना पाएगा नहीं नाइट्रोसो अमाइन में ही रुक जाएगा ठीक है तो क्योंकि यहाँ पे और तो टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है तो ये येल्लो ऑयली लेयर फॉर्म करता है ठीक है चलो नेक्स्ट थ्री डिग्री का तो हम लोग जानते हैं यार इस बेचारे के बारे में और क्या ही मैं बोलू बुरा ही लग जाता है ठीक है क्लियर है अब देखो यहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट 2021 में आया था ठीक है तो क्या पता होना चाहिए हमें डिग्री अमाइन के बारे में आप लोग देख सकते हो पहले तो एक सोल्यूबल सॉल्ट बनता है अब उसके बाद जब H+ के साथ रिएक्शन करोगे तो एक इनसोल्यूबल कंपाउंड बन जाता है ठीक है क्लियर है तो इनिशियली हम लोग देख रहे हैं हिंसबर्ग रिएजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस सोल्यूबल कंपाउंड बनाता है ठीक है क्लियर है बट यही चीज अगर टू डिग्री अमाइन के बारे में देखेंगे तो टू डिग्री ए में द एसिडिफिकेशन ऑफ द सोल्यूशन डिजॉल्व दल्फोन माइंड ठीक है क्लियर है एक्चुअली टू डिग्री में आपका होगा क्या मैं बताता हूं इसमें। देखो यहां डिग्री में इन्होंने ऑलरेडी लिख दिया है टू डिग्री में जो कंपाउंड बन रहा है लास्ट टाइम क्या था सॉल्ट बना था लास्ट टाइम सॉल्ट बना था तो H प्लस के साथ तो रिएक्शन फिजिबल था लेकिन मुझे बताओ क्या टू डिग्री में सॉल्ट बनेगा नो इट्स नॉट पॉसिबल इट इज नॉट ए सॉल्ट इसलिए H प्लस के साथ रिएक्शन क्या है नो no रिएक्शन तो पहला ही हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन हुआ है लेकिन फर्दर ये जो कंपाउंड है वो इनसोल्यूबल ही रह गया आर यू अंडरस्टैंडिंग वो एच प्लस के साथ नो रिएक्शन रिएक्शन मतलब इट इज नॉट शोइंग एनी लेकिन अगर थ्री डिग्री की बात करें तो आपको पता है कि ये डायरेक्ट क्वार्टनरी सॉल्ट ही बना देता है तो फर्दर रिएक्शन की फिजिबिलिटी रहती ही नहीं है तो हिंसबर्ग के साथ प्राइमरी और सेकेंडरी आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से यह रिएक्शन ने समझा होगा कि बेनजीन सल्फोनाइल क्लोराइड

अगर आप एन एन ओ टू एच सी एल के साथ करोगे तो आपको एन टू गैस रिलीज मिलेगा बबल्स का अपियरेंस ठीक है सेकेंडरी अमाइन की अगर बात करें तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि सेकेंडरी अमाइन में क्या होता है बेसिकली येलो ऑयली लेयर फॉर्म होता है जो आज आपने देखा था नाइट्रोसो अमाइन बनना तो दैट फॉर्म्स येल्लो ऑयली लेयर और अगर टर्शरी अमाइन की बात हम लोग करें टर्शरी अमाइन में क्या होता है नो no रिएक्शन Test for चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट में एक एमेनोफोर के साथ वेरी सिंपल यह आपका एनसीआरटी का डायरेक्ट रिएक्शन है क्विन बन जाता है ये आपने पढ़ा ही होगा और ब्रोमिन वाटर तो सबने पढ़ा है ट्राइब्रोमो प्रेसिपिटेट बनता है फेरिक क्लोराइड पीरिडिन के साथ आपको पता है कि कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे ठीक है ओ एच के जगह बस हम लोग ओ पी लगा देंगे दैट इज द ओनली डिफरेंस ठीक है नेक्स्ट ये वाला ये वाला मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि लिबरमैंस नाइट्रोसोटेस फिनॉल्स में भी रहता है ठीक है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अब देखो

अब आपको पता है ये जो क्विनाक्म हमें दिया गया है इसका अगर फिर से फिनॉल के साथ रिएक्शन करें एसिड के प्रेजेंस में बस हटा दो क्योंकि आपको पता है ये एसिड के के प्रेजेंस में पगला जाएगा <laughs> प्लस के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर निकला तो एक इलेक्ट्रोफाइल बना कि नहीं अब ये इलेक्ट्रोफाइल जाके पैरा पे अगर लगेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं इंडोफिनॉल तो ये कैसा कलर का होता है रेड फिर अगर बेस के साथ रिएक्शन करेंगे एसिड बेस क्या प्रोडक्ट बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल दैट इज नथिंग बट ब्लू इन कलर तो ग्रीन रेड ब्लू प्रोडक्ट बन जाता है तो बताऊंगा रिजल्ट, रिजल्ट? रिजल्ट क्या है तभी तो याद रखेंगे ठीक है क्लियर है तो मैं तुम्हें बताता हूं यहां पे आपको बस ध्यान क्या रखना है अगर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पूछा जाए क्या याद रखना है फाइनल कलर क्या होता है प्रूशियन ब्लू अगर सल्फर की बात करें ब्लैक प्रेसिपिटेट और ये डीप वायलेट ठीक है क्लियर है तो ये डीप वायलेट कलरेशन ये सब थोड़ा सा ध्यान रहे अगर बात करें हालोजन की हॉलोजन की बात करें तो ये तो सबको पता ही है मेरे हिसाब से सिल्वर नाइट्रेट के बारे में फजानसूल आपने पढ़ा ही हुआ है एजीसीएल जी सी एल वाइट पी पी टी ए वाइट पी होता है ए बी आर आप लोगों को पता है कि लाइट येल्लो होता है और ए आई डार्क येल्लो होता है ठीक है और लास्ट अगर बात बात करें ये नाइट्रोजन एंड सल्फर टुगेदर का तो ये ब्लड रेड कलर खूनी लाल ठीक है क्लियर है इसको थोड़ा सा ध्यान रखें ठीक है ये ब्लड रेड कलरेशन डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर डिटेक्ट कर सकते हो क्लियर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन तो ये थोड़ा सा अब तक जो है मैं जो आपको बता रहा था इससे पहले that was basically qualitative analysis. अब थोड़ा बात करते हैं एनालिसिस का ठीक है तो पहले डुमाज मेथड

Divided by ,400, ये ये आ गया। अब अगर मुझे मास निकालना है, है, है? है, तो मैं क्या क्या जो दिया दिया हुआ है, इसको मास के साथ। लेकिन चीज़ इसलिए से कर दिया है मैंने। उसके बाद तो इी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है हमारे पास मास है इसको डिवाइड करना है किसके साथ अरे ठीक है लेकिन इसको मल्टीप्लाई भी तो तो करना होगा क्योंकि परसेंटेज की बात है है किसके साथ 100. तो क्या तुम लोग देख सकते हो तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने कर दिया तो अगर आपको नहीं याद है तो ये सब करना ही पड़ेगा ठीक है क्लियर है तो ये थोड़ा रहे। this. This अब आते हैं, मैं तो इसे प्यार से द मेथड बोलता हूँ ठीक है लेकिन इसमें प्यार का है फिर चलो आप देखते हैं <laughs> आप देखो यहाँ पे अगर जेडाल मेथड की बात करें तो इसमें हमारा जो फोकस रहता है वो किस में रहता है एटॉमिक नाइट्रोजन में क्योंकि कन्वर्ट किस में करते हैं एमोनिया में ठीक है क्लियर है तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे एक्चुअली ये जो अमणिया हमें मिल रहा है ठीक है क्लियर है इस अमणिया का रिएक्शन एच के साथ करते हैं तो क्या बनेगा इससे एन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है ठीक है क्लियर है <laughs> इस टाइट्रेशन में मुझे मतलब है HCl से इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है n into vml सब लोग मानते हैं <laughs> तो तुम्हें पता है कि अगर <clears throat> HCl का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स n into vml है तो अमोनिया का भी n into vml ही होगा और नंबर ऑफ मोल्स भी सेम ही होगा ठीक है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू n into vml क्योंकि स्टाइक्योमेट्री तो सेम ही है दोनों का बट मेरा जो पॉइंट uh, है कि देखो एम में लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा क्योंकि हम लोग नॉर्मेलिटी से डील कर रहे हैं थाउजेंड से डिवाइड करेंगे कि नहीं तो ये हमारा क्या है नंबर ऑफ मोल्स अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास फिर से W ले लेते ले थे हैं ठीक है अब सब लोग देखो यार जब मास ऑफ नाइट्रोजन की बात करेंगे तो भाई लोग ये नंबर ऑफ मोल्स को इस बार एटोमिक नाइट्रोजन है किससे मल्टीप्लाई करेंगे अट्ठाईस फोर्टीन यस ठीक है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की जब बात करेंगे तो हमें क्या करना है बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है सॉरी डिवाइड करेंगे w से क्लियर ठीक है hmm. सही कि हमने बस एक गलती हमने कर दिया था ना यहाँ पे थाउजेंड होगा और यहां पे क्या हो जाएगा इंटू हंड्रेड इट इज करेक्ट सबको समझ में होगा मैंने बस ये गलती कर दिया था ये थाउजेंड ये थाउजेंड ऑब्वियसली परसेंटेज की बात है तो इंटू हंड्रेड कर देंगे क्लियर है बात तो आप लोग देख सकते हो तो यही फॉर्मूला इधर भी है hmm. ये एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं आपको एक्सेप्शंस बता रहा हूँ मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मैं आपको एक्सेप्शंस बता रहा हूँ मैं आपको बताना चाहूंगा, बता चाहूंगा। नीट 2022 में एग्जैक्ट क्वेश्चंस इससे पूछा गया था ठीक है आप लोग सॉरी ठीक है ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे uh, this, there, there, there are certain exceptions जो applicable नहीं होते हैं मेथड जिसमें जैसे हो 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 गया नाइट्रोसो हो गया एजो हो गया हो गया 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 और हो गया, तो ये सब ये सब सब थोड़ा सा ध्यान रहे में जेडाल नहीं होता है ठीक है तो ठीक है फिर कंक्लूजन ऑफ दिस मैराथन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन वन शॉट ठीक है क्लियर है तो ऑब्वियसली ये yeah. पहली बात तो देखो ये ये स्टूडेंट्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ये मेरे लिए क्लैप कर रहे हैं लेकिन मेरे हिसाब से उससे ज्यादा मुझे इनके लिए क्लैप करना चाहिए क्योंकि ये लोग भी मेरे मेरा एनर्जी का रीजन यही है कि इन्होंने बिल्कुल मोमेंटम मेरा बनाए रखा है तो बिल्कुल थैंक यू सो मच पहले तो थैंक यू सो मच टू द स्टूडेंट्स फॉर बींग सो कंसिडरेट एंड बींग वेरी पोलाइट एंड नेक्स्ट मैं थैंकफुल हूँ मेरे डिजिटल टीम के सपोर्ट uh, के तरफ से ठीक है क्लियर है करण सर उन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया है मेरे साथ बिल्कुल बने रहे हैं अभी तक ठीक है और एवरी मेंबर एक्चुअली सर के साथ मैं बाकीयों को भी मेंशन करना चाहूँगा डिजिटल टीम हमेशा से बहुत सपोर्टिव और बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं ठीक है एंड ऑब्वियसली आई एम थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो फिर गिविंग मी दैन फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि मुझे मौका मिला कि मैं ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को हेल्प uh, कर पाऊँ एक मैराथन क्लास के साथ और <coughs> और ऑब्वियसली मैं आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द ऑनलाइन व्यूअर्स आल्सो क्योंकि आप लोग मेरे से जुड़े रहे थैंक यू सो मच प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि जो भी नीडी एस्पिरेंट्स हैं जिनको हेल्प चाहिए उन तक ये पहुँचे यही हमारा मेन मोटिव है ठीक है थैंक यू सो मच